हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामे के स्टार्ट में हमें हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जिसका नाम मिस्टर लू है और बाय प्रोफेशन वो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। और अगर उसकी हॉबीज की बातें करें तो वो काफी निराली टाइप की हैं। उसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का बहुत शौक है और स्पेशली ऐसी स्पोर्ट्स जिसमें हाइट इन्वॉल्व होती है वो उसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देती है। ऑल तो ऐसा करते हुए कई दफा उसकी जान भी जाने वाली थी, लेकिन फिर भी वो अपने इस पैशन से दूर नहीं हो पाता। और फिर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम टैंग है, और वो भी पहली दफा लू को एक ऐसी ही जगह पर देखती है जब वो ट्रिप पर आई हुई थी। और वो वहां पर उसे पैराशूट से उतरते हुए देखती है तो उसकी क्यूट सी और स्वीट सी स्माइल उसका दिल छू लेती है। अब टैंग खुद को रिलैक्स करने के लिए ट्रिप पर आ तो गई थी, लेकिन बंजी जंपिंग करते हुए उसकी जान जा रही होती है। यहाँ पर लू भी पहुंच जाता है और फिर जब वो देखता है कि एक लड़की इतना तंग कर रही है जिसकी उससे पहले बारी है, तो वो उसे शांत कराने लगता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे खुद पर विश्वास दिलाता है और फिर उसकी आंखें बंद करा के उसे एक जोरदार धक्का दे देता है। अब टैंग बेचारी बहुत चीखती है, उसे बड़ा डर लगता है और वो सोचती है कि ये लड़का तो बस मुझे मारने ही वाला था। और फिर ऊपर आकर कहती है कि मैं तुमसे पूरा पूरा बदला लूंगी। लेकिन टैंग को अंदाजा नहीं था कि लू को हाइट से बिल्कुल डर नहीं लगता। वो उसे धक्का दे या जो करे उसको बहुत मजा आने वाला था और वहीं पर ही वो पूरी इंजॉयमेंट करता है। और इसके बाद हमें दिखाते हैं कि टैंग ने अपने हाथ में एक पॉइजनस मशरूम पकड़ी हुई होती है जो कि लू देख लेता है और यहाँ आकर उसकी जान बचाता है। अब एक दफा उसी ट्रिप में नेचर में खड़ी हुई टैंग अपना नाम पुकार पुकार कर खुद को कहती है कि अब से मैं खुश रहूंगी। वो खुद को रिलैक्स कराने के लिए ये सारा कुछ कर रही थी, लेकिन वहीं पर ही लू भी उसे देख लेता है। जो नेचर की फोटोग्राफी करने के लिए आता वो उसकी एक प्यारी सी फोटो ले लेता है। अब जब वो लोग कैंपिंग पर थे तो टैंग रात को वहां सैर करने के लिए जंगल में निकल पड़ती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका सामना एक पॉइजनस स्नेक से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी उसकी जान बचाने के लिए मिस्टर लू पहुँच जाता है और फिर उसकी जान भी बचाता है और उसे अपने साथ वापस ले जाने लगता है। लेकिन वो बेचारी रास्ते में मुंह के बल गिर जाती है और इसी बीच उसकी नेक लाइन के करीब एक लीच उसे चिपक जाती है। अब यहाँ पर भी लू उसकी हेल्प करता है और फिर उसे बताता है कि पॉइजनस थी, इसलिए तुम्हें फौरन ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब उठाकर उसे अपने ही कैंप में ले जाता है, उसे अपने टेंट में सुलाता है और फिर कहता है कि ये मुझे सक करके रिमूव करना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। अब टैंग बहुत शर्माती है और वो उसे तसल्ली देने के लिए यही कह रहा था कि देखो हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं और आज के बाद भी हमने नहीं मिलना, इसलिए डोंट वरी, तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद वो उसकी बैंडेज भी कर देता है। अब ये सब होने के बाद लू साइड पर बैठा यही सोच रहा था कि मेरी एक बचपन की क्लास फेलो थी, उसका नाम भी लकी टैंग ही था, शायद ये वही लड़की हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उनकी मुलाकात नहीं होती और वाकई वो दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। टैंग एक्चुअली अब्रॉड में पढ़ती थी और बहुत सालों बाद चाइना वापस आई थी। अब वो अपनी ग्रैंड माँ के घर में जाने लगती है, उनके फ्लैट की उसके पास थी। वो अंदर घुस जाती है लेकिन आगे तो एक लड़का होता है जिसका नाम जैन था। अब उसने वो अपार्टमेंट रेंट पर लिया हुआ होता है। वो और टैंग जब आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे को देखते ही दोनों ही डर जाते हैं। जैन फौरन से लीगल डॉक्यूमेंट लाकर दिखाता है कि देखो ये अपार्टमेंट मुझे रेंट पर मिल चुका है, इसलिए तुम अब निकलो यहाँ से। लेकिन टैंग भी आसानी से मानने वाली नहीं थी। जब वो सीधी तरह से नहीं मानता तो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है, कहती है कि मेरा यहाँ पर और कोई भी नहीं है और अगर तुम्हारी वजह से एक लड़की बाहर सड़क पर पड़ी हुई मारी गई या उसके साथ कुछ गलत हो गया तो तुम सारी जिंदगी खुद को ही दोष देते रहोगे, बस आज की रात मुझे यहाँ ठहरने दो। तो इन दी एंड उसका टेनेंट एग्रीमेंट उठाकर कमरे में भाग जाती है। अब जैन बेचारे को भी उस पर थोड़ी दया आ गई थी और वो सोचता है कि इसको एक रात यहाँ रहने दूँ काफी मजबूर लगती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब जैन उठता है तो वो देखता है पूरे घर का स्टाइल ही बदला हुआ था। टैंग ने अपना सारा सामान निकाल कर वहाँ पर डेकोरेट करके रख लिया था, इवन के जगह जगह उसे गर्ल्स की चीजें भी बिखरी हुई नजर आती है जो देख कर उसे बहुत गुस्सा आता है। और वो उसकी खिड़की खोलकर उसे वार्निंग करने लगता है कि अगर तुम आज यहाँ से बाहर ना निकली तो फिर मैं पुलिस को बुला लूंगा। और फिर इस मैटर को हैंडल करने के लिए टैंग और जैन दोनों ग्रैंडमा के पास पहुंच जाते हैं। ग्रैंडमा टैंग को कहती हैं कि मुझे पता है वो तुम्हारे बचपन का घर है, तुम्हारी यादें वहां से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब तो वो रेंट पर जा चुका, मैं तुम्हारे लिए और जगह अरेंज कर दूंगी। लेकिन एक्चुअली टैंग को अपनी ग्रैंडमा से पैसे लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उन्हें यही कन्विंस करती है कि आप किसी तरह से इस लड़के को मनाने की कोशिश करें और हाफ रेंट मैं पे कर दूंगी। जैन ग्रैंड माँ की काफी रिस्पेक्ट करता था तो इन दी एंड वो इस बात पर मान जाता है कि घर में उसी के ही रूल्स चलेंगे, लेकिन वो सिर्फ इस शर्त पर उसे रहने देगा कि सारे यूटिलिटी बिल्स टैंग पे करेगी।
अब टैंग खुश हो गई थी। बहुत सालों बाद वो अपने होम टाउन में वापस आई थी। वो अपनी बचपन की फेवरेट कैंडीज भी एक जगह पर जाकर इंजॉय कर रही होती है। जब वो वहाँ से उठती है तो लू भी वहीं पर आकर अपने डॉग के साथ बैठ जाता है और वो भी वही कैंडीज खा रहा होता है। एक्चुअली यही वो पॉइंट था जहाँ पर लू और टैंग की बचपन की यादें जुड़ी हुई थी और वही यादें ताज़ा करने के लिए लू अक्सर यहाँ पर आता था। फिर उसके बाद हमें एक और करेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम एल्बर्ट है, जो कि अब्रॉड से आजकल चाइना आया हुआ है और उसकी वहाँ पर एक वाइफ भी है जिसे वो वीडियो कॉल कर रहा होता है। और इसके बाद वो टैंग की फोटो को देखने लगता है। एक्चुअली वो टैंग का एक्स बॉयफ्रेंड था। अब जैन बेचारे ने टैंग को घर पर रख तो लिया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो कितनी कंजूस है। और वो हीटर भी घर में बहुत कम चलने देती थी और गीजर भी, ताकि बिजली की ज्यादा से ज्यादा बचत कर सके। जैन कहता है कि तुम अब मेरी हाउसमेट नहीं रह सकती, ये डील खत्म करते हैं। लेकिन टैंग भी जिद कर गई थी और कहती है कि रियल मैन बनो और हमारे कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पेक्ट करो। जब जैन से लड़ाई करने के बाद टैंग को फुर्सत मिलती है तो उसे अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं, क्योंकि उसे एल्बर्ट का एक मैसेज आया था कि वो भी चाइना आया हुआ है। और फिर हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली एल्बर्ट ने टैंग के साथ धोखा किया था और उसको छोड़कर उसने एक अमीर लड़की से शादी कर ली थी। अब नेक्स्ट डे टैंग एक जगह जा रही थी तो उसी होटल में उसकी मुलाकात मिस्टर ही से होती है। मिस्टर ही बहुत हैंडसम था। टैंग को उसे देखते ही याद आने लगता है कि इसने मिस्टर ही को यूएसए में अपनी ही यूनिवर्सिटी में देखा था। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसका ही सीनियर है। लेकिन टैंग ने तब ग्लासेस भी लगाए थे, हेयर स्टाइल भी डिफरेंट था, तो वो उसे पहचान नहीं सका था आज। एक्चुअली उसी होटल में मिस्टर ही एल्बर्ट से मिलने के लिए आया हुआ होता है और यहाँ पर टैंग भी उनको देख लेती है और एल्बर्ट को देखते ही उसका मूड बहुत खराब हो जाता है। अब उनसे मीटिंग करने के लिए एक तीसरा पर्सन भी पहुंचा हुआ था जो कि मिस्टर लू था। अब टैंग का तो बहुत मूड खराब हो गया था। वो खुद को शांत कराने के लिए एक एक्वेरियम देखने के लिए चली जाती है और उसी छोटे से एक्वेरियम पर इत्तेफाक से जैन भी बैठा हुआ था। वो जैन को वहाँ पर तंग करने लगती है और एक नन्हे मुन्ने से टर्टल को देखकर कहती है कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल तुमसे मिलती है और उन दोनों में इतनी सारी सिमिलैरिटीज निकाल देती है कि शॉप ऑनर को भी ऐसे ही लगने लगता है कि जैसे वाकई इस टर्टल की शक्ल जैन से मिलती है। अब वो ये टर्टल खरीद भी लेती है और इसका नाम डिम्पल रख देती है। जैन की टैंग से अब थोड़ी बहुत दोस्ती होने लगी थी। वो दोनों एक सस्ते से रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाते क्योंकि ट्रीट आज टैंग की तरफ से थी। अब टैंग अपसेट भी थी एल्बर्ट को देखकर, तो वो वहाँ पर काफ़ी सारा ड्रिंक कर लेती है। अब एक दफ़ा जैन तो उसके साथ नहीं बैठा हुआ था, एक कॉल सुनने गया था, तो मिस्टर लू वहाँ पर आता है और टैंग को ड्रिंक करते हुए देख लेता है। उसका असिस्टेंट भी सोचने लगता है कि आजकल इस लड़की से आपकी बहुत मुलाकात हो रही है। टैंग बेचारी अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी। एल्बर्ट को खोने के बाद उसका यूएसए में मन भी नहीं लगता था। उसका प्रोफेसर भी वो कंट्री छोड़कर चला गया था, तो वो अपनी मम्मी से लड़ती है और कहती है कि मैं चाइना वापस जाना चाहती हूँ, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इससे ज्यादा स्ट्रगल और फाइट वो नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब मम्मी से तो उसकी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि उसकी मम्मी का कहना था कि यहाँ पर तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है और बहुत अच्छा कैरियर है। लेकिन टैंग उनकी एक भी नहीं सुनती और यूएसए छोड़कर चाइना आ जाती है। अब टैंग तो जॉबलेस थी, तो जैन बातों बातों में उससे कहता है कि तुम मुझे अपनी सीवी सेंड करो तो मैं तुम्हारे लिए जॉब का अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन अपनी सीवी वो किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। वो कहती है कि बिना सीवी के कोई छोटा मोटा सा काम जैसे सिर्फ मेरा गुजारा चल सके वही अरेंज कर दो। अब जैन उसे कहता है कि जिस कंपनी में मैं मैनेजर हूँ वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, तुम कल वहाँ इंटरव्यू देने चले जाना। अब नेक्स्ट ही डे उसी कंपनी में टैंग इंटरव्यू देने पहुँच जाती है। अब इंटरव्यू तो उसका कुछ खास नहीं हुआ था, ना ही उसकी सीवी इंप्रेसिव थी, ना कोई एक्सपीरियंस उसने लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जैन एक चाल चलता है और इंटरव्यू लेने वाली जेसिका को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने सुना है ये जो लड़की अभी आई है ना, ये मिस्टर लू की कोई स्पेशल है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये मिस्टर लू की ही कंपनी है और जैन वहीं पर ही मैनेजर है। अब वो जेसिका को ऐसे पागल बनाता है। अब जेसिका भी डर जाती है और फौरन से जाकर उस जॉब के लिए टैंग को सिलेक्ट कर लेती है। अब टैंग ने वो जॉब सीखनी थी। वो जॉब बहुत सिंपल सी थी और वहाँ पर उसके साथ एक और लड़की भी उसकी हेल्प करेगी जिसका नाम मैंग है। अब मैंग उसे थोड़ा बहुत रोप बिछाड़ती और उस जॉब के बारे में बताने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मिस्टर लू ऑफिस में आता है और वो जैन से यही कहने लगता है कि हमने एक नए प्रोजेक्ट पर मिस्टर ही की कंपनी से मुकाबला करना है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली ही और जैन दोनों भाई हैं, लेकिन जैन की अपने भाई से नहीं बनती तो वो उस कंपनी की बजाय लू की कंपनी में जॉब कर रहा है। और मिस्टर लू और मिस्टर ही दोनों की कंपनीज एक हैश प्रोजेक्ट के लिए आजकल कम्पीट कर रही होती हैं और वो हैश प्रोजेक्ट एक्चुअली एल्बर्ट के हाथ में था। अब थोड़ी देर बाद टैंग वहाँ खड़ी होती है, लू भी सामने आता है, उसके पास आता है जैसे उससे कोई बात करेगा, लेकिन एक्चुअली
उसे चीजें जगह से हटी हुई बिल्कुल पसंद नहीं थी और यही करने के लिए वो आया था। उधर हमें मिस्टर ही को दिखाते हैं, उसकी नजरें भी आजकल हैश प्रोजेक्ट पर ही थी। इसके साथ साथ हमें थोड़ी थोड़ी उसकी नेचर के बारे में भी पता चलता है। वो काफी फ्लर्टी टाइप का है जो कि अक्सर अपनी सेक्रेटरी के साथ भी फ्लर्ट करता रहता है, और उसकी स्माइल इतनी कातिल थी कि बहुत सी लड़कियां पहली ही नजर में उसे दिल दे बैठती थी। उसके बाद हमें टैंक को दिखाते हैं, उसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और रोल प्लेइंग सीखने के लिए एक जगह पर क्लासेस लेने के लिए जाना था। लू भी वहीं पर आकर बैठा हुआ होता है, लेकिन एक्चुअली वो तो उनको चेक करने के लिए आया था क्योंकि वो अपने नए ऐप के लिए उन्हीं की कंपनी से रोल प्लेयर लेना चाहता था। अब यहाँ पर वो लोग जब प्रैक्टिस करा रहे होते हैं तो टैंक और लू को एक दूसरे का पार्टनर बनना पड़ता है। यहाँ पर वो काफ़ी डिफरेंट टाइप की हरकतें करने लगते हैं, कभी कभी एनिमल इंस्टिंक्ट दिखानी होती है तो कभी ऐसे एक्टिंग करनी पड़ती है कि जैसे वो दोनों पार्टनर्स हों और उनकी काफ़ी अच्छी बन रही हो। यहाँ पर एक्टिंग में एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि उनको हग करना पड़ता है, और टैंग और लू बहुत टाइटली एक दूसरे को हग कर लेते हैं और उनकी एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक लग रही थी कि सब उनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद टैंग ऑकवर्ड फील करती और जल्दी में वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसकी डायरी पीछे ही रह गई थी। अब टैंग के घर पर मिस्टर ही आता है। मिस्टर ही ने अभी तक टैंग को नहीं पहचाना था कि ये यूएसए की यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा मिल चुके थे। टैंग भी अपनी पुरानी रियलिटी उनको नहीं बताना चाहती थी कि वो कहाँ से आई है, तो उसको यही पता चलता है कि ये जैन से मिलने के लिए आया है, लेकिन वेट नहीं करना चाहता, जैन आज लेट ऑफिस से वापस आएगा। ये सुनकर मिस्टर ही नीचे चला जाता है और नीचे उसकी मुलाकात जैन से होती है। वो जैन को यही ऑफर करता है कि तुम लू की कंपनी छोड़कर वापस मेरे पास आ जाओ, लेकिन जैन की अपने भाई से जरा भी नहीं बनती थी। वो आज भी उनको साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जहाँ हूँ बिल्कुल खुश हूँ, बेशक मैं कम कमाता हूँगा लेकिन मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि हर वक्त मुझे आपकी जली कटी बातें नहीं सुनना पड़ती। उधर हमें दिखाते हैं कि टैंक की डायरी अब मिस्टर लू के हाथ लग चुकी थी, और वो पढ़ने के बाद उसे कहीं हद तक कंफर्म हो ही जाता है कि ये उसकी बचपन की फ्रेंड लकी टैंक है। टैंक उस समय जैन के साथ बैठी डिनर कर रही होती है कि अचानक उसे ख्याल आता है कि उसकी डायरी तो मिसिंग है। वो डायरी उसे इतनी प्यारी थी कि वो फौरन से भागती हुई जाती है और वहीं पर ही चेक करने लगती है, पर कहीं उसकी डायरी नहीं पड़ी हुई थी। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर लू ने उसकी डायरी उठा ली थी। अब लू उसकी डायरी पढ़ते पढ़ते सो जाता है। उसका पेट डॉग वहाँ पर आता है और उस डायरी से खेलने लगता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत क्यूट क्यूट टॉयज लगे हुए थे। उधर टैंग अपने माइंड में सोचने लगती है कि ये लू मुझे दोबारा कहाँ मिलेगा और मैं कैसे इससे डायरी निकलवाऊँ, जबकि लू बेचारा जब तक वो उठता है उसके डॉग ने उस डायरी से खेल खेल कर उसका बुरा हाल कर लिया था और आधी खा भी ली थी। अब ये देखकर लू को बड़ा गुस्सा आता है। वो डॉग को डांटता भी है, इवन कि उसे गेट आउट भी बोलता है, गालियाँ भी देता है, लेकिन अब क्या फ़ायदा था। इन दी एंड खुद ही अपने डॉग की काउच में बैठकर अपनी हालत पर रो रहा होता है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में जब टैंग मिस्टर लू को देखती है, उसने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, वहीं पर ही उन्हें रोकने लगती है कि कल क्या हुआ था बताओ और मेरी चीज़ मुझे वापस करो। लेकिन इतने में सेक्रेटरी आती है और बताती है कि यहाँ नई एम्प्लॉई है और इनसे सॉरी बोलो, यही तो हमारे बॉस हैं मिस्टर सीईओ। अब ये देखकर तो टैंग हैरान रह गई थी। जो लड़का उसने समझा था कि स्ट्रेंजर है मुझे कभी भी नहीं मिलेगा, वो तो उसका बॉस निकला था। इतने में आज ऑफिस में मिस्टर ही भी आ जाता है और वो लू से मिलने के लिए आया था और वो उसे एक डील भी करना चाहता है। कहता है कि तुम हैश कंपनी के प्रोजेक्ट के पीछे ना चलो, हम दोनों आपस में ही कोई सेटलमेंट कर लेते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स तुम ले लो और दूसरा प्रोजेक्ट मुझे दे दो। लेकिन ये बात लू भी मानने से इनकार कर देता है और उसके साथ साथ जैन भी। वहाँ पर वो लोग एक प्रपोजल भी लेकर आए थे और वो प्रपोजल मिस्टर ही की सेक्रेटरी के लैपटॉप में था, लेकिन लैपटॉप थोड़ी सी गड़बड़ करने लगता है। अब वो वहाँ के आईटी प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, वैसे तो जैन भी था लेकिन वो अपने भाई के लैपटॉप को हाथ नहीं लगाता, और लोग आकर कई दफा ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। अब मिस्टर ही काफी इंसल्टिंग स्माइल देता है कि लू के पास इस तरह के प्रोफेशनल्स हैं। हमें जैन की कुछ यादों को दिखाते हैं। एक्चुअली उसे गेमिंग का और स्पोर्ट्स का बहुत शौक हुआ करता था, और हाई स्कूल टाइम से ही जब वो इन चीजों में इंटरेस्ट लेने लगता था तो ही उसे मना करता था और ज्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पर करने को कहता था। और इसी बात को लेकर इन दोनों की एक दफ़ा लड़ाई हुई थी जब वो अपने स्केटबोर्ड को सीखना चाहता था और ही ने गुस्से में वही तोड़ दिया था। और फिर हमें प्रेजेंट में ले आते हैं और दिखाते हैं कि जो बग मिस्टर ही के कंप्यूटर में था वो किसी से भी फिक्स नहीं हो रहा था। टैंग भी कॉफ़ी सर्व करने के लिए आती है तो वो सबको ऐसा करते हुए देखती है तो उसे पता चलता है कि जैन की कंपनी की कितनी इंसल्ट हो रही है। वो सबको हटाती है और खुद वहाँ बैठ जाती है।
अब वो जिस तरह से काम कर रही थी तो यहाँ पर ही को अपनी यूनिवर्सिटी की कुछ यादें आने लगती हैं। वहाँ पर भी एक दफ़ा टैंग ने उसके कंप्यूटर को फिक्स करने के लिए उसकी हेल्प की थी और उसके काम का यही स्टाइल था, जब वो काम करती थी तो किसी को कुछ भी नहीं बोलने देती थी। तो यहीं पर ही उसे पहली दफ़ा क्लिक होता है कि टैंग कौन है और उसने उसे एल्बर्ट के साथ देखा था। अब टैंग सारा काम पूरा कर लेती है लेकिन इन दी एंड उठ जाती है और सारा क्रेडिट जैन को लेने देती है। अब फाइनली उनका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया था। अब जब उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो जाते जाते मिस्टर ही रिसेप्शन के पास रुकता है, टैंग का नाम भी पूछता है और उसकी कॉफ़ी की तारीफ भी करके जाता है। अब थोड़ी देर बाद टैंग एक काम से नीचे आती है तो देखती है कि मिस्टर ही वहीं बैठा खामोशी से उसका वेट कर रहा था और उसे वहां पर वो एल ए के नाम से बुलाता है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में वो एल ए का नाम यूज़ करती थी। मिस्टर ही कहता है कि सॉरी, मैं पहली दो दफ़ा तुम्हें पहचान नहीं पाया था लेकिन आई गेस तुमने मुझे पहली दफ़ा ही पहचान लिया था। और फिर वो उससे कैजुअली कुछ बातें करता है और इसके साथ साथ उसे अपना बिजनेस कार्ड भी देता है, कहता है मुझे वीचैट पर ऐड कर लेना। उनको इस तरह से देखकर यियलिन बहुत जेलस हो जाती है, जो कि मिस्टर ही की सेक्रेटरी थी, और वो जल्दी में एक अपॉइंटमेंट का कहकर उन्हें वहां से लेकर चली जाती है। उधर लू भी खड़ा यही सोच रहा होता है कि आखिर ही उस लड़की को देखकर स्माइल क्यों कर रहा था, क्या वो टैंग को जानता है। और फिर वो ये भी सोचने लगता है कि क्या उसने जानबूझकर वो डायरी गिराई थी, वो मेरी कंपनी में क्यों आई, मुझे ट्रिप पर क्यों मिली, क्या ये सब कुछ वो प्लान तो नहीं कर रही। वो बार बार जिस तरह से उसके सामने आती थी और फिर उसी के ऑफिस में काम करने लग गई, उसे ये सब कोइंसिडेंस नहीं लगता था। उधर जैन को टैंग पर अब पक्का शक हो गया था, उसने भी जाल बिछाया हुआ था। जब टैंग घर आती है तो उसने एक बहुत बड़ा गेमिंग सेटअप करके रखा हुआ था, क्योंकि गेमिंग ही टैंग की कमजोरी थी। वो उससे कहता है कि अगर तुम 20 मिनट के अंदर अंदर इन दोनों कंप्यूटर के बग्स को सॉल्व कर सकती हो तो फिर जैसे चाहो गेमिंग खेलो, तुम्हें सब इजाज़त है। अब टैंग की वीकनेस उसके सामने थी तो वो जल्दी जल्दी अपना काम करती है, वो एक स्किल्ड प्रोग्रामर थी। ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद वो जैन को सरप्राइज कर देती है और अब वो मज़े से उसके गेमिंग सेटअप पर खुद भी खेल सकती थी। उधर हमें मिस्टर लू को दिखाते हैं, उसने आज बहुत तरह के स्टफ टॉय मंगवाए हुए थे लेकिन कोई भी आइटम ऐसा नहीं था जो कि टैंग की डायरी को फिक्स कर सके। उसके डॉग ने जो मिस्टेक कर दी थी वो लग रहा था कि अब ठीक होने वाली नहीं है। और जैन को तो अब अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़की कोई आम सी गर्ल नहीं है बल्कि ये एक कंप्यूटर जीनियस है। तो अब टैंग को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, कुकिंग में अच्छा था तो कहता है कि अब से तुम्हारे खाने का ख्याल मैं रखा करूँगा। आज उसको बहुत अच्छे से खाना खिलाता है और उसके बाद उससे पूछने लगता है कि मुझे सच सच बताओ, तुम अब्रॉड में कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही हो। अब टैंग उसको अपना फ्रेंड मानती थी तो उसे सब सच बता देती है कि मैं यूएसए से आई हूँ और वहाँ की बहुत बड़ी एक हैश कंपनी थी जिसमें वो प्रोग्रामर की जॉब किया करती थी। उसके कभी भी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे और इसीलिए वो यहाँ पर वापस आई है क्योंकि आजकल उसका काम में मन नहीं लग रहा था। वो ये भी रिक्वेस्ट करती है जैन को कि ये सब कुछ सीक्रेट रखना। अब वो जैन से पूछने लगती है कि तुम लू को कैसे जानते हो। जैन उसे बताता है कि मैं और मेरा भाई मिस्टर ही हम लोग लू के साथ स्कूल के टाइम से थे। और वो उसके बारे में उसे बहुत सारी बातें बताता है कि वो जितना सख्त और जितना स्ट्रिक्ट लगता है वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो वार्म हार्टेड है और इसके साथ साथ जो रूडनेस उसके फेस पर है वो उसके दिल में नहीं होती। टैंग लू के बारे में बहुत सारी बातें जैन के थ्रू निकलवा लेती है। और फिर हमें एल्बर्ट को दिखाते हैं, उसे याद आ रहा था कि एक दफ़ा टैंग ने उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया था जो उसने वादा किया था कि वो हमेशा पहन कर रखेगा। टैंग ने तो अपने ऑफिस की जॉब बहुत अच्छे से संभाल ली थी और जो सीनियर रिसेप्शनिस्ट थी अब उसे उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, वो उससे भी बेटर तरीके से हर चीज़ को अरेंज कर लेती थी और इसमें अपनी कंप्यूटर स्किल्स भी बहुत अच्छे से यूज़ करती थी। उधर मिस्टर ही आज एल्बर्ट से मिलने के लिए जाता है और बातों बातों में उसे जिक्र करता है कि मैं एक स्टूडेंट्स रीयूनियन रखना चाहता हूँ। जो भी हमारे यूनिवर्सिटी के चाइनीज स्टूडेंट थे अब उनको यहाँ पर देखा है तो एक जगह डिनर पर इन्वाइट करूँगा, आई होप तुम भी ज़रूर आना। उधर ऑफिस में टैंग की फ्रेंड मिंग उसे वॉर्न कर रही होती है कि जैन से बचकर रहना क्योंकि ये मिस्टर लू का बेस्ट फ्रेंड है, अगर इसके सामने कोई गड़बड़ कर दी तो फिर लू का सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही निकलेगा। लेकिन असल में तो उस बेचारी को पता ही नहीं था कि जैन और टैंग दोनों फ्रेंड्स हैं और एक ही घर में रहते हैं। मिस्टर ही अब टैंग को लेकर काफ़ी क्यूरियस था कि वो इतनी अच्छी जगह से पढ़कर सिर्फ एक रिसेप्शन की जॉब क्यों कर रही है। वो अपनी सेक्रेटरी यियलिन को कहता है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, उसके सीक्रेट्स जानो, उस पर नज़र रखना। लेकिन यियलिन एक्चुअली दिल ही दिल में मिस्टर ही को बहुत लाइक करती थी। उधर टैंग आज कॉफ़ी लेकर जाती है मिस्टर लू के पास लेकिन वो कॉफ़ी उसने उनकी पसंद की नहीं बनाई थी तो वो उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि आइंदा से एहतियात करना। लेकिन वो उन पर गुस्सा करने लगती है, जाकर दरवाज़ा बंद करती है और कहती है कि मेरी डायरी कब वापस करोगे।
अब मिस्टर लू कहता है ठीक है मैं कल ले आऊंगा। इतने में ऊपर से जैन भी आ जाता है और उनको अपनी बात खत्म करनी पड़ती है। एक्चुअली जैन ने ऑफिस में किसी के ऊपर भी ये शो नहीं किया था कि वो टैंक को जानता है। वो बिल्कुल अननोन्स की तरह से ऑफिस में रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टर लू को शक हो रहा था कि टैंक किसी मकसद के साथ यहाँ पर आई है और वो नहीं वो जो दिखाती है। आज ऑफिस के बाद टैंक और जैन दोनों एक जगह पर स्वॉर्ड्स खेलने के लिए जाते हैं और मजे की बात है कि वहीं पर ही मिस्टर ही भी आ जाता है, जिसे देखकर जैन का मूड बहुत ऑफ हो गया था। लेकिन साथ ही साथ जब उसे पता चलता है कि यही टैंग, इसका नाम एला है और वो मेरे भाई की जूनियर है, तो ये सुनकर तो वो और भी गुस्से में आ जाता है। और टैंग को भी आज पहली दफा पता चला था कि ये दोनों भाई भाई हैं। अब इनकी दुश्मनी इतनी पीक पर होती है कि जैन अपने भाई को चैलेंज कर देता है और कहता है कि मेरे साथ कम्पीट करो, अगर मैं जीतूं तो मेरी लाइफ में कभी नाक ना अड़ाना। अब टैंक साइड पर खड़ी होकर उनका मैच देख रही होती है। मिस्टर ही और जैन दोनों आपस में फाइट करते हैं। जैन काफी अच्छा लड़ा था लेकिन इन दी एंड वो हार ही जाता है और ये देखकर उसका इतना मूड खराब होता है कि वो एक गर्ल के सामने हारा है कि वो गुस्से में वहां से चला जाता है। तो अब मिस्टर ही को ही टैंक को वापस ड्रॉप करना पड़ता है। यहाँ पर वो दोनों वॉक भी करते हैं और साथ ही साथ बातें भी करते रहते हैं, अपने यूनिवर्सिटी के दिनों की बातें याद करते हैं। और मिस्टर ही इस बात से भी हैरान था कि टैंक क्यों ये छोटी सी जॉब कर रही है। लेकिन टैंक उनसे कहती है कि जब सही समय आएगा तो ही मैं आपको इसका रीजन बताऊंगी। अब यहाँ पर हमें एक और बात भी पता चलती है और वो ये कि मिस्टर ही टैंक में काफी इंटरेस्ट लेने लगता है। वो उसके बालों को छूना चाहता था लेकिन फिर मॉस्किटोज होने का बहाना करने लगता है। अब इसके बाद वो उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए भी आता है और उसकी सीट बेल्ट भी खोलता है। उसे बहुत अच्छे से पता था कि लड़कियों की हार्ट को कैसे फ्लटर कराया जाता है और उसे खुद भी ये बात पता थी कि यही उसकी बिगेस्ट क्वालिटी है। अब जब वो घर वापस आती है तो जैन बड़े गुस्से में था कि तुम मेरे भाई के साथ क्यों आई हो, जबकि टैंक अलग उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझे वहां लेकर गए और फिर छोड़ कर आ गए। तुम्हें थोड़ा एहसास नहीं हुआ कि मैं यहां पर नहीं आई हूं? अगर मैं अकेली सड़क पर रह जाती, मुझे कुछ हो जाता, कोई मार डालता तो क्या होता? अब हमेशा से जैन को वो इसी तरह से वुमेन कार्ड खेल कर इमोशनली ब्लैकमेल कर लेती थी और जैन हो भी जाता था। आज भी वो हो जाता है और फिर टैंक से सॉरी भी करता है। उधर टैंक जब अपने रूम में जाती है तो उसे बार बार मिस्टर लू का ही ख्याल आया जा रहा था कि वो काफी हैंडसम है, स्मार्ट है, लेकिन इतना रूड क्यों है और मेरी डायरी क्यों वापस नहीं कर रहा। उसके बाद कभी कभी हमें जैन के पुरानी यादों को भी दिखाने लगते हैं। ही के पहले अच्छे रिलेशंस भी हुआ करते थे जैन से और वो उसकी हेल्प भी करता था अपनी सबसे बड़ी क्वालिटी के थ्रू। वो उसे सिखाता था कि कैसे किसी लड़की को इम्प्रेस करना है और जैन उसी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर एक दफा स्कूल टाइम में अपनी क्रश को डेट पर ले जाने में भी कामयाब हो गया था। और फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में दिखाते हैं कि टैंक गुस्से से भरी हुई मिस्टर लू के पास जाती है क्योंकि वो आज भी उसकी डायरी लेकर नहीं आया था। वो कहती है कि मैं कब तक सुनूं? वो उसे लड़ना चाहती थी लेकिन इतने में उसका असिस्टेंट उसे बाहर निकाल देता है। अब लू को तो बहुत शक हो गया था तो वो जैन को एक टास्क देता है कि तुम आईटी डिपार्टमेंट के हेड हो तो ऐसा करो, इस लड़की का एक टेस्ट लो, मुझे क्यों लगता है कि ये कंप्यूटर जीनियस है। अब उसे ये लगने लगा था कि शायद मेरा राज भी सबके सामने ना खुल जाए तो मुझे कोई तो चाल चलनी पड़ेगी। जबकि उधर मिस्टर ही को सारी बातें पता चल जाती हैं कि एक्चुअली एल्बर्ट टैंक का एक्स बॉयफ्रेंड है और उसने उसके साथ चीट किया था और एक अमीर लड़की से शादी कर ली थी। वो दोनों हैश कंपनी में इकट्ठे काम करते थे और उसी की वजह से ही टैंक ने हैश कंपनी की जॉब फिर छोड़ दी थी। उधर जैन अब टैंक को ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है कि जो मैं टेस्ट रख रहा हूँ तुम्हारे सामने, इस सब के तुमने गलत गलत आंसर लिखने हैं ताकि कोई भी तुम्हारी रियलिटी ना जान सके। और फिर ऑफिस के बाद मिस्टर ही एक जगह पर टैंक को डिनर पर बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें स्टूडेंट्स रीयूनियन में इनवाइट करना चाहता हूँ। टैंक ज्यादा लोगों में घुलती मिलती नहीं थी लेकिन जब वो बार बार कहता है कि अकेले रहना अच्छा नहीं होता, तुम्हें पुराने फ्रेंड से मिलना चाहिए और नए भी बनाने चाहिए, तो वो मान ही जाती है। उसके बाद मिस्टर ही जब वापस जाता है तो अपने लाइब्रेरी में वो अपने पुराने आइटम्स में एक लेटर भी देखता है जो एक्चुअली एक दफा टैंक ने छुपा कर रखा था और मिस्टर ही आज पढ़ रहा था। एल्बर्ट से पहले ही मिस्टर ही के ऊपर टैंक का क्रश हुआ करता था और उसने एक दफा एक लव लेटर के थ्रू से अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस की थी। मिस्टर ही ये देखकर काफी खुश हो जाता है लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि आज की टैंक और तब की स्टूडेंट टैंक ये दोनों बहुत डिफरेंट है। उधर जैन घर पर टैंक की पुरानी चीजें देखता है तो उसमें उसने एक प्रिंस चार्मिंग को भी ड्रा किया हुआ था। वो प्रिंस चार्मिंग बिल्कुल आज के मिस्टर लू की तरह लग रहा था लेकिन ये देखते ही टैंक को गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि कुछ लोग सिर्फ शक्ल सूरत से बहुत अच्छे लगते हैं, सूट भी अच्छा पहनते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक हेजहॉग होते हैं। और ये टॉन्ट ऑफकोर्स मिस्टर लू के लिए था। उधर ऑफिस में मिस्टर लू टैंक के बारे में काफी क्यूरियस था तो उसे जेसिका के थ्रू पता चलता है कि ये लड़की कंप्यूटर में बहुत अच्छी है और सिर्फ एक क्लर्क की जॉब को फुलफिल करने के लिए इसने जिस तरह के चार्ट्स और प्रोग्राम्स बनाए हैं वो देखने वाली चीज थी।
और अब थोड़ी देर बाद जब जैन आकर लू को बताता है कि वो लड़की तो कहीं से भी जीनियस नहीं है, ये देखो उसने फजूल से आंसर लिखे हैं, इवन कि उसे तो माइक्रोसॉफ्ट भी ढंग से यूज करना नहीं आता, नहीं लू आगे से उसे दिखाता है। अच्छा तो फिर ये सब क्या है? अब जैन उसके चार्ट्स वगैरह देखकर इम्प्रेस तो काफी हुआ था, लेकिन कहता है इसमें क्या खास बात है, ये तो हमने स्कूल में ही सीख लिया था, उसने भी सीखे होंगे। अब हमें दिखाते हैं कि आज रिसेप्शन पर एक गड़बड़ हो जाती है। एक कोलीग का एक इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर जो उसने वहाँ रखवाया था मिंग के हार्डवेयर से मिक्स हो जाता है और मिंग गलती से उस फ्लैश ड्राइव को फॉर्मेट भी कर देती है क्योंकि उससे वो खुल नहीं रही थी। तो अब ये इशू मिस्टर सीईओ तक भी पहुंच जाता है और सारे लोग वहीं पर खड़े हुए होते हैं। वो कोलीग सारा इल्ज़ाम रिसेप्शनिस्ट पर डालती है और उन पर गुस्सा निकालने लगती है कि इतना इम्पॉर्टेंट प्रपोजल था जो तुम लोगों ने वेस्ट कर दिया। अब मिंग बेचारी बहुत डरी हुई थी तो उसकी जगह सारा इल्ज़ाम खुद पर टैंग ले लेती है और उसे बचाने के लिए कहती है कि अगर डाटा रिकवर हो जाए तो फिर ये इशू यहीं ख़त्म हो जाएगा, कोई किसी को दोष नहीं देगा। अब ना चाहते हुए भी टैंग को अपनी स्किल्स दिखानी पड़ती हैं और वो उस हार्डवेयर से सारा डाटा रिकवर करके ले आती है। लेकिन अब की दफा डांट खाने की बारी उस कोलीग की थी क्योंकि उसका प्रपोजल मिस्टर लू को जरा भी अच्छा नहीं। मिस्टर लू ऊपर से काफी रूड और स्ट्रिक्ट दिखता था लेकिन दिल से वो बहुत सॉफ्ट था और उसे अच्छा नहीं लगा था कि जिस तरह से रिसेप्शनिस्ट को तंग किया गया है। अब बाकी सब लोग तो चले जाते हैं और टैंग दोबारा से मिस्टर लू से अपनी डायरी मांगने लगती है कि वो कल कब आएगा, जिसका आपने वादा किया है। मिस्टर लू उससे कहने लगता है ठीक है फिर ऐसा करो कि तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ सिर्फ 15 दिन के लिए, उसके बाद तुम्हारी डायरी तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम नहीं मानी तो तुम्हारी डायरी का ये हाल होगा, उसे एक डेमो करके दिखाता है जो देख कर ही। अब टैंक को तो अपनी डायरी बहुत प्यारी थी, वो तो ये सब इमेजिन कर ही नहीं सकती थी। अब उस बेचारी को मिस्टर लू की ब्लैकमेलिंग में आना पड़ता है और वो उसे चिढ़ाता भी है, बार बार तंग करता है कि पेज के फटे हुए टुकड़े उठाओ और साथ ही साथ मेरा दरवाजा भी बंद करके जाओ। अब घर जाकर जैन को जब ये बात पता चलती है कि टैंग को लू ने अपना स्पेशल असिस्टेंट रख लिया है तो वो कहता है बस अब थोड़े दिन रह गए हैं, बस हम पकड़े जाने वाले हैं। अब नेक्स्ट डे से टैंग मिस्टर लू के ही ऑफिस में शिफ्ट हो जाती है। पहले तो वो उनकी तरफ से कमर करके दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई होती है लेकिन ऊपर से मिस्टर लू आ जाता है जो उसकी चेयर हटाता है और बिल्कुल ऐसे रख देता है कि जहां से उसे उसका फेस साफ दिखाई दे। अब वो उसे सारा टाइम बिल्कुल फ्री बिठाए रखता है, वो बहुत कामों का पूछती है लेकिन कुछ भी नहीं बताता, फिर कहता है कि वापस रिसेप्शन पर बैठ जाओ और छुट्टी होने से 1 घंटा पहले यहाँ आ जाना। अब ये सुनकर टैंक खुश हो गई थी क्योंकि उसे बड़ी आज़ादी मिल गई थी, वो आराम से रिसेप्शन पर जाकर बैठ जाती है और उसे मिस्टर लू की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। अब छुट्टी से एग्जैक्टली 1 घंटा पहले वो ऑफिस में आती है तो मिस्टर लू ने उसके लिए ढेर सारा काम इकट्ठा करके रखा हुआ था और वो कहता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर इसे फिनिश करो वरना तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। और जब वो नहीं मानती तो उसे धमकी देता है कि तुम्हारी डायरी का मैं ये हाल करूँगा। अब उस बेचारी को बात माननी ही पड़ती है और वो ये सारा कुछ करने में अपने कंप्यूटर की स्किल्स को यूज करती है और मिस्टर लू साइट पर खड़ा उसे काम करता देखता रहता है, फिर थक कर वो काउच पर ही सो जाता है। और इन दी एंड टैंग ने टाइम पर अपना काम खत्म कर लिया था और वो बड़े एटीट्यूड से उन फाइल्स को टेबल पर फेंक कर मिस्टर लू को जगाती है और दिखाती है कि मैंने काम कर लिया है। अब इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाते हैं। रीयूनियन पार्टी में मिस्टर ही ने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था, टैंग भी वहां पर आती है और उसे वहां पर एल्बर्ट भी दिखाई देता है। अब एल्बर्ट और टैंग वहाँ पर अनजान बनने लगते हैं और सिर्फ ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं कि जैसे सिर्फ वो स्कूल मेट्स थे और टैंग एल्बर्ट के सामने ऐसे शो कराती है कि जैसे उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उसका दिल टूटा है ना ही वो उसे कभी याद आता है। लेकिन एक्चुअली उसको पुरानी यादें आने लगती हैं। उसे यूनिवर्सिटी टाइम से ही पता था कि वो एल्बर्ट को बहुत ज़्यादा प्यार करती है लेकिन उसके लिए हमेशा अपना कैरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। रीयूनियन पार्टी में ही बार बार एल्बर्ट को ऐसे चांसेस देता था कि वो अकेले में टैंक से कोई बात कर सके और ऐसे ही एक मौके पर उसका हाथ पकड़ लेता है लेकिन इससे पहले कि वो उससे कोई भी बात करता ही ऊपर से आ जाता है। अब वो टैंक को खाने के लिए लेकर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद और भी बहुत से लोग इनसे मिलते हैं। एल्बर्ट से तो हर कोई इम्प्रेस हो रहा था लेकिन यहाँ पर टैंक को काफी शर्मिंदगी होती है जब बहुत से लोग ये जानकर हैरान रह गए थे कि वो सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से और इतनी बड़ी कंपनी से काम करके आई है। यहाँ पर ही के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। वो एक दफा ऐसा करता है कि टैंक को धक्का देता है ताकि एल्बर्ट आगे से उसे संभाल ले। वो ऐसा सीन क्यों क्रिएट कर रहा है ये तो हमें बाद में पता चलेगा लेकिन उससे पहले एक सरप्राइज भी था और ये सरप्राइज स्पेशली टैंक के लिए काफी अनप्लेजेंट था कि उसी पार्टी में एल्बर्ट की वाइफ भी आ जाती है। वो काफी बोल्ड और बहुत मुंह फट टाइप की थी। वो आते ही सारा गुस्सा टैंक पर निकालने लगती है और सबके सामने उसकी इंसल्ट करती है। वो उसे ब्लेम करती है कि वो उसके हस्बैंड को उससे चुराने की कोशिश कर रही है।
एक्चुअली कहीं ना कहीं सेलिना को अंदाजा था कि एल्बर्ट के दिल में आज भी टैंग ही जिंदा है और इसी वजह से उससे बहुत जेलस थी। यहाँ पर ही टैंग की साइड लेने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ मेरी एक गेस्ट है और ये एक कोइंसिडेंस है, लेकिन वो आगे से उसके करेक्टर पर ही बातें करने लगती है। कहती है कि जब ये मेरे डैड की कंपनी में काम करती थी तब भी कोई इसे कुछ कहता था तो एक बूढ़े से अंकल इसकी साइड लेने लगते थे। ये बूढ़ा ना जवान कुछ भी नहीं देखती, बस इसे मेन में इंटरेस्ट है। अब टैंग बेचारी इससे ज़्यादा अपनी क्या इंसल्ट कराती, वो पार्टी छोड़कर चली जाती है क्योंकि सेलिना वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिच थी, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता था। अब टैंग बेचारी रोती हुई वहाँ से बाहर निकलती है तो उसके पीछे पीछे मिस्टर लू भी गुजर रहा था और वो उसे देखकर इस तरह से परेशान हो जाता है। टैंग मुड़कर उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। वो उससे टिशू मांगती है लेकिन टिशू नहीं था। लू उसे ऑफर करता है कि टिशू की ज़रूरत नहीं, तुम कपड़े यूज़ कर सकती हो। अब वो अपना इतना महंगा ड्रेस कैसे ख़राब कर देती, इतनी उसमें हिम्मत नहीं थी, तो लू से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी शर्ट यूज़ कर सकती हूँ, और फिर उसे हक करके रोने लगती है। अपने आंसू भी, अपना मेकअप भी, इवन कि अपनी नाक भी वहीं से साफ़ कर लेती है। लेकिन मिस्टर लू इतना स्वीट था कि वो बेचारी को कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि ये कहीं से हर्ट होकर आई है। उधर ही को भी टैंग की फिक्र हो रही थी तो वो जैन को कॉल करता है और कहता है क्या वो घर पहुंची है, लेकिन जैन उल्टा उसी पर ही गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने टैंग के साथ ऐसा क्या किया है। ही कहता है तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करूँगा। और उसी समय हमें दिखाते हैं कि टैंग लू के साथ बीच के किनारे बैठी एक स्टेरी नाइट को देख रही थी। लू उसकी सारी बातें सुनता है, वो हर्ट थी, वो अपने दिल की बहुत सारी बातें करती है, अपने डैड की बातें सुनाती है कि वो बचपन में क्या कहा करते थे। लू बहुत अच्छा लिसनर बन के खामोशी से सब कुछ सुनता रहता है। इतने में वहाँ पर टैंग खड़ी होती है तो उस बेचारी का पैर मुड़ जाता है, तो अब लू से ऑफर करता है कि मैं तुम्हें कैरी कर लूँगा। फिर पिगी बैग कैरी करता हुआ उसे वहाँ से ले जाता है, फिर अपनी गाड़ी में बिठा कर उसे ड्रॉप भी करता है, लेकिन उस बेचारी से हील्स नहीं पहनी जा रही थी तो अपनी सॉक्स उतार कर उसे पहना देता है और कहता है कि तुम ये पहन कर चली जाओ वरना पैर पर और चोट लगेगी। टैंग के लिए ये सब बहुत सरप्राइजिंग था, उसे हमेशा से लगता था कि लू एक बहुत खड़ूस इंसान है, लेकिन एक्चुअली वो कितना अफेक्शनेट है। उधर जैन बेचारा वो भी टैंग को तलाश करता फिर रहा था, उसे देखता है तो समझ जाता है कि ये परेशान है। कहता है ही ने कुछ कहा तो उसका मैं हाल ख़राब कर दूंगा, और अगर तुम पैसों के लिए परेशान हो तो बेशक इस दफ़ा तुम बिल पे ना करना। और उसी समय हमें लू को दिखाते हैं, वो भी घर जाकर अपनी वही शर्ट उतार कर उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है, जिस पर टैंग अपना सर रख के रोती रही थी। लू को बहुत खुशी थी कि वो टैंग का सहारा बन सका। उधर ही भी टैंग को कॉल करता है लेकिन टैंग उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। टैंग को बहुत भूख लगी थी तो वो जैन से फरमाइश करके फ्राइड राइस भी बनवाती है, और जब वो खाती है तो उसे और भी ज़्यादा रोना आने लगता है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड लीज़ा भी उसके लिए इसी तरह के राइस बनाया करती थी, लेकिन अब वो बेस्ट फ्रेंड उसकी डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। वेल, अब लीज़ा तो नहीं थी लेकिन एटलीस्ट जैन की शक्ल में उसे एक और बेस्ट फ्रेंड ज़रूर मिल गया था। अब नेक्स्ट डे जब टैंग उठती है तो वो काफ़ी फ्रेश थी और वो फैसला करती है कि कल रात को भुला देगी। जबकि उधर हमें सेलिना को दिखाते हैं, वो एल्बर्ट के पास टैंग का दिया हुआ ब्रेसलेट देखती है तो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। और एल्बर्ट की तो ये हालत थी, वो इतना जोरू का गुलाम था कि उसके आगे ज़रा सी भी चूँच राख नहीं करता था। आज छुट्टी का दिन था तो जैन और टैंग दोनों बाहर सैर के लिए जाते हैं। जैन को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। इतने में टैंग वहाँ पर देखती है तो उसकी साथ की रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम मिंग था वहाँ पर फोटोग्राफी करा रही थी। एक्चुअली वो एक सेलिब्रिटी बनना चाहती थी लेकिन यहाँ पर जो फोटोग्राफर था वो काफ़ी मीन टाइप का था, और जब वो उसके गलत गलत पोजेस बनवा रहा होता है तो टैंग उसे वहाँ से भेज देती है, लेकिन वो ना तो फोटोज दे रहा था और ना ही पैसे, तो यहाँ पर आकर जैन उनकी हेल्प करता है और उस फोटोग्राफर से उनकी जान छुड़ाता है। अब मिंग बहुत सैड हो गई थी क्योंकि उसके पास कंपटीशन के लिए कोई फोटोज़ नहीं थी। जैन भी फोटोग्राफर था तो वो ऑफर करता है कि उसकी फ़ोटोज़ बना सकता है। अब वो उसकी बहुत प्यारी प्यारी सी फ़ोटोज़ क्लिक करता है और उसके बाद वो लोग इकट्ठे लंच के लिए चले जाते हैं। अब जब मिंग को अपनी टेंशन से फुर्सत मिलती है तो उसे समझ आता है कि यहाँ पर टैंग और जैन दोनों इकट्ठे क्या कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों क्लियर कर देते हैं कि ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है, हम सिर्फ हाउसमेट्स हैं और जस्ट फ्रेंड्स। उधर हमें मिस्टर ही को दिखाते हैं, उसने एक्चुअली ये रीयूनियन पार्टी किसी मकसद के लिए कराई थी। यहाँ पर वो एल्बर्ट की और टैंक की करीब की कुछ फ़ोटोज़ ले लेता है, और ये फ़ोटोज़ आई थिंक वो अपने प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए एल्बर्ट को ब्लैकमेल करने में यूज़ करेगा। जबकि हमें उधर तीनों फ्रेंड्स को दिखाते हैं, अब मैंग भी जैंग की काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन गई थी, और कहीं ना कहीं मैंग बहुत ज़्यादा सुंदर भी थी और ये बात जैन ने भी नोटिस की थी।
अब इसके बाद टैंक अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी बर्थडे आने वाली है, तो मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट अरेंज किया है। उन्होंने उसके लिए एक ब्रेसलेट बनाया था जो कि हैंडमेड था। वो कहती है कि जब तुम्हें ट्रू लव मिल जाएगा तो मैं उस लड़के के हाथ में भी बिल्कुल इसी तरह का ब्रेसलेट पहनाऊंगी। वेल, अब नेक्स्ट डे जब टैंग ऑफिस में जाती है तो मिस्टर लू की टेबल पर कुछ कैंडीज को देखती है, और वो देखकर उसका दिल करता है तो वो एक चोरी करके खा जाती है, लेकिन मिस्टर लू ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। मिस्टर लू को वो काफी क्यूट लगी थी क्योंकि वो बिल्कुल बच्चों की तरह से कैंडीज चुरा रही थी, लेकिन पनिशमेंट के तौर पर वो उसे क्वेश्चनेयर सॉल्व करने को दे देता है। और उसके बाद जब वो सॉल्व हुआ उसके पास आता है तो वो देखकर उसे कंफर्म हो जाता है कि ये राइटिंग तो बिल्कुल मेरे बचपन की फ्रेंड की तरह की है। इसका मतलब है कि ये वही लकी टैंग है जो मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। अब टैंग जब घर जाती है तो ठंडा दिमाग करके सोचती है, कहती है कि बेशक मिस्टर लू काफ़ी खड़ूस है, उसने मेरी डायरी भी नहीं दी, लेकिन फिर भी कल उसने मेरा ख्याल रखा, मुझे कैरी किया, मैंने उसकी शर्ट भी गंदी की, उसने मुझे अपनी सॉक्स भी दी, मुझे उसे थैंक्स करना चाहिए। और फिर वो उसकी सॉक्स को वॉश करती है और उसके बाद उसे परफ्यूम भी लगा के रखती है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में वो काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी, किसी तरह से हिम्मत करके वो गिफ्ट निकालती है और मिस्टर लू को दे देती है। अब उसमें भी बड़ा नखरा था, वो हाथ में नहीं पकड़ता बल्कि कहता है कि टेबल पर रख दो, और फिर कॉफ़ी बनाने का कहकर उसे बाहर भेजता है। और बहुत बेचैनी से वो गिफ्ट पैक खोलने वाला होता है कि एक के ऊपर दूसरा और फिर दूसरे के ऊपर तीसरा कोई ना कोई उसके ऑफिस में आता रहता है और ये सब वो मिस कर देता है। उधर हमें ही को दिखाते हैं, वो कहता है कि मेरी एक फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड, उसकी बर्थडे गिफ्ट के लिए मैंने कुछ लेना है, तो अपनी सेक्रेटरी यर्लिन को कहता है कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलना। अब यर्लिन दिल ही दिल में बड़ी खुश थी, उसकी भी बर्थडे आने वाली थी, उसे लग रहा था कि ये मेरे लिए है। जबकि दूसरी तरफ हमें जैन को दिखाते हैं, उसके पास मैंग आती है उसका थैंक्स करने के लिए, क्योंकि उसकी दी हुई फोटोज की वजह से वो कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई थी। यहाँ पर वो जैन को गेमिंग खेलते देखती है तो उसे भी शौक होता है और वो कहती है कि मुझे भी सिखाओ। यहाँ पर जैन जब उसे सिखा रहा होता है तो मिस्टर लू उन दोनों को ऐसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब मैंग तो डर के मारे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है, जबकि जैन उसे बहुत सारी फ्लैटरिंग करनी पड़ती है लू से बचने के लिए, और वो ये झूठ बोल देता है कि मैंने एक नया ऐप डेवलप किया था और मैं चाह रहा था कि यंगस्टर्स की उसके बारे में राय ले सकूं। वेल, यहाँ पर एक बात तो कन्फर्म हो जाती है कि मैंग और जैन उनका कपल कहीं ना कहीं जाकर जरूर बनेगा। उधर मिस्टर ही एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंचा हुआ होता है, वहां पर वो नोटिस करता है कि यर्लिन को एक नेकलेस बहुत पसंद आया है, वो फौरन से वो निकलवाता है और खुद उसे पहनाता है और उसी के लिए खरीद लेता है। और मिस्टर लू बेचारा, उसे कहीं शाम को ही फुर्सत मिलती है कि वो अकेले में वो बॉक्स खोलता है और बहुत प्यार से उसकी वापस की हुई सॉक्स को देखता है, और उनसे बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही थी। मिस्टर लू को भी पता था कि उसकी बचपन की फ्रेंड लकी टैंग का बर्थडे कब आना है, वो एक गिफ्ट लेने के लिए जाता है, और इत्तफाक की बात है कि वही गिफ्ट एल्बर्ट भी किसी के लिए लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन सिर्फ एक ही पीस बचा था तो एल्बर्ट वो मिस्टर लू को ही लेने देता है। उधर यर्लिन बहुत सैड खड़ी हुई थी, उसे नेकलेस तो गिफ्ट में मिल गया था लेकिन उसे ही ने बर्थडे विश की ही नहीं थी, और उसे इतना भी समझ आ गया था कि वो बर्थडे गिफ्ट वो मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए ही लेने गया हुआ था। लेकिन अचानक ही ऊपर से वहाँ पर ही पहुँच जाता है और कहता है मैं तुम्हारी बर्थडे कैसे भूल सकता था, और एक बुके के साथ उसे विश भी करता है। एक्चुअली वो सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं बल्कि उसकी बहुत पुरानी फ्रेंड भी थी। और फिर मिस्टर लू की तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है, वो रात को एक जगह पर बैठकर टैंक की डायरी पढ़ रहा था, ये वही जगह थी जहाँ पर बचपन में अक्सर वो लोग आया करते थे। आज इत्तफाक से टैंक भी वहाँ पर आती है, और उसके डैड उसे यहाँ पर जब भी लाते थे तो एक ट्री हाउस को दिखाकर उसे कहते थे कि जो भी बातें तुम किसी से शेयर ना कर सको वो तुम इससे शेयर कर सकती हो। अब टैंग उसी ट्री हाउस के अंदर चली जाती है और उसे अपने दिल की बहुत सारी बातें करने लगती हैं। उसे नहीं पता था कि लू भी बाहर खड़ा सुन रहा है। वो अपने सारे दुख सुख उससे शेयर करती है, और साथ ही साथ ये भी कहती है कि एक हैजॉग भी आया है मेरी लाइफ में, बहुत सारी बुराइयां करती है मिस्टर लू की, लेकिन एंड पर ये भी कहती है कि वैसे वो काफ़ी स्वीट है, उसने मेरी हेल्प भी की है, वो बाहर से जितना सख्त है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। अब फाइनली अपनी इतनी सी तारीफ सुनकर भी मिस्टर लू बहुत खुश हो गया था, और खामोशी से फिर वहाँ से चला जाता है। अब टैंग जब घर वापस जाती है तो वो गेमिंग खेल रही थी, इतने में अचानक से उसे ही की कॉल आती है जो उसे नीचे ड्रिंक करने के लिए बुला रहा था, तो वो उससे मिलने चली जाती है लेकिन जैन को नहीं बताती क्योंकि दोनों भाइयों की तो बनती नहीं थी। अब जैन को भी शक हो जाता है, वो भी चोरी चोरी उसे देखने पहुँच जाता है। अब यहाँ पर ही टैंग से सॉरी करता है और कहता है कि उस रात मेरी पार्टी में बहुत गड़बड़ हो गई थी,
लेकिन टैंक कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर ही उससे एक हेल्प भी चाहता था, उसे एक ऐप में थोड़े से प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो वो टैंक से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इसे फिक्स कर दो। अब टैंक भी मान जाती है और वो हार्डवेयर ले लेती है। अब जैन उनकी जासूसी करने के लिए इतनी जल्दी में निकला था कि दो डिफरेंट किस्म के शू पहनकर चला जाता है। वो कहता है कि मेरे फैशन पर ज़्यादा नज़र रखने की बजाय खुद पर रखो, तो मैं इतना बता दूँ यही कोई अच्छा लड़का नहीं है, आज तक किसी लड़की के साथ ये सीरियस नहीं हुआ, इसलिए अगर ये तुम्हें चिकनी चिपड़ी बातें लगाए तो इसकी बातों में कभी ना आना। इसकी स्माइल बहुत कातिल है, लेकिन ये धोखा देने वाला लड़का है। लेकिन टैंग इसकी बातों पर ज़रा भी तवज्जो नहीं देती, उसे सीरियस ही नहीं लेती थी। उधर हमें लू को दिखाते हैं, वो दो ऑप्शंस अपने डॉग के सामने रखता है कि क्या मैं सब कुछ सच टैंग को बता दूं कि उसके बचपन का फ्रेंड हूं, या फिर छुपा लूं। अब उसका डॉग चूज करता है कि सब कुछ बता दो। अब लू यही सोचने लगता है कि मैं कब बताऊं और कैसे बताऊं। टैंग का बर्थडे भी आने वाला था, तो सोचता है कि क्यों ना उसे अपने साथ डिनर पर ले जाऊं। अब हर एंगल से, कभी अपने कोट के बटन खोल कर, तो कभी बंद करके, कभी रूड होके तो कभी स्वीट होके, वो उसे डिनर पर इनवाइट करने की प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन उसे लगता था कि हर स्टाइल के जवाब में वो कोई ना कोई बहाना करके मना कर देगी। लेकिन वो सोचता है कि अगर मैंने उसे रूडली बिल्कुल एक बॉस की तरह डिनर पर साथ जाने को इनवाइट किया तो वो मना नहीं कर सकेगी, इसलिए अब ऐसे ही बात करनी होगी। उधर ही को भी कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं और हमें पता चलता है कि उसकी सेक्रेटरी यर्लिन सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं है, बल्कि वो उसकी बहुत पुरानी फ्रेंड है, और जिस वक्त वो ये कंपनी इस्टेब्लिश कर रहा था तब भी वो उसके साथ ही खड़ी हुई थी, और स्टूडेंट्स टाइम में भी उन दोनों ने एक दफा इकट्ठे ही बर्थडे सेलिब्रेट की थी। उधर मैंग आज जैन को ऑफिस के रूफटॉप पर लेकर जाती है और उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसने उससे कुछ और फोटोग्राफी करानी थी, लेकिन मिस्टर लू अचानक से ऊपर आता है और उसको ऐसे लगता है कि जैसे वो दोनों यहाँ पर डेट के लिए आए थे। वेल, अब लू ने भी फैसला किया था कि वो टैंक को अपने साथ डिनर पर लेकर जाएगा, तो आज वो उससे कहता है कि काम के बाद तुम मेरे साथ डिनर पर जा रही हो। वो किसी बहाने से मना करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही कह देता है कोई एक्सक्यूज मैं नहीं सुनूंगा, और साथ ही साथ उसकी डायरी फाड़ने का कहकर उसे ब्लैकमेल भी करने लगता है। अब डैंग बेचारी क्या करती, यही तो उसकी वीकनेस थी, उस डायरी में उसकी बचपन की बहुत सारी यादें थी, उस बेचारी को मानना ही पड़ता है। लेकिन अब गुस्से में खुद को काम करने के लिए रूफ टॉप पर जाती है और हेजहॉग को बहुत गुस्से में बुरा भला कहने लगती है। अब मैंग भी हैरान थी कि पता नहीं है किसको हेजहॉग बुलाती है। अब जब छुट्टी का टाइम होता है तो मिस्टर लू को किसी की कोई परवाह नहीं थी, वो एक दो कोलीग्स के सामने ही टैंक को अपने साथ डिनर पर चलने को ले जाने लगता है। यहाँ पर ही भी किसी काम से आया हुआ था और वो उन दोनों के इकट्ठे जाते हुए देख लेता है और उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। अब रास्ते में टैंक बिल्कुल खामोश बैठी ऑकवर्ड फील कर रही होती है, तो वो एक टाइगर टॉय से खेलने लगती है जिसका सर उसने फोड़ दिया था। अब टैंक को समझ नहीं आ रही थी कि वो किस जगह पर उसे डिनर के लिए लेकर आया है। वो सोचती है कि क्या ये कोई इनडोर रेस्टोरेंट है। फाइनली मिस्टर लू से बता देता है कि ये मेरा घर है और यहीं पर ही मैं तुम्हें खुद डिनर पका कर खिलाऊंगा। अब ये सुनकर टैंक काफी डरती है, लेकिन आगे से लू कहता है क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, इसलिए अंदर चलो वरना तुम्हारी डायरी मिलेगी कि नहीं इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। अब टैंग अंदर तो आ जाती है, लेकिन सामने ही वो इतना बड़ा सा डॉग देखती है तो एक दफा तो देखकर डर जाती है। यहाँ पर लू उसे कहता है कि ये काफी फ्रेंडली है, और फिर ये भी कहने लगता है कि क्यों ना तुम इसे एक बाहर वॉक करा लाओ, इतने में मैं डिनर प्रिपेयर करता हूँ। जबकि उधर हमें जैन और मैंग को दिखाते हैं, वो फोटोग्राफी के लिए गए हुए थे। यहाँ पर जैन जरा साइड पर जाता है तो मैंग को उसका एक्स बॉयफ्रेंड नजर आता है, जो वहाँ आकर उसे तंग करने लगता कि तुमने मेरा दिया हुआ ब्रेसलेट और हैंडबैग अभी तक यूज किया है। अब ये देखकर जैन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी रेस्क्यू के लिए पहुंच जाता है, ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो मैंग का बॉयफ्रेंड है। उससे फौरन वो हैंडबैग भी खाली कराता है और साथ ही साथ वो ब्रेसलेट भी उतरवा लेता है। वो अपना ब्रेसलेट उतार कर मैंग को पहना देता है कि ये हमारे प्यार की निशानी है। अब मैंग को जैन का ये अंदाज बहुत पसंद आया था और वो उसका थैंक्स भी करती है। उधर लू के पास जब टैंग वापस आती है तो देखती है उसने डिनर रेडी किया हुआ था। पहले तो टैंक को लगता है कि इसने खुद बनाया है, पता नहीं कैसा बनाया होगा, मुझे ये खिलाकर कहीं टॉर्चर ना कर रहा हो। लेकिन जैसे ही वो टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर लू एक अमेजिंग कुक है। वो सारा खाना बहुत मजे से खा जाती है और लू को उसके खाने के स्टाइल से पता चल गया था कि इसे बहुत पसंद आया है। डिनर से फारिग होने के बाद मिस्टर लू बहुत सारी डायरीज के कवर निकाल कर उसके सामने रखता है और फिर उसको एक डेमो दिखाने लगता है। एक ऐसा कवर था जिस पर बोन बनी हुई थी। वो फौरन से उसका डॉग आता है और उसे खराब कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी डायरी के ऊपर भी ऐसा ही कवर था और वो भी उस डॉग ने खराब कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ी सी तुम्हारी डायरी भी डैमेज हो गई। अब ये सुनकर टैंक को बहुत गुस्सा आता है, तो अब वो उसे काम डाउन करने के लिए उसके पास पानी लेकर आता है। अब मिस्टर लू उसके सामने कुछ ऑप्शंस रखता है और ऑप्शन नंबर 1 ये था कि देखो उस दिन तुमने जो मेरी शर्ट गंदी की थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी, और तो और आज रास्ते में तुमने मेरा एक टॉय टाइगर भी खराब कर दिया,
देखो मैंने कुछ भी नहीं कहा, इसलिए यूं करो कि खामोशी से तुम वो डायरी वापस रख लो। अब डैंग ने तो ये शर्त माननी नहीं थी। वो गुस्से में आती है तो कहता है ऑप्शन नंबर 2 ये है कि वो रहा तुम्हारा कल्प्रिट, मेरा डॉग, इसके साथ जो मर्जी करना चाहो कर लो। और वो डॉग बेचारा तो सामने इतने इनोसेंट फेस बनाकर बैठा हुआ था कि उसको कोई क्या कर सकता था। दूसरी तरफ हमें जैन और मैंग को दिखाते हैं। उन दोनों का आमना सामना आज मिस्टर ही से हो जाता है। वो तो जैन से बड़े अच्छे से बात कर रहा था लेकिन जैन ही उसे सीधे मुंह बुलाता ही नहीं। और यहाँ पर मैंग को पहली दफा पता चलता है कि जैन और ही दोनों भाई भाई हैं। मिस्टर लू अब टैंक को कहता है कि तुम्हारी डायरी आज तो तुम्हें नहीं मिल सकती क्योंकि वो रिपेयर हो रही है, जैसे ही हो जाएगी तुम्हें वापस मिल जाएगी। और इसके साथ ही वो उसे म्यूजिकल ग्लास टॉय दिखाता है जो उसने उसके लिए खरीदा था। एक्चुअली इनसे उनकी एक पुरानी याद जुड़ी हुई थी, जब वो लोग स्कूल टाइम में थे तो इसी गाने पर उन्होंने परफॉर्म किया था, वो भी इकट्ठे। लू उसे बताता नहीं है कि ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है और ना ही उसे बचपन की कोई भी याद का जिक्र किया था, तो लू की भी हिम्मत नहीं हो पाती। अब उसके बाद मिस्टर लू टैंक को उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। यहाँ पर टैंक वापस मुड़ती है और उससे कहती है कि तुम हर टाइम पर जो गुस्से में रहते हो उसकी बजाय तुम्हारा स्माइलिंग फेस बहुत स्वीट लगता है। अब ये बात मिस्टर लू को काफी अच्छी लगी थी और वो खुद में बदलाव लाने लगता है। अब नेक्स्ट डे वो जैसे ही अपनी कंपनी में पहुंचता है तो मिस्टर लू को जैन मिलता है जो उसका बैग बहुत लाइक कर रहा था, उसे छीनना चाहता था। उसे गुस्सा आता है लेकिन फिर भी वो एक स्माइल के साथ कहता है कोई बात नहीं, इस जैसा मैं तुम्हें एक और खरीद दूंगा। अब उसके बाद रिसेप्शन पर खड़ी गर्ल्स भी मिस्टर लू को गुड मॉर्निंग बोलती हैं तो उसे फिर से स्माइल करने वाली बात याद आती है। वो मुड़ता है और उनको एक स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग बोलता है। अब ये सारा कुछ उन गर्ल्स ने पहली दफा देखा था और उनको तो लगता था कि मिनी हार्ट अटैक ही आ गया है। अब मिस्टर लू सारा दिन अपने फेस पर एक स्माइल सजाए रखता है, इवन कि जब किसी को डांटना भी होता है तो एक स्माइल के साथ ही उनको डांटता है। अब ये बात टैंक को काफी क्रीपी लग रही थी। अब वो पहले तो उसके पास एक कॉफी लेकर आती है, वो बार बार स्माइल किए जा रहा था तो टैंक मुड़कर उसे कहती है कि क्या ये बदलाव इस वजह से है कि कल मैंने आपकी स्माइल की तारीफ की थी। अब मिस्टर लू तो स्माइल ही करता रहता है तो आगे से टैंक कहती है कि ये स्माइल बिल्कुल भी क्यूट नहीं बल्कि क्रीपी लग रही है, इसलिए प्लीज अपनी नेचुरल सेल्फ में वापस चले जाओ। अब ये सुनकर लू को काफी गुस्सा आता है और वो फौरन से जैन के पास जाता है और उससे कहता है कि देखो बताओ मेरी स्माइल कैसी लगती है। अब जैन भी आगे से यही कहने लगता है कि जब तुम जबरदस्ती का हंसते हो तो बिल्कुल क्रीपी लगते हो। अब लू की इतनी इंसल्ट हुई थी तो वो जैन को ऑर्डर कर देता है कि इस हफ्ते तुम वीकेंड पर भी काम करोगे। उधर मैंग को कुछ ना कुछ गड़बड़ फील हो रही थी और उसे पता चला था कि कल टैंग मिस्टर लू के साथ डिनर पर भी गई है। वो उससे पूछने लगती है और जब उसे पता चलता कि वो डिनर पर उसे अपने घर लेकर गया था, अपने हाथों से खाना भी पकाया था, तो ये बातें उसे हजम नहीं होती। उसे ऐसे लगता है कि जैसे टैंक मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। टैंक कुछ भी एक्सप्लेन करती उससे पहले ही मैंग बहुत ओवर रिएक्ट करने लगती है और कहती है कि बस इससे ज्यादा मैं और कुछ भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे अंदर इतनी ही कैपेसिटी थी। उधर एल्बर्ट आज मिस्टर ही की कंपनी में कुछ चेक करने के लिए विजिट करने आया था। जब वो वहाँ से जाता है तो मिस्टर ही को अंदाजा था कि अगली कंपनी में ये लू के पास ही जाएगा, तो वो यर्लिन को कहता है कि जो हमने प्लान किया हुआ है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाए। एक्चुअली वो लू की कंपनी का सिस्टम और सर्वर हैक करना चाहते थे। उधर लू को भी एक बात का अंदाजा हो गया था कि उसकी कंपनी में कोई ना कोई गद्दार जरूर है जो कि ही की कंपनी में उसकी इन्फॉर्मेशन आउट करता है, लेकिन ये कौन है ये उन्हें पता चलता उससे पहले ही उन्हें पता चलता है कि उनके सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है। अब वो सारे अपने अपने कामों पर भाग जाते हैं, एमरजेंसी लग गई थी और उनको रात को ओवरटाइम भी करना पड़ेगा। अब जैन को थोड़ा थोड़ा सा शक होने लगता है टैंक पर और वो कहता है कि तुम्हें एक हार्डवेयर दिया था मिस्टर ही ने, कहीं उसका तो इस काम से कोई लेना देना नहीं। लेकिन टैंक उसे यकीन दिलाती कि तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकती, तुम मुझे अच्छे से जानते हो। उधर मिस्टर लू ने भी वो हार्डवेयर टैंक के पास देखा था और साथ ही साथ उसे पता चलता है कि एल्बर्ट इसी वक्त उसकी कंपनी में पहुंच चुका है और उनका सिस्टम चेक करने के लिए आया है। अब वो जैन को ऑर्डर करता है कि एक घंटा नहीं बल्कि आधे घंटे के अंदर तुम्हें ये काम कंप्लीट करना होगा। अब एल्बर्ट वहां पर लू से मिलता है और उसकी कंपनी का सिस्टम भी और उनके एप्स भी चेक करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि उसे किसी भी गड़बड़ का पता चलता वहां पर टैंग ने और जैन ने मिलकर उनका सिस्टम रिकवर कर लिया था। अब वहां से जाते जाते वो रिसेप्शन पर देखने लगता है कि उसे टैंग नजर नहीं आ रही। वो उसका पूछ लेता है, एक्चुअली टैंग ने अपनी तबीयत खराबी का बहाना किया था और वो सिक लीव पर चली जाती है। यहाँ पर मिस्टर लू को शक होता है तो वो एल्बर्ट से पूछता है। एल्बर्ट उसे बताता है कि एक्चुअली टैंग मेरी एक पुरानी क्लासमेट है और मैं ही और वो तीनों एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अब मिस्टर लू फौरन से गुस्सा निकालता हुआ जैन के पास पहुंचता है और कहता है क्या तुम्हें अंदाजा था इस बात का
तुमने झूठ क्यों बोला और आज हमारा सिस्टम किसने बचाया है, तुमने या टैंग ने? अब जैन कहता है कि हम दोनों ने मिलकर काम किया था। तो अब मिस्टर लू सीधा आता है टैंग के पास और उससे पूछने लगता है कि तुम ही की फ्रेंड हो और साथ में एल्बर्ट की भी, और तुम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई हो, तुमने हैश कंपनी में काम किया है, ये सारा कुछ क्यों छुपाया? क्यों एक रिसेप्शनिस्ट बनकर यहाँ पर फिर रही हो? उसे लगता था कि साइबर अटैक में कहीं ना कहीं ही ने टैंग के साथ मिलकर कुछ किया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। यहाँ पर टैंग फौरन से लू के पास आती है। एक्चुअली उसने ही के साथ डिनर पर जाना था, वो उससे छुट्टी मांगती है। इतने में उसकी टेबल पर वो वही गिफ्ट देखती है जो उसने बोला था कि मैं अपने फ्रेंड के लिए लेकर आया हूँ। आगे से मिस्टर लू कहता है कि तुम चाहो तो ये गिफ्ट रख सकती हो, और तुमने वैसे भी आज जैन की हेल्प की थी इसलिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ। अब टैंग कहती है कि इस गिफ्ट की बजाय मुझे एक और हेल्प चाहिए आपसे, और वो ये है कि मुझे भी छुट्टी दे दें। अब मिस्टर लू को समझ आ जाती है कि ये ही के साथ ही डिनर पर जा रही होगी। वो बहुत गुस्से में आता है, एक तरफ सिक लीव रखता है और दूसरी तरफ वो गिफ्ट, कहता है कि जो चाहे इसमें से चूज कर लो, और वो छुट्टी चूज करती है। अब ये देखने के बाद तो मिस्टर लू का गुस्सा आसमानों पर पहुंच चुका था। वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुमने ही आज ही के साथ मिलकर हम पर साइबर अटैक कराया है। लेकिन टैंग कहती है कि इस सब के पीछे मेरा हाथ नहीं है, और वो हर तरह से खुद को क्लियर कराने की कोशिश करती है, और वो वाकई क्लियर ही थी। वो कहती है कि तुम जैसे चाहो मेरी तलाशी ले सकते हो, मेरा लैपटॉप चेक करो, मेरा काम चेक करो, और बस मुझे भी यहाँ से जाने दो। अब वो गुस्से में निकलती है तो उसके पीछे पीछे मिस्टर लू भी भागता हुआ जाता है, और यहाँ पर उसे कंफर्म हो जाता है कि वो वाकई ही के साथ ही जा रही है। अब वो ही के साथ जा तो रही थी, लेकिन सारा रास्ता टैंक का मूड बहुत ऑफ था। उसे पता था कि उसकी पूरी कंपनी ओवर टाइम कर रही है, तो वो ही से कहती है कि मुझे वापस जल्दी ऑफिस जाना होगा। अभी उसे करीब कहीं एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वो टैंग को बहुत स्पेशल ट्रीट कर रहा था, लेकिन टैंग को किसी चीज़ में कोई खुशी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि रिसेंटली वो लू से लड़ कर आई थी। यहाँ पर ही अपने हाथों से उसे स्टिक्स खिलाना भी चाहता था, लेकिन टैंग उसे अपने इतना क्लोज होने नहीं देती। उधर लू को दिखाते हैं, उसके ब्रेन में तो इस वक्त एक सुनामी टकराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ही का और टैंग का क्या लेना देना है, और क्या मैं टैंग पर भरोसा कर सकता हूँ। वो तो ये सोचकर डिनर खाने से भी इनकार कर देता है कि इस वक्त टैंग और ही दोनों रोमांटिक स्टाइल में एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला रहे होंगे। अब ये सोचते उसे इतना गुस्सा आता है कि वो टैंग का लिया हुआ गिफ्ट जाकर फेंक देता है। उधर मिस्टर ही आज टैंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी कंपनी में काम करो, और जो पोजीशन तुम चाहो रख सकती हो, मुझे पता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। लेकिन टैंग पहले तो इनकार कर देती है, उसके बाद ही कहता है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें रोजाना देख सकूं। अब टैंग उससे कहती है कि मुझे थोड़े दिन सोचने का मौका दो। अब बाहर जाते हुए वो मिस्टर ही से पूछ लेती है कि आज हमारी कंपनी में जो साइबर अटैक हुआ है उसका आपसे कुछ लेना देना है। मिस्टर ही कहता है कि हम दोनों कंपटीटर कंपनीज हैं, मैंने सिर्फ एक वायरस छोड़ा था, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था और सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ चेक करना चाहता था, ये सब कुछ तो चलता रहता है। मगर उसके बाद वहां से जाते हुए वो उसको एक ब्रेसलेट भी गिफ्ट करता है और कहता है कि तुमने मेरी एक ऐप के बग्स को रिमूव करने में हेल्प की थी, यही समझो कि ये गिफ्ट उसके लिए है। और वैसे भी तुम्हारी बर्थडे भी आने वाली है और हम फ्रेंड्स हैं, अगर तुम चाहो तो बदले में मेरी बर्थडे पर मुझे गिफ्ट दे देना। अब वो इतना कहता है तो टैंग को उसका दिया गिफ्ट रखना ही पड़ता है। अब टैंग ऑफिस में वापस आती है तो आते ही देखती है कि मिस्टर लू ने वो गिफ्ट फेंक दिया है, लेकिन वो स्वीपर से वो लेकर रख लेती है। रिसेप्शन पर जाते ही उसे पता चलता है कि जब वो ऑफिस से निकली थी तो उसी वक्त मिस्टर लू भी उसके पीछे भागा था। अब मिस्टर लू को बहुत गुस्सा था, वो ऐसा करता है कि उसे अपने साथ रूफटॉप जाने का ऑर्डर करता है। अब ऊपर जाकर भी उससे पूछता है कि तुम किसके साथ डिनर पर गई थी। वो कहती है तुमने देख लिया था। अब लू को इतना गुस्सा आता है वो आगे से कहने लगता है कि ठीक है, तुम कल से अपनी रिसेप्शनिस्ट की जॉब पर वापस चली जाओ और कल तुम्हें तुम्हारी डायरी भी वापस मिल जाएगी। अब वो दोनों ही गुस्से में रूफटॉप से नीचे जाने लगते हैं। यहाँ पर एक दफा वो गिरती है तो मिस्टर लू से संभाल लेता है। अब उसके बाद जब वो दोनों एलिवेटर में खड़े हुए होते हैं तो एलिवेटर में कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पर टैंग को बहुत ज्यादा डर लग रहा था और वो इतना ज्यादा घबरा जाती है, उसे अंधेरे से भी फोबिया था। उसे लग रहा था कि उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। लू से संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इन दी एंड उसे काम डाउन करने के लिए लू उसे किस कर लेता है। अब जब एलिवेटर फिक्स होती है, दरवाजा खुलता है तो सब देखते हैं कि वो दोनों किस कर रहे हैं। अब मैंग किसी तरह से उन दोनों को वहां से भगा देती है और उसके बाद सारे ऑफिस को डांटती है कि किसी ने ये वीडियो कहीं रिलीज नहीं करनी। अब मिस्टर लू भी टैंग के पीछे पीछे आता है, उसे उसके शूज वापस करता है जो एलिवेटर में भूल गई थी। अब टैंग भी वहां से जल्दी जल्दी में निकल जाती है। जैन हैरान था तो मैंग उसे बताती है कि एक्चुअली अभी मिस्टर लू ने इसे लिफ्ट में किस की है। मजे का सीन आता है जब जैन फौरन से मिस्टर लू के ऑफिस में जाता है और उनसे पूछने लगता है कि तुमने क्या किया है, तुमने उस बेचारी मासूम सी लड़की टैंग का यूज किया, तुम्हें क्या हो गया है।
लेकिन आगे से मिस्टर लू कहने लगता है कि मैंने यूज़ नहीं किया, मैं तो उसकी हेल्प कर रहा था। उसको सिवियर सफोकेशन हो रही थी और मैं उसे सांस लेने में हेल्प कर रहा था। लेकिन जैन आगे से कहने लगता है कि क्या उस लड़की ने तुम्हें अलाउ किया था खुद को किस करने को? लेकिन मिस्टर लू कहता है उसने मना भी नहीं किया था। अब जैन के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं बचा था, तो वो बस जाते जाते उसके टेबल पर टिश्यू फेंकता जाता है कि अपना फेस वाइप कर लो, क्योंकि उसके माउथ पर अभी तक लिपस्टिक के निशान थे। अब इसके बाद जैन जब घर जाता है तो वो टैंक से बात करने लगता है और उससे कहता है कि वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, लेकिन अगर वो घटिया इंसान है मैं उसे दोस्ती खत्म कर दूंगा। उसने तुम्हारे साथ अगर कोई जोर जबरदस्ती की है तो देखना, मैं उसकी कंपनी भी छोड़ दूंगा और उससे बदला भी लेकर आऊंगा। इनफैक्ट ये बात सुनकर टैंक को काफी खुशी होती है, क्योंकि जैन उसका काफी अच्छा फ्रेंड बन गया था। लेकिन वो कहने लगती है कि एक्चुअली वो सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा था, और हाँ, मैंने भी उसे नहीं रोका, इसलिए उसकी कोई गलती नहीं है। और फिर इसी तरह से बातों बातों में टैंक को सारी बात जैन को बतानी पड़ती है कि वो कैसे इस ऑफिस से पहले भी उसे एक ट्रिप पर भी मिली थी और उनकी डायरी का भी चक्कर चल रहा है। अब एक तरफ तो टैंक को बार बार यही ख्याल आए जा रहा था कि आज उनकी किस तरह से किस हुई है, और उसे हर तरफ मिस्टर लू ही नजर आता है। इवन के अपने बेड पर वो जिस तरफ करवट लेती थी वही स्माइल करता हुआ दिखाई देता था। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि ही कुछ प्लान कर रहा होता है। वो अपने सारे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स को कॉल करता है जो कोई भी टैंक को जानता था। उनमें से किसी के पास भी अगर टैंक की कोई फोटोज थी तो वो उनसे मांग लेता है। उधर टैंक आज जब ऑफिस में जाती है तो मिस्टर लू से कहता है कि मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे कोई स्पाई समझते हैं जो आपकी कंपनी में कुछ चुराने के लिए आया, तो मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरा कॉन्शियंस एकदम क्लियर है। अगर फिर भी आप चाहते हो कि मैं रिजाइन दे दूं या फिर मेरे पे इन्वेस्टिगेशन करानी है तो आप करा सकते हो। लेकिन आज लू को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, वो बहुत शांत स्वभाव में था। अब टैंग वहाँ पर अपनी पैकिंग करने लगती है, क्योंकि कल रात को उसने उसे बोला था कि तुम कल रिसेप्शन की जॉब पर वापस चली जाओगी। लेकिन अब लू को ये एक्सेप्ट नहीं था। वो उसे रोकने लगता है और धमकी देता है कि तुम्हारी डायरी भी फाड़ दूंगा अगर तुम वापस जाने से ना रुकी तो। अब वो टैंक को मनाता है और जाते जाते उसका सारा बॉक्स और सामान वापस उसके डेस्क पर रख देता है और उससे कहता है मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी से किसी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट ना करो जो काम से रिलेटेड हो। तुम अब किसी भी ऐप में ही की हेल्प नहीं करोगी। अब टैंक भी ये बात मान जाती है और इस बात पर मिस्टर लू फिर उसे एक कैंडी भी खिलाता है उनकी सुलह होने की खुशी में। उधर हमें मैंग को दिखाते हैं। वो आज जैन की बहुत खिदमतें कर रही थी, वो उसके लिए कॉफ़ी भी बना कर लाई थी, बड़े प्यार से उसे पिलाती है और इसके साथ साथ उसके फेस को वाइप कर रही होती है कि इतने में ऊपर से टैंग आ जाती है। उसे देखकर वो इस तरह से कुछ मुड़ती है कि उसके लिपस्टिक का मार्क जैन की चीक्स पर लग जाता है। अब यहाँ पर जैन काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, मैंग तो भाग गई थी। अब टैंग उससे बहुत सारी बातें पूछती है, वो बेचारा नर्वस होता रहता है। वो उसे जाते जाते कुछ भी नहीं बताती कि तुम्हारे चीक्स पर मार्क लगा हुआ है। अब वो सीधी जाती है मैंग के पास और उसे बातों बातों में अंदाज़ा हो गया था कि मैंग उसे लाइक करने लगी है और शायद इस वजह से कन्फ्यूज है कि वो दोनों एक ही घर में रहते हैं, कहीं इन दोनों की आपस में कोई सेटिंग ना हो जाए। लेकिन आज टैंग उसे क्लियर कर देती है कि जैन को मैं इस नज़र से नहीं देखती और ना ही वो मुझ में कोई इंटरेस्ट रखता है, और अगर तुम दोनों का आपस में सेटअप कराना हो तो उसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। उधर हमें लू को दिखाते हैं, वो भी जैन के ऑफिस में जाता है और आज उसकी चीक्स पर लिपस्टिक का निशान देखकर अब उसका बदला लेने का टाइम आ चुका था। उसे बहुत सारी बातें लगाता है और फिर जाते जाते उसे टिश्यू देकर जाता है और कहता है कि अपना फेस भी मिरर में देख लेना। उधर ही ने टैंक की बहुत सारी फोटोज़ मंगवा कर उनका एक एल्बम बना लिया था, और इससे वो क्या करेगा ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। अब उसके बाद वो उसे अपने साथ एक जगह डिनर पर लेकर जाता है। वो एक जापानीज स्टाइल रेस्टोरेंट था, खाने से ज़्यादा ही का ध्यान ड्रिंक करने पर था, क्योंकि टैंग ने उसे मना कर दिया था। वो कहती है कि अभी तक मैं अपना माइंड नहीं बना सकी कि तुम्हारी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाऊं। अब ही यही कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। और फिर उसके बाद अपनी कंपनी की कुछ टेंशन को मेंशन करता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। टैंग उसे रोकती है लेकिन वो नहीं मानता। उसी समय हमें एक नए करेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम गूलिंग है, और ये मिस्टर लू की एक्स गर्लफ्रेंड है और वो अभी अभी अब्रॉड से वापस आई है। वो अभी तक लू को भुला ही नहीं पाई थी, तो वो उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़ी होकर उसे चोरी चोरी देख भी रही होती है। उधर ही अब बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था वो टुन था, तो अपने क्रेडिट कार्ड की भी उसको बता देता है और साथ ही साथ अपने घर का एड्रेस भी, और कहता है कि मुझे यहाँ से ले चलो। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो नाटक कर रहा है। उधर जैन को टैंक की बहुत फिक्र हो रही थी, इतनी रात हो गई थी वो घर ही नहीं आई थी और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। इतने में वो लू को कॉल करता है, उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ कोई है।
वो कहता है यस, एक्चुअली उसके साथ उसका डॉग था, लेकिन जैन को लगता है कि इसके साथ टैंग है। वो कहता है कि उस बेचारी लड़की को छोड़ो और उसे घर भेज दो। अब लू को भी समझ आ जाती है कि टैंग कहीं गई हुई है, वो भी उसकी तलाश में निकल पड़ता है। अब जैसे ही वो निकलता है तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम गूलिंग था वो उसके अपार्टमेंट में चोरी चोरी घुस जाती है। उधर टैंग बहुत मुश्किलों से ही को उसके बेडरूम तक पहुंचाती है, वो बहुत ज़्यादा हैवी था और वो बेचारी दबी पड़ी थी कि इतने में जैन की कॉल आती है। वो कहती है मैं कुछ कर रही हूँ, बाद में बात करूंगी। वेल, अब टैंग को लगा था काम खत्म हो गया, जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर ही मिस्टर ही की ओवर एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। वो अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करने लगता है और बार बार टैंग को खुद की हेल्प करने को कहता है। वो बेचारी एक दफा बाहर निकलती है, जब वापस आती है तो देखती है उसने तो शर्ट भी उतारी हुई थी। अब उसे इस तरह से देखकर उसे काफी शर्म आती है। उधर जैन ने भी पूरे शहर को तंग किया हुआ था, ही का नंबर नहीं लगता तो वो फौरन से यलिन को कॉल करता है और पूछता है कि ही आज किसके साथ है, कहीं टैंग के साथ तो नहीं। अब यलिन झूठ बोल देती है कि वो मेरे साथ था, क्योंकि उसका काम यही था अपने बॉस को प्रोटेक्ट करना। उधर टैंग बड़ी मुश्किल में फंस गई थी, उसको किसी तरह से एक टी शर्ट भी पहनाती है ताकि वो इजी हो जाए और उसे कवर भी कर देती है। अब वो वहां से जाना चाहती थी लेकिन उसके दरवाजे का लॉक ही नहीं खुल रहा था। उसे पता ही नहीं था कि बाहर जाने के लिए क्या कोड यूज करना है। उधर हमें गूलिन को दिखाते हैं, वो इस टाइम पर लू के अपार्टमेंट में पहुंची हुई थी। उसे पुरानी यादें भी आने लगती हैं कि किस तरह से कॉलेज में जब उसने पहली दफा लू को देखा था तो उसका उस पर दिल आ गया था। वो कॉलेज की प्रिंसेस थी, ब्यूटी प्रिंसेस, तो इसलिए उसे लगता था कि लू उसे बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, और था भी कुछ ऐसा ही। अब वो लू के घर पर आती है तो उसे उसके टेबल पर एक लड़की की फोटो दिखाई देती है जो वो अपने फोन में सेव कर लेती है। उधर टैंग आज मिस्टर ही के डेस्क पर एक एल्बम देखती है, उसमें बहुत सारी टैंग की फोटोज थी और हर फोटो के साथ कोई ना कोई पोएट्री की हुई थी। वो ऐसे पोर्ट्रे कर रहा था कि जैसे बहुत लंबे समय से वो टैंग को लाइक करता है और दिल ही दिल में उसका प्यार दबाए हुए है। एक्चुअली यही सब कुछ ही प्लान कर रहा था। अब टैंग वहां से जा तो नहीं सकती थी तो बाहर खामोशी से सोफे पर जाकर सो जाती है। उसका फोन भी डेड था, किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी। उधर हमें लू को दिखाते हैं, वो जैसे ही के घर जाने लगता है यलिन नजर आती है जो जबरदस्ती उसे अपने साथ ड्रिंक करने ले जाती है। यलिन उससे दिल की बातें करती है और कहती है लू मैंने देखा है कि तुम उस लड़की को टैंग को लाइक करते हो, तुम इतना बता दूं ही उसे इस कंपनी में लेना चाहता है। एक्चुअली यलिन भी नहीं चाहती थी कि टैंग इस कंपनी में आए क्योंकि वो ही को जो पसंद करती थी। अब वो उससे कहती है कि मैंने यही सुना है कि उसने आज ही के साथ ड्रिंक किया है, लेकिन उसके घर जाकर हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो चीज़ें पर्दे के पीछे उन्हें रहने दो, नहीं तो अगर हमारे सामने आए तो हमारा बहुत दिल टूटेगा। एक्चुअली यही यलिन की हमेशा से स्ट्रेटजी थी, वो हर चीज़ से कबूतर की तरह से आंखें बंद कर लेती थी और आज वो लू को भी यही मशवरा देती है, कहती है कि अगर अपने दिल को सुकून में रखना चाहते हो तो शांति से यहीं बैठे रहो, जो होगा कल देखा जाएगा। अगर वो लड़की तुमसे वाकई प्यार करती है तुम्हें मिलना हुआ तो वो मिल जाएगी, और अगर मुझे ही ने मिलना हुआ तो वो मुझे मिल जाएगा। उधर हमें ही को दिखाते हैं, वो वाकई ड्रंक नहीं हुआ था। जब टैंग सो जाती है तो बड़े प्यार से आता है और उसे कवर कर देता है। अब जब अगली सुबह टैंग उठती है तो वो देखती है मिस्टर ही ने उसके लिए ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर किया हुआ था और वो उससे कहता है कि सॉरी आज मेरी वजह से तुम ऑफिस से लेट हो जाओगी, इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए वो ही उसको ड्रॉप करने की भी बात करता है। अब जब टैंग उसकी गाड़ी में ऑफिस में आती है तो उसे मिस्टर लू का सेक्रेटरी देख लेता है। अब जब वो लू के ऑफिस में जाती है तो वो बहुत गुस्से में भरा हुआ बैठा था। ऑफ कोर्स उसे पता चल गया था कि कल रात ये ही के साथ थी। वो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता और उसके बाद वो जब जैन के ऑफिस में जाती है तो वो उससे पूछने लगता है कि तुम कल कहाँ थी। अब उनकी बातें बाहर खड़ा सेक्रेटरी भी सुन लेता है कि ये दोनों एक ही घर में रहते हैं, मतलब कि क्या लिविंग रिलेशनशिप में है, और ये लड़की मिस्टर ही यानी कि जैन के भाई के साथ कल रात थी। जैन टैंग को समझाने लगता है, टैंग कहती है तुम गलत सोच रहे हो, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ और मैं कोई गलत लड़की नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ड्रंक इंसान की हेल्प कर रही थी। जैन का कहना था कि मेरा भाई बहुत दो नंबर है, वो इतनी जल्दी ड्रंक भी नहीं होता, उसने यकीनन तुम्हें प्लॉट किया होगा। उधर सेक्रेटरी सीधा मिस्टर लू के पास आता है और कहता है आप चाहे मुझे डांटें चाहे पनिशमेंट दें, आज मैं सच बताऊंगा, और वो ये है मैंने देखा है कि आप लकी टैंग को लाइक करते हैं, पर उस लड़की की हकीकत ये है कि वो जैन के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है और इसके साथ साथ कल रात उसने बिताई है उसके भाई मिस्टर ही के साथ, मैंने खुद देखा है उसने उसे यहाँ पर ड्रॉप किया अपनी गाड़ी में। अब ये सुनकर तो मिस्टर लू बेचारा बहुत परेशान हो जाता है, उसने सोचा भी नहीं था कि उसका बेस्ट फ्रेंड जैन उसे धोखा देगा। आज तक टैंग के बारे में जो भी उसने सुना था दूसरों से सुना था और वो हर बात उससे छुपाती आई थी और जैन भी छुपाता रहा था।
अब जब टैंग ऑफिस में वापस आती है और उससे कॉफी कप पूछती है तो वो गुस्से में कप ही गिरा देता है और चिल्लाने लगता है कि तुम चाहो तो रिसेप्शन पे वापस चली जाओ और चाहो तो ये कंपनी छोड़कर ही के पास चली जाओ। तुम में क्या इतनी भी शर्म नहीं है कि तुम एट अ टाइम दो भाइयों को पटाए बैठी हो। अब ये सुनकर तो टैंग को भी गुस्सा आने लगता है, वो उसके करेक्टर पर बातें कर रहा था और यहाँ पर उनकी लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है और गुस्से में टैंग उसे बुरा भला कहती हुई वहां से बाहर निकल जाती है। अब उसके बाद जैन लू के ऑफिस में आता है। लू को उस पर भी बहुत गुस्सा था, वो गुस्से में उसे एक धक्का भी दे देता है। लेकिन यहाँ पर जैन उसे सब कुछ क्लियर करता है कि वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ एक फ्लैट मेट है और ये एक आम सी बात है, बहुत से लोग इकट्ठे एक घर में रहते हैं और जहाँ तक ही की बात है उसने मुझे सब सच बताया है, उसका ही से कोई रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ ड्रंक हो गया था और वो उसे घर तक छोड़ने गई थी। और तुम क्यों इतना जेलस हो रहे हो, क्या तुम उसे लाइक करते हो? अगर करते हो तो बी अ मैन, उसे ये सब बताओ। लेकिन लू ये एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं था कि वो टैंग को लाइक करता है। उधर गूलिंग आज ही से मिलने के लिए जाती है और उससे बातों बातों में एक लड़की की फोटो दिखाकर पूछती है कि ये कौन है। अब जब गूलिंग को पता चलता है कि ये लड़की लू की कंपनी में एक रिसेप्शनिस्ट है, लेकिन जब उसे ये मालूम पड़ता है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लू को पटाने के लिए वहाँ पर छोटी मोटी जॉब कर रही है। अब ही को तो इससे फायदा ही होगा। आई थिंक वो यही सोच रहा है कि लू और टैंग के रास्ते में गूलिंग आ जाएगी और इस तरह से उसका रास्ता साफ हो जाएगा। अब उस कैफे से बाहर निकलते हुए गूलिंग की टक्कर सीधी टैंग से हो जाती है और वो टैंग पर काफी गुस्सा भी करती है और वहाँ से निकल जाती है। और फिर वहीं पर ही टैंग ही को देखता है तो उसे अपने साथ लंच पर ले जाता है जबरदस्ती और उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा है तो यही गुस्सा तुम खाने पर निकालो। टैंग कहती है हाँ है और अपने बॉस पर है और फिर वही गुस्सा खाना खा के निकालने लगती है। इतने में हमें कुछ फ्लैशबैक्स भी दिखाते हैं। पहले जैन और ही दोनों बहुत अच्छे भाई भाई हुआ करते थे और एक दफा उन्होंने क्रिसमस पर एक दूसरे को एक यादगार तोहफा भी दिया था। अब इन दोनों भाइयों का प्यार नफरत में कैसे बदला था ये तो हमें फिर कभी पता चलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि टैंग को लू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो मिस्टर ही के साथ बैठी हुई होती है। मिस्टर ही बहुत स्मार्ट टाइप का इंसान था, उसे अच्छे से पता था कि किसी गुस्से में आए इंसान का मूड कैसे ठीक किया जाता है। वो उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने लगता है और उसे ऐसे प्रूव करता है कि जैसे वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। वो उसकी डायरी देखने लगता है जिसमें उसकी बहुत सारी मेमोरीज थी। ये डायरी उसकी बेस्ट फ्रेंड लीजा ने उसे गिफ्ट की थी और इसीलिए तो टैंग बेचारी इस डायरी के पीछे मरी जा रही थी। टैंग की लाइफ में अब तक जितने भी स्पेशल लोग आए थे वो सारे उसे दूर हो गए थे। उसकी फ्रेंड लीजा की भी डेथ हो गई थी और इसके अलावा वो अपने एक मेंटोर के साथ मिलकर यूएसए में एक ऐप डिवेलप कर रही थी, लेकिन उस मेंटोर की भी सडनली डेथ हो गई थी। वेल, ही इतना स्वीट इंसान था कि अब वो उससे इस तरह की बातें करता है कि एक दफा तो टैंग का मूड काफी अच्छा हो जाता है। और अब वो उसकी डायरी में एक फोटो दिखाते हुए उसे आइडिया देता है कि क्यों ना हम दोनों एक एक्वेरियम चले इंजॉय करने के। और अब उसे फ्रेश करने की खातिर वो उसे एक एक्वेरियम में ले आता है। वो लोग वहाँ पर मैरीन लाइफ को देखते हैं जिसे देखकर टैंग का मूड काफी बेटर हो गया था। लेकिन यर्लिन को भी मिस्टर ही की लोकेशन के थ्रू पता चल गया था कि वो कहाँ गया हुआ है। वो खुद को रोक नहीं पाती और देखने लगती है कि ये किसके साथ है। जाकर देखती है तो पता चलता है कि वो वहाँ पर टैंग के साथ आया था। ये देखकर उसका दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है। वो देखती है कि किस तरह से उसके साथ इंजॉय कर रहा है। उधर मिस्टर लू का गुस्सा अब काफ़ी ठंडा हो गया था। वो जैन को अपने पास बुलाता है और बिठाता है, उससे पूछता है कि क्या सच में जो तुमने बोला था वो बिल्कुल ठीक था? वो कहता है ऐसा ही है, हम लोग अलग अलग रूम्स में रहते हैं, उसके मेरे बीच कुछ ऐसा नहीं, तुम मुझे बचपन से जानते हो। और जहाँ तक मिस्टर ही की बात है तो टैंग मेरे साथ रहती है, अगर उसके और ही के बीच कुछ होता तो मुझे पता होता। अब लू पूछता है कि वो कल रात कहाँ थी, तो जैन झूठ बोल देता है कि वो घर पर ही थी। अब लू को अपने वर्ड्स पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वो जैन से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मेरे बिहाफ पर उससे माफ़ी मांग सकोगे। जैन तो खुश हो जाता है, एटलीस्ट वो लू को तो मना चुका था। उसके बाद वो मैंग को एक राइड देता है और वो भी बाईसाइकिल पर उसके घर तक छोड़ने जाता है। वो दोनों इकट्ठे बहुत अच्छे लगते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। उधर ही जब वापस टैंग को ड्रॉप करने आता है तो उससे कहता है कि मैंने जो ब्रेसलेट तुम्हें गिफ्ट में दिया था तुम कभी वो पहनती नहीं हो, तुम पर अच्छा लगता है पहना करो। इसके बाद वो उसे कहने ही वाला होता है कि आई लाइक यू, लेकिन जानबूझकर टैंग उसकी बात कहीं और डाइवर्ट कर देती है ताकि वो उससे ये शब्द ना बोल सके। ही भी समझ गया था कि ये मेंटली रेडी नहीं है तो वो उसे सी ऑफ कर देता है। उसके बाद हमें गूलिंग को दिखाते हैं, वो आज जैसिका से मिलने के लिए आई हुई थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो ना सिर्फ लू की एक्स गर्लफ्रेंड है बल्कि उसकी कंपनी की एक बहुत बड़ी शेयर होल्डर भी है और अभी अभी वो यूएसए से वापस आई है।
वो लू को भुला नहीं पा रही थी, इसलिए अब वो उसकी लाइफ में दोबारा एंटर होना चाहती थी। और अब वो जैसिका के थ्रू पता कराती है कि ये टैंग लड़की कौन है। और जब उनकी किस वाली वीडियो देखती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो फैसला कर लेती है कि वो लू की लाइफ से इस लड़की को किक आउट करके अपनी जगह बनाएगी। जैन जब घर वापस आता है तो टैन थोड़ी तो फ्रेश लग रही थी क्योंकि ही ने उसका मूड ठीक कर दिया था। जैन उसे कहता है कि लू ने तुमसे अपोलोजाइज करने को बोला है, लेकिन आगे से टैंग कहती है कि अगर वो शर्मिंदा है तो उसे खुद ही मुझसे अपोलोजाइज करनी पड़ेगी। अब जैन उसे समझाता है और कहता है कि एक्चुअली वो इतना बुरा नहीं है, उससे गलती हो गई है, उसे माफ कर दो, वो शर्मिंदा है। और मैं इतना भी बता दूं कि तुम्हें भी ज्यादा गुस्सा इसलिए आया है क्योंकि तुम उसके लिए फीलिंग्स रखती हो। लेकिन टैंग ये मानने से इनकार कर देती है कि उसकी इस हेजहॉग के साथ कोई भी फीलिंग्स हैं। इतने में वो लोग जैन के बचपन की फोटो एल्बम को देख रहे होते हैं तो वहीं पर ही वो लू की बचपन की फोटो देखती है, जो देखते ही वो पहचान जाती है कि ये तो उसका बचपन का क्लास फेलो है, उसका चाइल्डहुड लव। और यही बात वो जैन से भी शेयर करती है। एक्चुअली लू ने अपना सरनेम चेंज किया था जिसकी वजह से वो उसे पहचान नहीं पाई थी। यहाँ पर टैंग जैन से रिक्वेस्ट करती है कि ये बात राजी रहेगी और तुम उसे नहीं बताओगे कि मैंने उसे पहचान लिया है। उधर लू बहुत शर्मिंदा बैठा हुआ था और उसको भी एक आइडिया आता है, जबकि टैंग उसी समय मिस्टर लू की हेजहॉग वाली फोटो बनाकर उस पर तीर से निशाने मार के थोड़ा खुद को तसल्ली दे रही होती है, थोड़ा खुद को काम कर रही होती है कि जैन उसकी यही वीडियो बनाकर लू को सेंड कर देता है। लू भी उस समय नीचे ही खड़ा हुआ था और उसने बहुत सारे पेपर एयरप्लेन्स बनाए हुए थे जिन पर आई एम सॉरी के शब्द लिखे, और वो टैंक के टेरेस में ऐसे बहुत सारे पेपर प्लेन्स उड़ाता है। एक्चुअली वो शर्मिंदा था और टैंक को भी उसकी अपॉलोजी एक्सेप्ट थी, ये बात हमें उसकी नज़रों में नजर आती है, लेकिन वो उसके सामने नहीं खड़ी होती। अब नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाती है तो उसने उसकी अपॉलोजी एक्सेप्ट कर ली थी और उसे ये भी पता चल गया था कि वो उसका बचपन का फ्रेंड है। वो उसे बहुत सारे ऐसे हिंट देती है, अपने स्कूल की बातें करती है, उसकी पूछती है, लेकिन लू जानबूझकर खामोश रहता है। तो टैंग भी फैसला करती है कि अगर इसने भी लुका छुपी खेलनी है तो मुझे भी ये पसंद आ रही है। इतने में ऑफिस में गूलिंग आती है और वो बहुत बदतमीज टाइप की थी, रिसेप्शन से लड़ती हुई सीधी ऑफिस में घुस जाती है। आते ही लू को हक करना चाहती थी लेकिन वो उसे ज्यादा भाव नहीं देता। गूलिंग को सबसे पहले तो इस बात का गुस्सा था कि उसके ऑफिस में कौन सी असिस्टेंट है जो मेरी जगह पर बैठती है, और साथ ही साथ वो ये भी देख लेती है कि उसका दिया हुआ कैक्टस का गिफ्ट जो उनके प्यार की निशानी थी आज टूटा पड़ा है। लू से उसकी औकात बहुत अच्छे से याद दिला देता है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और मुझे अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। लेकिन गूलिंग कोई ढीठ किस्म की इंसान थी, वो बार बार खुद को उस पर इम्पोज करने की कोशिश करने लगती है। इतने में ऊपर से टैंग भी आ जाती है जो एक नया कैक्टस लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पर गूलिंग उसे बातें लगाने लगती है कि मेरे वाला कैक्टस ज़्यादा अच्छा था, तुम्हारे वाला शॉर्ट है बिल्कुल तुम्हारी तरह, और फिर उसे ऑफिस से बाहर भेज देती है कि मैंने लू से इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब जब टैंग बाहर आती है तो उसे मैंग के थ्रू पता चलता है कि ये लड़की मिस्टर लू की एक्स गर्लफ्रेंड है और इस कंपनी की बहुत बड़ी शेयर होल्डर भी। लू तो गूलिंग की नेचर से बहुत अच्छे से अवेयर था, वो उसे कहता है कि प्लीज़ इस लड़की को बुली मत करना, और अगर तुम उसे माफ़ी मांगने आई हो तो ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन हम दोनों एज अ कपल अब इम्पॉसिबल हैं। यहाँ पर गूलिंग उसे वार्न करती है कि अगर तुमने मुझसे अच्छे से बात ना की या मुझे सी ऑफ ना किया तो मैं उस लड़की का बुरा हाल कर दूंगी। अब लू तो उसे भाव नहीं देता तो वो सारा गुस्सा जाकर टैंक पर निकालती है, और जाते ही उसे कहने लगती है कि मैं और लू 2 साल से एक दूसरे से थोड़ा दूर हुए हैं, लेकिन हम मेड फॉर ईच अदर हैं, मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस कंपनी को छोड़कर चली जाओ वरना तुम्हें ह्यूमिलिएट करके निकालूंगी। और फिर जाते जाते उसका कैक्टस भी तोड़ कर जाती है। अब लू भी पहुंच जाता है और उसे घसीटता हुआ वहां से बाहर ले जाता है। गूलिंग कहती है कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं, इस कंपनी में मेरे भी शेयर्स हैं और मैं जब चाहूँ काम पर वापस ज्वाइनिंग कर सकती हूँ। और फिर वो इतनी घटिया थी कि जाते जाते उसकी चीक्स पर अपना लव स्टैंप भी देकर जाती है। टैंग बेचारी का मूड बहुत ऑफ था, और जब वो देखती है कि लू उससे अपॉलोजी करने आया है लेकिन साथ ही साथ उसकी चीक्स पर लिपस्टिक का निशान उसे और भी गुस्सा दिला देता है, और वो कहने लगती है कि मैं आखिर हूँ ही कौन, मेरे साथ बुरा जिसने किया है वो सॉरी करे, तुम क्यों करते हो। और इसके साथ ही वो ये भी फैसला करती है कि अब वो रिसेप्शन पर ही बैठेगी। जाते जाते बोलती है कि तुम बॉस हो, थोड़ी तो शर्म करो, अपना फेस वाइप कर लो, बहुत इनएप्रोप्रिएट लगता है। और अब लू को समझ आती है कि गूलिंग ने क्या शरारत की थी। मिस्टर लू आज टैंग की फेवरेट कैंडीज भी लेकर आया था, उसे डायरेक्टली नहीं दे सकता तो पूरे ऑफिस में ही बांटने लगता है, लेकिन सेक्रेटरी के हाथ से टैंग वो कैंडीज नहीं लेती। और छुट्टी के बाद वो इतनी सैड थी कि उसी ट्री हाउस में जाती और अपने दिल की बहुत सारी बातें करती है।
उसने यही फैसला किया था कि अब वो अपनी सारी बातें जाकर लू से क्लियर करेगी। तो वो भागती हुई उसके घर की तरफ जाती है। उधर लू जैसे ही घर पहुंचता तो आगे गोलिंग को देखकर हैरान था, जो उसी की ही शर्ट पहने खड़ी थी और उसके घर में कुकिंग भी की थी। लू ने सोचा भी नहीं था कि गोलिंग इतनी गिरी हुई हरकतें करेगी। वो उसे पकड़कर घर से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसी टाइम पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं सामने टैंक खड़ी होती है, जिसे देखकर गोलिंग लू के बहुत क्लोज होने लगती है और उसे यही शो कराती है कि वो दोनों आज भी प्यार करते हैं। अब लू तो गोलिंग को धक्का देता हुआ टैंक के पीछे पीछे चला जाता है कि जो तुमने देखा वैसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो चली जाती है। अब लू उसकी टैक्सी का पीछा करता है, बार बार कॉल्स करता है, लेकिन वो तो फ़ोन ही ऑफ कर देती है। उधर मिस्टर ही को भी टैंक से मिलने का एक बहाना मिल जाता है। वो उसकी गाड़ी में कुछ अपना सामान भूल गई थी, जो वो देने के लिए उसके घर ही पहुंचने लगता है। अब टैंक जैसे ही घर पहुंचती है तो खुद को एक कमरे में लॉक कर लेती है। ऊपर से लू भी आता है और आकर उसे बहुत मिन्नतें करता है कि प्लीज़ बाहर निकलो, मेरी एक दफ़ा बात तो सुनो। लेकिन टैंक इतने गुस्से में थी कि जैन को कहती है कि अगर तुम मेरे फ्रेंड हो तो इसे घर से बाहर निकाल दो। अब जैन को तो ऐसा ही करना पड़ता है। अब लू जब बाहर जाता है तो मिस्टर ही को भी वहाँ आते हुए देखता है, जो उसे बताता है कि मैं अपनी फ्रेंड एला से मिलने के लिए आया हूँ। अब ये देखकर लू दोबारा से जेलस हो जाता है। अब जब ही आता है तो उसके लिए टैंक दरवाज़ा खोल देती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो था ही इतना स्वीट, उसके सामने बहुत अच्छा बनता था और उसे लोगों को हैंडल करना भी आता था। वो उसे उसका सामान वापस करता है, लेकिन उसके बाद टैंक कहती है कि मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, और ही भी खामोशी से चला जाता है। बाहर वो लू को देखता है तो उससे कहता है कि क्यों ना तुम आज मेरे साथ थोड़ा ड्रिंक ही कर लो। जबकि गोलिंग बार बार लू को कॉल्स कर रही थी, लू भी उसे अवॉइड करना चाहता था, इसलिए वो बेहतर सोचता है कि मैं ही के घर ही चला जाऊँ। अब वो ही के घर पर वही एल्बम भी देखता है जो उसने स्पेशली एला के लिए प्रिपेयर की थी, और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ही बहुत चालाक था। वो खुद तो थोड़ा सा ड्रिंक करता है, लेकिन लू को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा देता है और फिर उसके सामने ऐसी ऐसी बातें करता है जो सीधी उसके दिल पर लगती हैं। इसके बाद लू को यही रियलाइज़ होता है कि सिर्फ मैं ही टैंक के लिए स्पेशल नहीं, बल्कि ये भी है, मैं उसका स्कूल का फ्रेंड तो ये उसके कॉलेज का फ्रेंड है। मैंने उसको किस की थी एलिवेटर में, तो इसके साथ वो एक दफ़ा उसके फ्लैट में रात भी रही है। ये बात एक्चुअली ही ने बहुत पोलाइटली और स्वीटली उस तक पहुंचा दी थी, उसे पता भी नहीं चला था। अब ही तो मिस्टर लू को जलता हुआ देखकर काफ़ी इंजॉय करता है। अब लू तो टुन होकर सो गया था, इतने में उसके फ़ोन पर कॉल आती है तो ही सुनता है, और ही फिर गोलिंग का मैसेज जाकर लू को देता है कि तुम घर वापस जा सकते हो, वो कह रही है कि मैं तुम्हारे घर से चली गई हूँ। वेल, अब नेक्स्ट डे ऑफिस में दिखाते हैं कि टैंक का मूड बहुत ऑफ होता है। मिस्टर लू उसे तलाश करता है तो पता चलता है कि वो रूफ टॉप पर गई है। अब नेक्स्ट डे गोलिंग जाकर मिस्टर ही से मिलती है। मिस्टर ही उससे कहता है कि तुम इस तरह से खुद को उस पर इम्प्लीमेंट या इम्पोज करने की कोशिश करोगी तो वो कभी नहीं मानेगा, इसलिए धीरे धीरे चलो और जो भी तुम लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है उन्हें दूर करो, उसका दिल जीतने की कोशिश करो। वो अपने हाथ में एक रेजिग्नेशन लेटर भी लिए खड़ी थी। जैसे ही लू सामने आता है तो वो उसे दे देती है। लू कहता है कि क्या तुम मेरी एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुनना चाहोगी, लेकिन आगे से टैंक कहती है मुझे पता है जो तुम बोलोगे सही बोलोगे सच बोलोगे, लेकिन इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अप्स एंड डाउन्स मुझे इस कंपनी में मिले हैं उससे बेहतर मैं अकेली ही ठीक हूँ, और फिर गुड बाय कहती हुई वहाँ से निकल जाती है। अब नीचे जाकर जैसे ही मैंग और जैन को पता चलता है कि उसने क्विट कर दिया तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं। टैंक थोड़ी इसलिए भी परेशान थी कि उसके पास तो रेंट देने के पैसे नहीं थे और पता नहीं सैलरी मिलती भी है कि नहीं। जैन ऊपर जाकर लू को समझाता है कि देखो वो तुम्हें लाइक करती है, इसलिए तो जाते हुए इतने सैड नज़र आ रही थी और तुमने उसे एक दफ़ा भी रोकने की कोशिश नहीं की, इसलिए पहचानो कि तुम्हारे दिल में क्या है और उसके दिल में क्या है और कुछ तो करो, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। उधर टैंग बेचारी बहुत सैड होती है और सैड होकर काफ़ी सारा खाना भी खाती है। उसकी तो बर्थडे भी आने वाली थी और उस बर्थडे के लिए उन लोगों ने प्लान किया था कि वो लोग एक वंडरलैंड में जाएं और उन्होंने वहाँ पर टीम्स में बहुत सारी गेम्स भी खेलनी थी, वो लोग तो टीम भी डिसाइड कर चुके थे। इतने में वो याद करने लगती है कि बचपन में एक दफ़ा लू सैड बैठा हुआ था, उसकी उसके दादाजी के साथ फ़ोटो थी जो डैमेज हो गई थी। यहाँ पर टैंग उसकी हेल्प करती है और वो फोटो उसके लिए रिपेयर करके देती है। जैन लू के पास छत पर आया हुआ होता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुमने टैंग को रोकने की क्यों कोशिश नहीं की, कहीं तुम्हारा दिल दोबारा से गोलिंग के लिए तो नहीं धड़कने लग गया, अगर ऐसा ही है तो उसने तुम्हारा से कितना बुरा बिहेव किया था, मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनने वाला। अब पहले थोड़ी देर तो लू उसे छेड़ता है, लेकिन उसके बाद कहने लगता है कि मैं गोलिंग के पास वापस नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ वो ये भी कहता है सच सच बताओ क्या टैंग एक रात ही के साथ रही थी। तो आगे से जैन को सच बोलना पड़ता है। वो बताता है कि तुम कुछ भी गलत मत समझो, एक्चुअली ही ने ड्रिंक ज़्यादा कर लिया था और वो सिर्फ उसे घर तक ड्रॉप करने गई थी और डोर लॉक हो गया था,
तुम अपने दिल में कोई कन्फ्यूजन मत पालो। और मुझे लग रहा है कि तुम जेलस हो रहे हो, और लू भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एडमिट कर लेता है कि वो वाकई जेलस हो रहा है और उसके दिल में टैंक के लिए फीलिंग्स हैं। उधर टैंग ही का दिया हुआ एक जॉय लैंड का टिकट यूज़ कर दिया और एक जगह पर जाकर इंजॉय करने लगती है। वो खुद को काम डाउन करना चाहती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये प्लेस एक्चुअली ही के एक फ्रेंड की है। और वो फौरन से ही को वीडियो बनाकर भेज देता है कि तुम्हारा दिया हुआ कार्ड इस लड़की ने यूज़ किया है। अब थोड़ी देर बाद ही भी उसी जगह पर पहुँच जाता है और वो टैंग के साथ मिलकर वहाँ पर इकट्ठे इंजॉय करने लगता है। वो टैंक को कहता है कि जब भी तुम परेशान हो या फिर खुद को काम डाउन करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तो मुझे किसी भी टाइम पर कहीं पे भी बुला सकती हो। अब टैंक यहाँ पर ही के साथ मिलकर काफ़ी सारी मस्ती करती है और वो लोग इस तरह से इंजॉय करते हैं कि कहीं ना कहीं टैंक अपने गम को भूल गई थी और वो बहुत शांत हो जाती है। जबकि उधर यालिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ट्रैकर के थ्रू पता चला लेती है कि वो टैंक के पीछे ही कहीं गया हुआ है और वो जॉयलैंड में है। अब जब वो लोग वहाँ से फ्री हो जाते हैं तो ही यहाँ पर टैंक को कहता है कि मैं अपनी कंपनी वापस जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ आओ, तुमने कभी मेरी कंपनी का विजिट नहीं किया। उसके इतना सारा कहने पर टैंक मान जाती है। जबकि उधर लू को दिखाते हैं, वो जगह जगह जाकर ढूंढता है और फाइनली एक जगह ट्रैश में पड़ा हुआ उसे वही कैक्टस का प्लांट मिल जाता है जो कि टैंक उसके लिए लेकर आई थी। वो उस प्लांट को संभाल कर रख लेता है, वो उसे बहुत प्यारा था। और वैसे मिस्टर ही जब टैंक को अपनी कंपनी में लेकर जाता है, उसे तो थोड़ा काम था, तो वो यलिन को कहता है कि इसे विजिट करा लो। लेकिन यलिन बहुत गुस्से में थी, उसे टैंक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, तो वो भी काम का बहाना लगाकर उसे अकेले छोड़ देती है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि जैन ने कुछ प्लान किया हुआ है। वो मैंग को आज रात डिनर पर बुलाता है, साथ में टैंक को भी कहता है कि तुम भी ज़रूर आना, लेकिन एक्चुअली उसने चोरी चोरी लू को भी इन्वाइट किया हुआ था। उधर मिस्टर ही टैंक को बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहा था, ये बात यलिन को बर्दाश्त नहीं होती। उनकी रात को एक बिजनेस मीटिंग भी थी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि टैंक को वो खुद ही ड्रॉप करने जाएगा। उधर घर पहुंचकर जैन मैंग को कहता है कि तुम अगर कपड़े चेंज करना चाहो तो मेरी टी शर्ट पहन सकती हो ताकि कुकिंग करते हुए तुम्हारे कपड़ों पर कोई दाग ना लग जाए। अब मैंग इतनी खुश होती है, जैन उसके सामने खड़ा था और उसने उसकी टी शर्ट भी पहनी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे की नज़रों में ही खोए होते हैं कि यहीं पर ही मैंग के हाथ पर एक कट लग जाता है। अब जैन उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश में खड़ा होता है कि ऊपर से वहाँ पर टैंग आ जाती है और उसको लगा था कि उसने किसी रोमांटिक सीन को इंटरप्ट किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं काफ़ी खुश भी हो रही थी क्योंकि वो यही तो चाहती थी कि जैन और मैंग एक दूसरे के क्लोज आ जाए। इतने में बेल बजती है, वो जाकर देखती है तो आगे मिस्टर लू भी पहुंचा हुआ था। अब उसे समझ आती है कि जैन ने क्या चाल चली। टैंक को इतना गुस्सा था कि वो मिस्टर लू को बिल्कुल भी वेलकम नहीं करती, बल्कि बड़े बड़े स्लीपर्स खुद पहन लेती है और उसके लिए बिल्कुल छोटे साइज के रख देती है। वो बस यही चाहती थी कि किसी तरह से ये वापस चला जाए, लेकिन वो भी ढीठ की तरह अंदर चला जाता है। वो उनके लिए क्रीम पफ्स भी लेकर आया था। मैंग बहुत खुशी खुशी खा रही होती है और वो लू को कहती है कि इसे भिजा कर दो, लेकिन आगे से टैंग मना कर देती है और खाने से इनकार करती है। अब मैंग और जैन दोनों एक चाल चलते हैं और कहते हैं कि लू बहुत अच्छा कुक है, क्यों ना आज वो कुकिंग करे, और उसका साथ कौन देगा। ऑफकोर्स वो टैंग को ही इस बात में फंसाने की कोशिश करते हैं और मैंग रिक्वेस्ट करती है कि तुम उसके साथ कुकिंग करा लो और इस तरह से मुझे और जैन को थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। अब टैंग को भी अपनी फ्रेंड की वजह से ये बात माननी पड़ती है और वो लोग ये भी कहते हैं कि किचन का दरवाज़ा बंद कर लो वरना बाहर गर्मी आएगी। जैन ने किचन में एक कैमरा भी लगाया हुआ था और वही वो मैंग को दिखाने लगता है कि देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं, क्या बातें करते हैं। अब इसी बीच उन दोनों ने ये बात तो नोटिस कर ली थी कि मिस्टर लू के अंदर कोई ना कोई घट्स जरूर है। वो ऊपर से कुछ और दिखता है, लेकिन अंदर वो लड़कियों को पटाने का हुनर अच्छे से जानता है। वो एक दफ़ा बिल्कुल टैंक के करीब आकर खड़ा हो जाता है और उसका बिल्कुल एक हीरो की तरह से रास्ता भी ब्लॉक करता है और साथ में कहने लगता है कि मैं कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ, गुलिंग के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं। अब जो तुमने कल देखा था वो सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गुलिंग ने ही प्लॉट की थी। अब मैंग लू से इम्प्रेस हो रही थी तो जैन उसको वही एक्शन करके दिखाता है और मैंग की नज़रों में तो वही हीरो था। अब वहाँ पर वेजिटेबल्स चॉप करते हुए टैंक के हेयर उसके फेस पर आए जा रहे थे तो मिस्टर लू उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। उसे और कुछ नज़र नहीं आता तो एक पेपर क्लिप ही ले आता है और वो टैंक को बालों में लगा देता है और देखता है तो वो वाकई बहुत क्यूट लग रही थी। अब टैंक को फाइनली उस पर रहम आ ही जाता है और वो उससे स्लीपर्स चेंज कर लेती है जो उसने छोटे छोटे पहने हुए थे, वो खुद वापस ले लेती है। उधर यलिन आज ही से काफ़ी नाराज़ हो जाती है क्योंकि उन्होंने डिनर पर जो मीटिंग बुलाई हुई थी उन क्लाइंट्स को वेट कराना पड़ रहा था और ही टैंक को छोड़ते हुए वापस आने में काफ़ी लेट कर देता है। उधर हमारे दो दो कपल्स का भी डिनर अब स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर लू इतना केयरिंग बना हुआ था कि वो टैंक को श्रिम्प्स भी पील ऑफ करके देता है और खाना खाते हुए उसका बड़े अच्छे से ख्याल रख रहा था, बार बार उसे सर्व भी कर रहा था।
यहाँ पर टैंग मौका मिलते ही डिनर में बातों बातों में उसे बहुत सारी बातें लगाने लगती हैं और बहुत सारी स्कूल की बातें भी करती हैं। वो चाहती थी कि किसी तरह से लू अपने मुंह से खुद ही कह दे ये वही उसका क्लास फेलो है। लेकिन लू सारा समय कंफ्यूज जरूर होता है लेकिन खामोश रहता है। उधर हमें गूलिंग को दिखाते हैं, वो दोबारा से लू के अपार्टमेंट में जाने की कोशिश करती है लेकिन अब वो चालाक था, उसने पासवर्ड बदल दिया था। इस बात से उसे काफ़ी गुस्सा आता है। अब डिनर ख़त्म होने के बाद जैन ने और मैंग ने एक शरारत सोची थी। वो लोग कहते हैं कि हम ड्रिंक भी करेंगे और साथ में ट्रूथ एंड डेयर भी खेलेंगे। अब यहाँ पर टैंग और लू दोनों ही मना करते हैं लेकिन वो लोग उन्हें कायर कह कह के उन्हें खेल में शामिल कर ही लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जैन की बारी आती है तो एक क्वेश्चन के जवाब में मैंग को एक बात पता चलती है और वो ये थी कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सिर्फ 5 ही दिन उसकी गर्लफ्रेंड रही थी और उसके बाद ही ने उनका ब्रेकअप करा लिया था। मतलब कि वो गर्ल्स के इश्यूज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब एक दफ़ा मिस्टर लू की बारी आती है तो टैंग उसे क्वेश्चन करती है कि सच सच बताओ मेरे वाला कैक्टस ज़्यादा अच्छा था या फिर पुराने वाला कैक्टस। मतलब कि अभी तक वो कहीं ना कहीं गूलिंग से कंपटीशन कर रही थी। अब यहाँ पर मैंग इशारा करती है तो लू को समझ आ जाती है। वो बिल्कुल सही जवाब देता है, कहता है कि जो तुम लेकर आई थी वो ज़्यादा स्पेशल था और ज़्यादा सुंदर। अब जहाँ कहीं भी टैंग को ड्रिंक करना पड़ता था तो उसकी जगह लू ही ड्रिंक कर लेता था। उधर मिस्टर ही को दिखाते हैं, वो जिस मीटिंग में था वहाँ पर एक आदमी काफ़ी ड्रिंक कर लेता है और वो ड्रंक होकर बताता है कि मुझे पता चला है कि हैश कंपनी ने तुम्हारी बजाय मिस्टर लू की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का फैसला किया है। लेकिन अभी ये न्यूज़ कंफर्म नहीं थी। वेल वहाँ से जाते जाते वो यर्लिन से काफ़ी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर मिस्टर ही आगे बढ़ता है और यर्लिन को बचा लेता है। उधर हमारे दोनों कपल्स इस टाइम पर पूरी तरह से टुन होकर पड़े हुए होते हैं। यहाँ पर टैंग बार बार लू को जगा रही थी लेकिन वो उठता ही नहीं था तो वो भी ड्रंक होकर उसे अपने बचपन वाला चबी लू कह देती है। और यहाँ पर ड्रंक होकर उन दोनों ने एक दूसरे के सामने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और बचपन के फ्रेंड हैं। टैंग उस पर काफ़ी गुस्सा निकालती है और कहती है तुमने मुझसे मिसबिहेव किया, उससे बदला लेने की बात करती है, उसे थोड़ा बहुत मारती भी है। अब फाइनली इन दी एंड मिस्टर लू का सेक्रेटरी आता है और ड्रंक हुए मिस्टर लू को वहाँ से उठाकर ले जाता है। अब टैंग भी सोने के लिए चली जाती है। मैंग तो अपने घर जाना चाहती थी लेकिन जैन उसे अपने ही बेडरूम में सुला देता है और खुद बाहर सोफे पर सो जाता है। जबकि मिस्टर लू घर जाते हैं कैक्टस के साथ अपनी फ़ोटो बनाता है और वीडियो में ये भी कहता है कि टैंग नाराज़ ना होना, देखो मैंने ये बहुत संभाल के रखा है, और यही वीडियो ड्रंक होकर उसे सेंड कर देता है। जबकि जैन रात को सोते सोते पता नहीं कब उठकर अपने बेडरूम में चला जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। और फिर नेक्स्ट डे हो जाता है, हमें पता चलता है कि आज टैंग की बर्थडे है और उसकी ग्रैंड माँ उसे कॉल करती है, उसे विश करती है। उधर टैंग जब होश में आती है उसे पता चलता है कि उसने कल लू से सारी बातें कर ली हैं तो वो काफ़ी एम्बेरस भी होती है। लेकिन उसके बाद ज़्यादा एम्बेरस होने की बारी जैन की और मैंग की थी क्योंकि वो दोनों एक ही बेड में पाए जाते हैं और उसके बाद उनकी चीखों की आवाज़ सुनकर जब टैंग उनको देखती है तो वो भी काफ़ी एम्बेरस हो जाती है। अब उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था क्योंकि बीच क्या हुआ है, तो यहाँ पर जैन कहता है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल बॉय हूँ, अगर कुछ हुआ भी हो तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मिस्टर ही और गूलिंग आपस में मिलते हैं और वो एक डील भी कर लेते हैं। अब लू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी जबकि मिस्टर ही टैंग को जीतने की। इस तरह से दोनों को अपना अपना प्यार मिल जाएगा। आज छुट्टी का दिन था तो जैन उनके लिए नाश्ता भी बनाता है और लंच के बाद उन लोगों ने अब वंडरलैंड भी जाना था अपना सारा दिन इंजॉय करने के लिए और साथ साथ टैंग की बर्थडे भी सेलिब्रेट करनी थी। अब वो लोग जब वंडरलैंड पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर 6 लोग चाहिए थे 2 टीम बनाने के लिए। यहाँ पर जैन ने यर्लिन को भी बुलाया हुआ था, ही भी आया हुआ था, अब एक मेंबर की कमी थी तो फाइनली वहाँ पर मिस्टर लू भी पहुँच जाता है जिसे जैन ने इन्वाइट किया था। और अब की बार टैंग को गुस्सा थोड़ा कम था तो उसे वहाँ पर वेलकम कर ही लेती है। और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पर काफ़ी मस्ती करते हैं। मिस्टर ही एक दफ़ा बातों बातों में लू को कहता है कि देखना टैंग मेरी कंपनी ज्वाइन कर लेगी, लेकिन लू का कहना था मैं उसे अपनी कंपनी से कहीं नहीं जाने दूंगा, बस तुम देखते जाओ। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं मिस्टर ही बातें करने में और लड़कियों को फ्लर्ट करने में काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर भी वो बहुत अच्छा समय टैंग के साथ बिताता है और मिस्टर लू बेचारा पीछे पीछे ही रह जाता है। जैन उसे बहुत बातें लगाता है, कैसे तो तुम हार जाओगे, कुछ तो करो। उसके बाद जब रोप स्कीपिंग करने की बारी आती है तो मिस्टर ही और मिस्टर लू दोनों आमने सामने हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मुकाबला कर रहे थे कि जैसे टैंग को जीतने के लिए कम्पीट कर रहे हों। लेकिन उन दोनों ने फाइनली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और कोई भी किसी से नहीं हारा था। लेकिन यहाँ पर यर्लिन को काफ़ी जेलस हो रही थी कि मिस्टर ही इतना कुछ क्यों कर रहा है और वो भी टैंग के लिए। और अंदर ही अंदर लू को काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि ही यहाँ पर क्यों आया है और वो इतनी चपड़ चपड़ बातें टैंग से क्यों किए जा रहा है। लोग रिंग्स फेंक कर कोई ना कोई टॉय जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर लू काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और एक बेस्ट टॉय विन कर लेता है। अब वो टॉय
टैंक को गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं करती। अब ही बहुत बड़े बड़े दावे करता है कि वो सबसे अच्छा टॉय विन करके दिखाएगा, लेकिन उसका एक भी निशाना सही नहीं लगता और इस बात पर यर्लिन उसका काफी मजाक उड़ाती है। और उसके बाद नेक्स्ट गेम में हमें दिखाते जब लकी टैंग एक चिकन बनी हुई थी, तो यहाँ पर ही और लू दोनों एक दूसरे से काफ़ी फाइट करते हैं क्योंकि वो दोनों ही उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन फिर इससे पहले कि उनकी लड़ाई किसी फाइनल पॉइंट पर पहुँचती, वहाँ पर और लोग आ जाते हैं जो उनके कंपटीटर थे। अब वो लोग दो टीम्स में बढ़ जाते हैं और अपने ओपोनेंट्स के साथ खेलने लगते हैं। यहाँ पर बिल्कुल बच्चों वाले खेल थे, लेकिन ये खेल बहुत ही ज़्यादा प्योर थे और यहाँ पर वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और जो कोई भी हारता है उसने खुद को एक हाई पॉइंट पर खड़े होकर डंब डिक्लेयर करना था, और यही थी इस गेम की पनिशमेंट। लेकिन यर्लिन को ही पर इतना गुस्सा था कि जब उसने खुद को डंब कहना होता है तो वहां पर ही को ही डंब कहती रहती है। अब उसके बाद वो लोग एक मेज में हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। यहाँ पर भी ये लोग काफी फन करते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है कि ही टैंग और लू तीनों पकड़े जाने वाले होते हैं कि यहाँ पर ही खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और उन दोनों को भागने देता है। और फिर उसके बाद मिस्टर ही को ऊंचा ऊंचा खुद को डंप कहना पड़ता है। वेल इन शॉर्ट, इनका आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा था। उधर हमें गोलिंग को दिखाते हैं, उसको ही एक फ़ोटो सेंड करता है और साथ में लोकेशन भी। अब उसे भी पता चल गया था कि ये लोग आज टैंक की बर्थडे मनाने किड्सलैंड में गए हुए हैं। अब शाम होने वाली थी और थोड़ी ही देर में वो लोग बर्थडे केक भी काटेंगे, तो यहाँ पर ही टैंक के लिए एक सरप्राइज लेकर आता है। वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा बुके था, लेकिन यर्लिन उस पर टॉन्ट करने लगती है कि इतना छोटा क्यों लेकर आए, क्या इससे बड़े साइज का नहीं मिला था। इतने में मिस्टर लू भी आ जाता है और उसने भी कोई ना कोई सरप्राइज जरूर उसके लिए प्लान किया था, लेकिन इससे पहले ही कि वो उसे कुछ बता सकता उसे गोलिंग की कॉलें आने लगती हैं। वो बाहर जाकर सुनता है, लेकिन देखता है तो सामने ही गोलिंग बैठी हुई थी और वो जिद करने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ ही आज का डिनर करूंगी। लू उसे बहुत इग्नोर करता है, बहुत ज़्यादा दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी ढीट थी कि उसे चिमट ही गई थी। कहती है कि या तो मेरे साथ तुम डिनर पर चलो या फिर मैं इसी रेस्टोरेंट में आकर डिनर करूंगी और टैंग की पार्टी को कैसे बर्बाद करती हूँ ये तुम भी देखोगे। इतने में जैन को कॉल करके लू बताता है कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। और फिर लू बेचारा लिंक को साथ लिए कहीं डिनर पर लेकर जा रहा होता है। वो सारा रास्ता उससे बहुत सारी बातें पूछती है, तुमने कोड क्यों चेंज किया, वो लड़की क्या ज्यादा स्पेशल है, लेकिन लू उसे हर बात पर इग्नोर ही करता आ रहा था। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो उसे गाड़ी में लॉक करके बाहर निकलता है और अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है कि स्पेयर की लेकर आओ और जो भी गाड़ी में बैठा है इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। उधर हमें दिखाते हैं कि टैंग अपनी बर्थडे के लिए रेडी थी, उसकी नजरें लू को तलाश कर रही थी लेकिन वो गायब था। अब वो सबके सामने किसी से पूछना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो बेचैन जरूर थी। अब वो तो टाइम पर पहुंच नहीं सकता था, तो वो लोग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर टैंग थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है क्योंकि उसकी लाइफ में हमेशा से फ्रेंड्स की कमी थी, लेकिन अब उसे लगता था कि उसे बहुत सारे फ्रेंड्स मिल चुके हैं। अब फाइनली बर्थडे ओवर हो जाती और सारे लोग जाने लगे थे। मिस्टर ही तो टैंग से क्लिंग होकर उसे ड्रॉप करना चाहता था, लेकिन जैन उसे चिपक जाता है कि तुम मुझे छोड़ोगे और यर्लिन गर्ल्स को ड्रॉप करेगी। यर्लिन को तो पता ही नहीं था कि आज टैंग की बर्थडे है, वो तो वैसे ही जैन के कहने पर आई थी, तो वो उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक स्पा में ले जाने लगती है क्योंकि वो दोनों गर्ल्स बहुत थक गई थीं। उधर जैन और मिस्टर ही को दिखाते हैं, वो आज दिल की काफ़ी सारी बातें करते हैं। जैन मिस्टर ही से कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम टैंग में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं है, कहाँ तुम एक प्ले बॉय और कहाँ वो सिंड्रेला टाइप की गर्ल। वो तुम्हें मिल भी गई तो उसके बाद भी तुमने कौन सा अपनी हरकतों से रुकना है, तुम और गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करते रहोगे उसके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन मिस्टर ही का कहना था कि देखो अब मुझे प्यार हो चुका है और मैं टैंग के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ और मैं गर्ल्स से फ्लर्ट नहीं करता, मेरा काम ही कुछ ऐसा है इसलिए मुझे सब लोगों से पोलाइटली बिहेव करना पड़ता है। उधर यर्लिन टैंग को कहती है कि ये ट्रीट मेरी तरफ से है, इस स्पा में तुम एंजॉय कर सकती हो, कोई भी ट्रीटमेंट ले सकती हो, ये बर्थडे गिफ्ट है। साथ ही साथ उसे मशवरा भी देती है कि मैंने देखा है कि मिस्टर लू तुम्हें बहुत लाइक करता है, उसकी लाइफ में पहली दफा कोई लड़की बहुत स्पेशल लगी है और वो तुम हो, इसलिए सोच समझ कर कोई फैसला करना। मतलब कि वो यही हिंट दे रही थी कि मिस्टर ही की कंपनी में आने के बजाय तुम वही रहो तो ज्यादा बेटर है। लू ने बार बार टैंग को कॉल्स की थी लेकिन वो उसकी कॉल भी नहीं उठा रही थी, और ट्रीटमेंट के बीच वो ये भी जिक्र करती है कि उसे हेजहॉग पर कितना गुस्सा है। उधर मिस्टर लू अब जैन को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि पार्टी ओवर और हर कोई वापस जा चुका है। उसे ये भी पता था कि टैंग कहाँ गई है, तो वो जैन से मिलने उसी के घर पर आने लगता है।
अब जब लू जैन को ये बात बताता है कि वो सिर्फ इसलिए पार्टी को छोड़कर गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गूलिंग आकर टैंक की बर्थडे को रुइन कर दे, तो ये सुनकर उसे बिल्कुल हमदर्दी होने लगती है और वो उससे कहता है कि तुम यूँ करो, नीचे जाओ और टैंक का वेट करो, जब वो आए तो उसे हर चीज़ एक्सप्लेन करना और बता भी देना कि तुम उससे प्यार करते हो। उधर टैंग मैंग से पूछ रही थी कि तुम्हें कब रियलाइज हुआ कि तुम जैन से प्यार करती हो, तो वो अपनी और जैन की बहुत सारी यादें उसे बताने लगती है और उसे बताती है कि जब इंसान प्यार में पड़ता है तो उसे कैसे हर जगह उसी की शक्ल नजर आती है। अब यही बातें टैंग को बिल्कुल फिट लग रही थी मिस्टर लू के ऊपर। उधर मिस्टर लू टैंग का वेट कर रहा होता है, इतने में वो वापस आती है तो वो हाथ पकड़ कर उसे रोकता है और फिर वो उससे पूछने लगता है कि मुझे बहुत दिनों से बेचैनी है, एक ही सवाल बार बार तुमसे करना चाहता हूँ कि उस दिन तुम ही के साथ थी, तुम रात को उसी के घर पर रही थी, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं? अब टैंग को इस बात से काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो मुझे मत बुलाया करो। अब लू उससे पूछता है कि मेरी तरफ जॉब छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो, क्या मिस्टर ही के पास? अब टैंग कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी कि मैंने किस कंपनी को ज्वाइन करना है, लेकिन लू कहने लगता है कि मेरी कंपनी छोड़कर तुम कॉम्पिटिटर की कंपनी में नहीं जा सकती, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज में लिखा हुआ है। अब इसी बात पर उन दोनों की बहस होनी स्टार्ट हो जाती है। टैंक का कहना था कि मैं फुल टाइम एम्प्लॉई हूँ ही नहीं और तुम क्यों मुझे बार बार रोकने की और तंग करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर मिस्टर लू कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और फिर उसको एक फोर्स्ड किस करता है और फिर उसके बाद कहने लगता है कि अभी भी तुम नहीं समझी कि मेरी क्या फीलिंग्स हैं। अब टैंक को कहीं ना कहीं खुशी तो हुई थी कि उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं, लेकिन उसके साथ ही वो उस पर गुस्सा भी करती है कि बिना परमिशन क्यों ऐसा किया। अब वो दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, लेकिन नींद किसको आई थी, दोनों को यही यादें आ रही थी जो आज उनके बीच लड़ाई हुई और उसके बाद वो किस। टैंग आजकल सोच रही थी कि क्यों ना वो जैन के घर से मूव आउट कर जाए, तो मैंग उसे अपना घर दिखाती और मशवरा देती है कि तुम यहाँ पर मूव इन कर जाओ, लेकिन साथ ही साथ वो डरी भी हुई थी कि अगर तुमने जैन को ये बताया कि तुम मेरी जगह पर आ रही हो तो उसको ये ना लगे कि मैं कितनी मीन हूँ, मैंने ही तुम्हें वहां से मूव करने को कहा होगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि मिस्टर लू उन दोनों की बचपन की यादगार वाली कैंडी शॉप पर खड़ा हुआ है और वहीं पर ही टैंग भी आ जाती है। आज वो कहीं ना कहीं मिस्टर लू पर बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थी, वो दोनों इकट्ठे बैठते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई वो क्लासमेट्स हैं और बचपन के फ्रेंड्स भी। यहाँ पर वो अपनी पुरानी बहुत सारी बातों को याद करते हैं और यहाँ पर टैंग उसे वो फिश टेल भी ड्रॉ करना सिखाती है जो वो अपनी हर ड्राइंग में और डायरी में बनाया करती थी, मिस्टर लू को ठीक से बनानी नहीं आती थी तो अब वो भी उसके हैंड पर प्रैक्टिस करके दिखाने लगता है, तो जैन और मैंग भी ये देखकर काफी खुश हो गए थे। अब वो लोग वहां पर इकट्ठे काफी इंजॉय करते हैं, काइट भी उड़ाने की कोशिश करते हैं। उस सीन में हमें दिखाते हैं कि गुलिंग बहुत परेशान है, वो अपसेट थी ही के साथ बैठी होती और कहती है कि मैं दिन के टाइम पर ही आज ड्रिंक करना चाहती हूँ, और फिर हमें दिखाते हैं कि वो लोग घूमते फिरते उसी ट्री हाउस तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर टैंग अपने दिल की हर बात किया करती थी। लू कहता कि मैं भी तुम्हारे देखा देखी अपनी हर बात यहीं पर ही शेयर करता हूँ, और फिर उसे वो ट्री हाउस में ले जाता और फिर कहता है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया था मुझे हर चीज का बदला चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी लाइफ से मूव आउट कर जाओ, याद है पहली दफा मैंने तुम्हें लीच से बचाया था, एलिवेटर में तुम्हें किस की थी, मुझे सब चीजों का बदला चाहिए। अब टैंग को भी उसकी बातें काफी स्वीट लग रही थी, लेकिन अभी वो उसके क्लोज होने के मूड में नहीं थी तो सच में उससे एक बदला ही ले लेती है उसे हर्ट करने का, लेकिन मिस्टर लू उसे बुलाता है और उसे हक करके खड़ा हो जाता है। अब लगता है कि उनके बीच के फासले दूर हो रहे हैं। उधर हमें गुलिंग को दिखाते हैं, वो इतनी परेशान थी, लू उसे इतना दूर करता था लेकिन वो मूव ऑन कर ही नहीं सकती थी। ही उसे कहता है कि तुम ऐसा करो लू के सामने शर्त रखो, या तो वो टैंक को जॉब से फायर कर दे और अगर वो फायर नहीं करता तो तुम कंपनी से अपने शेयर विदड्रॉ कर लो। अब गुलिंग भी बड़ी चलाक थी, कहती है कि दोनों सिचुएशन में फायदा तो तुम्हारा ही होने वाला है। उधर वो चारों फ्रेंड्स आज इकट्ठे लंच करते हैं। यहाँ पर टैंग बहुत दफा जैन को ये बताने की कोशिश करती है कि वो मूव आउट करने लगी है, लेकिन फिर किसी वजह से बता नहीं पाती। उधर ही अब गुलिंग के साथ ड्रंक हुआ पड़ा था तो वो यर्लिन को हेल्प के लिए बुलाता है। यर्लिन ये देखकर बहुत गुस्से होती है कि ये फिर एक लड़की के साथ है और दिन के टाइम पर ड्रिंक भी कर चुका है। अब मिस्टर ही को भी पता चल गया था कि ये गुस्से में, वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि इस लड़की को ड्रॉप करने के बाद मैं तुम्हारे हाथ के नूडल्स खाना चाहता हूँ। उधर मिस्टर लू और टैंग दोनों अपना समय इकट्ठे बिता रहे होते हैं और मिस्टर लू कहीं ना कहीं टैंग को कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है कि वो उसकी कंपनी की जॉब ना छोड़े। और जब उसे पता चलता है कि वो मैंग के घर मूव कर रही है तो लू कहता है कि तुम मेरे घर क्यों नहीं मूव कर जाती, लेकिन टैंग का कहना था फिर कोई लड़की वहां पर अपीयर हो जाएगी और मुझे निकाल के बाहर फेंकेगी।
लेकिन आगे से लू टॉन्ट करने लगता है कि मैं हूँ ही इतना अट्रैक्टिव कि तुम समेत सारी लड़कियाँ मेरे पीछे दीवानी हो जाती हो। और फिर यहीं पर ही वो दोनों काफ़ी सारी मस्ती करते हैं और अपने बचपन के दिनों को भी याद करते हैं, उधर ही को दिखाते हैं। वो यूलिन के घर पर आया हुआ होता है और यहाँ पर यूलिन उससे चोरी चोरी एक फोटो भी छुपा देती है जो एक्चुअली ही ने देख भी ली थी। अब ही को पता चल गया था कि यूलिन नाराज़ हो चुकी है, तब वो उसे मनाने के लिए कहता है कि वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि गूलिंग थी, लू की एक्स। और तुमने ही तो मुझे मशवरा दिया था कि इस लड़की को अपनी साइड पर करने की कोशिश करो, इस तरह से वो अपने शेयर्स अगर निकाल ले तो फ़ायदा हमारी ही कंपनी को होगा। अब ये सुनने के बाद यूलिन का थोड़ा सा गुस्सा कम होता है और उसे समझ आती है कि आज ये काम के लिए ही गूलिंग के पास किया हुआ था, सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए नहीं। उधर जैन आज पहली दफ़ा मैंग का घर देखता है जब वो वहाँ पर एक लैंप फिक्स करने के लिए आया था और उसे पता चलता है कि इसका घर काफ़ी छोटा सा है। और वहाँ से जाते हुए मैंग उसे एक अम्ब्रेला भी देती है और जैन वादा करता है कि कल अगर बारिश हुई तो मैं खुद तुम्हें पिक करने भी आऊँगा। उधर मिस्टर ही जैन की बाइक वापस करने के लिए आया था तो वो टैंक की पैकिंग में हेल्प करने लगता है। अब ऊपर से जैन आ जाता है तो उसे अचानक से ही पता चलता है कि टैंक यहाँ से मूव कर रही है। अब मिस्टर ही तो चला जाता है और टैंग यहाँ पर जैन को समझाने की कोशिशों में लगी हुई होती है, लेकिन जैन उसे बहुत अच्छा फ्रेंड मानता था और वो उसे डांटता भी है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंग का घर बहुत छोटा है, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे पहले ही बता देती। लेकिन इन दी एंड वो टैंग से नाराज हो ही जाता है। और फिर नेक्स्ट डे मैंग देखती है कि बारिश भी हो रही है लेकिन फिर भी जैन उसे रिसीव करने के लिए नहीं आया बल्कि उसने एक ड्राइवर को भेज दिया है। और तो और वो ऑफिस में उसकी गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं देता। अब यहाँ पर टैंक आती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली वो टैंक के मूव आउट होने पर ही काफी गुस्से में है। अब वो सोचने लगती है कि ये मुझे नैरो माइंडेड समझ रहा होगा। इतने में ऊपर से जैसिका आ जाती है जो कि वहाँ गूलिंग के लिए काम करती थी और वो सरप्राइज रह जाती है कि टैंक ने जॉब क्यों नहीं छोड़ी और ये आज फिर काम पर आ गई है कि अब टैंक ने दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और वो लू के साथ इस शर्त पर काम करने के लिए रेडी हो जाती है कि वो रोजाना उसे कॉफी बनाकर पिलाया करेगा। अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मिस्टर लू खुद ही ऑफिस में कॉफ़ी बना रहा होता है और वो भी दो दो कप, ये देखकर हर कोई हैरान था। लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि वो शायद जैन के लिए दूसरी कॉफ़ी बना रहा है, जबकि उधर जैन के लिए मैंग जब कॉफ़ी लेकर जाती है तो वो उससे इतना नाराज़ था कि कॉफ़ी पीने से भी इनकार कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं, तभी तुम चाहती थी कि टैंग मेरे घर में ना रहे। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जैन और मिस्टर लू आजकल इसी चीज़ पर काम कर रहे होते हैं कि उनके ऑफिस में कौन सा गद्दार है जो उनकी खबरें मिस्टर ही की कंपनी में पहुँचाता है। उन्हें थोड़े बहुत क्लूज ज़रूर मिले थे लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ था। अब टैंग रिक्वेस्ट करती है मिस्टर लू से कि किसी तरह से मैंग की और जैन की सुलह कराने की प्लानिंग करो, तो यहाँ पर लू उसे हिंट देता है कि आज शाम को वो स्विमिंग के लिए जा रहा है, मैंग को भी वहीं पर भेज दो। अब मैंग भी एक बहुत सेक्सी सा स्विमिंग ड्रेस पहनकर वहाँ चली जाती है, लेकिन जैन को उस पर इतना गुस्सा था कि उस बेचारी के सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं और वो स्विमिंग में उसे लेसन नहीं देता। अब छुट्टी होने के बाद लू और टैंक दोनों बाहर सैर करने के लिए जाते हैं। अब जब रात हो जाती है तो लू टैंक को कहता है कि क्यों ना आज तुम मेरे घर पर चलो, बचपन की कुछ यादें तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और फिर टैंक उसके घर पर जाकर उसकी बहुत सारी फोटोज देखती है तो पता चलता है कि वो जैसे ही हाई स्कूल में पहुंचा था वो चबी लू से एकदम स्मार्ट लू में बदल चुका था। और आज वो एक टेलीस्कोप भी सेट करता है और वो दोनों इकट्ठे बैठकर वहां सितारों के नज़ारे करते हैं। अब जब वो वापस लौटती है तो पता चलता है कि मैंग बड़ी परेशान है, जैन है कि उसे मान ही नहीं रहा, तो टैंग उसे मशवरा देती है कि क्यों ना कल तुम भी उसके साथ बाईसाइकिल पर ही ऑफिस जाओ। और रात ही रात वो बेचारी साइकिल भी चलानी सीखने लगती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो बाहर जैन का वेट कर रही होती है लेकिन जैन उसे कोई भाव नहीं दे रहा था। वो बेचारी फिर भी एफर्ट करती है और उसके पीछे पीछे बाईसाइकिल चलाने लगती है, लेकिन वो नई नई सीखी थी, उसे ढंग से साइकिल चलानी नहीं आ रही थी। एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो नीचे गिर जाती है। अब जैन को उस पर बहुत रहम आता है, वो फौरन से भाग कर आता है, उसे बिठाता है और कहता है कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना, फॉरहेड पर किस भी करता है, एक बैंडेज भी लगाता है और उठाकर उसे अपने बाईसाइकिल पर बिठाकर ऑफिस ले जाने लगता है। और टैंग जब ऑफिस में पहुंचती है तो मिस्टर लू ने उसके लिए पहले ही कॉफी बनाकर रखी हुई थी। वो उसका डेस्क टाइडी अप कर रहा था और वो कहता है कि थोड़ी देर तुम मेरी चेयर पर बैठ सकती हो। अब टैंक वहाँ बैठी बहुत प्यार से उसे देख रही होती है और उसके लिए एक नोट भी बनाकर उसकी कॉफ़ी पर चिपका देती है। अब थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर लू और टैंक मिलकर एक ऐप पर काम कर रहे होते हैं और वो ऐप इसी तरह का था कि अपने चाइल्डहुड को जो लोग इंजॉय नहीं कर सके तो उनके लिए ही एक रीलिव चाइल्डहुड के ऑप्शंस थे और इसी के लिए वो बच्चों वाले काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे होते हैं। इतने में ऊपर से अचानक गूलिंग आ जाती है।
और वो कहती है कि मैं सेकंड बिगेस्ट शेयर होल्डर हूँ, मैं तुमसे अकेले में कोई बात करना चाहती हूँ काम से रिलेटेड, इस लड़की को बाहर भेजो। लेकिन लू कहता है काम से रिलेटेड बात है तो ये लड़की बाहर नहीं जाएगी। और बस फिर क्या था, गुलिंग वहाँ लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मैं ऑफिस दोबारा ज्वाइन करूंगी और मुझे एक ही डेस्क चाहिए और वो है ये वाला। मिस्टर लू कहता है कि तुम कोई भी ऑफिस ले सकती हो, अगर ये ऑफिस इतना पसंद है तो मैं अपना ऑफिस कहीं और मूव कर लूंगा। लेकिन ये डेस्क वो उसे देने पर राजी नहीं होता। वो आगे से धमकाने लगती है कि ठीक है फिर मैं अपने सारे शेयर्स विदड्रॉ कर लूंगी। अब यहाँ पर टैंग एक्शन में आती है और कहती है कि मुझे इस डेस्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात दिल में जगह की होती है और वो मेरी हमेशा बनी रहेगी, चाहे मैं रिसेप्शन पर खड़ी हूँ या इस डेस्क पर। अब गुलिंग काफी हंसती है, उसे लग रहा था कि उसने टैंग को हरा दिया है, लेकिन टैंग भी टॉन्ट करके जाती है कि ढंग से देखो हारा कौन है। उधर जैन का भी अब मूड ठीक हो गया था और वो टैंग और मैंग दोनों से सुलह कर लेता है। अब जैन इसी बारे में मिस्टर लू से बात करता है। मिस्टर लू कहने लगता है कि उसके शेयर्स की मुझे इस टाइम पर काफी परवाह है, क्योंकि हैश कंपनी का एक दफा प्रोजेक्ट मिल जाए उसके बाद मैं खुद ही उसे कंपनी से निकाल दूंगा, तब तक मैं उसे सिर्फ इग्नोर ही कर सकता हूं और वो मैं करता रहूंगा। अब गुलिंग को जैसिका के थ्रू पता चलता है कि एक लड़की मैंग जो रिसेप्शन पर काम करती है उसकी टैंग से और जैन से काफी दोस्ती है, तो गुलिंग सोचने लगती है कि क्यों ना उस लड़की को यूज किया जाए और टैंग के खिलाफ इस्तेमाल करूं। उधर आज टैंग के जाने का समय आ जाता है, जैन खुद उसे मूव आउट करा रहा होता है। वो जाते जाते उस घर को मुड़कर देखती है, यहाँ पर उसकी और जैन की काफी सारी क्यूट क्यूट सी यादें थी, वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे और उनके बीच प्योर फ्रेंडशिप थी। अब टैंग के फर्स्ट डे पर जैन और लू दोनों आते हैं और उन लोगों के लिए खाना भी लेकर आते हैं। अब वो लोग इकट्ठे रूफ टॉप पर बैठ कर खाना भी इंजॉय करते हैं और बातें भी करते हैं। इतने में वो लोग देखते हैं तो इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई हुई थी और वो जैन और मैंग की थी। जिस तरह से आज वो उसे बाईसाइकिल पर बिठा रहा था, किसी ने वीडियो बनाई थी और वो वायरल चली गई थी। अब उसके बाद नेक्स्ट डे जब उन दोनों गर्ल्स ने ऑफिस जाना होता है तो जैन और लू दोनों बाईसाइकिल पर आए हुए थे और वो अपनी अपनी गर्ल को लिफ्ट देते हैं और उन्हें ऑफिस तक किसी तरह से लेकर जाते हैं। आज ऑफिस में गुलिंग ने भी टैंग की कॉपी की हुई थी और वो हार्ट पर एक प्यारी सी ड्राइंग बनाकर लू को गिफ्ट में देती है। वो बड़े प्यार से उसे अपनी कॉफी पर स्टिक कर लेता है, लेकिन जैसे ही टैंग अंदर आती है तो वो कॉफी उसे गिफ्ट में दे देता है। उधर मिस्टर ही को भी वो वायरल वीडियो नजर आती है जो मैंग और जैन की थी, वो ये देख कर काफी अपसेट हो जाता है। जबकि ब्रेक टाइम में मिस्टर लू और टैंग दोनों इकट्ठे बच्चों की तरह से एंजॉय करने जाते हैं अपने नए ऐप के लिए। वो काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस करना चाहते थे और इसी बारे में वो डिस्कशन भी करते हैं और एक तरह से फिर से अपने चाइल्डहुड को रिलीव भी करते हैं। उधर गुलिंग ने मैंग को आज ऑफिस के करीब एक रेस्टोरेंट में बुलाया हुआ था। अब कोइंसिडेंस ये होता है कि बाकी तीनों भी उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो चोरी चोरी उनकी बातें सुनते हैं तो पता चलता है कि गुलिंग मैंग को एक ऑफर देने के लिए आई है। वो उसे एक कार्ड देती है जिसमें बहुत सारे पैसे थे और कहती है कि तुम टैंग के साथ मेरी स्पाई बनकर फिरो, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दो ताकि मैं लू को दोबारा जीत सकूं। लेकिन मैंग ये करने से इनकार कर देती है। अब यहाँ पर गुलिंग उसी पर ही टॉन्ट करने लगती है, कहती है कि तुम पैसों से क्यों नहीं खरीदी जा सकती, तुम्हारी वैल्यू ही क्या है, और तुम्हें लगता है कि जैन तुम्हें लाइक करता है, बिल्कुल भी नहीं करता, तुम्हें टिश्यू की तरह उठाकर फेंक देगा। लेकिन मैंग का कहना था कि वो प्यार करता है कि नहीं, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और जब मुझे लगा कि मैं उसके लिए एक बोझ हूँ, बर्डन हूँ, तो मैं खुद ही उसकी लाइफ से हट जाऊंगी। अब यही सुनना था कि जैन सामने आ जाता है और ओपनली गुलिंग के सामने कहता है कि मैं इसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। अब ये पहली दफा थी कि जैन ने ओपनली मैंग के सामने अपना लव कन्फेस किया था और वो बहुत ही स्वीट तरीके से उसे वहां से ले जाता है। अब गुलिंग की काफी इंसल्ट हुई थी, लेकिन उसे कहां फील होती है। जबकि उधर मिस्टर ही उसे शक था कि शायद मैंग जैन को यूज कर रही है, उसकी भावनाओं से खेलेगी और फिर उसे डंप करके चली जाएगी। उसे लगता था कि मैंग ने जानबूझकर ये वीडियो बनाई है जैन पर प्रेशर डालने के लिए और एक पब्लिसिटी स्टैंड के लिए। लेकिन यहाँ पर जर्लिन उसे समझाती है कि पहले भी एक दफा तुम ऐसा कर चुके हो, तुमने ब्रेकअप कराया था जैन का उसकी गर्लफ्रेंड से, लेकिन अब की बार वो काफी बड़ा हो चुका है, उसकी लाइफ में मेडल मत करो। पर ही को तो सिर्फ एक ही डर था कि उसका बेचारा स्वीट सा भाई कहीं हर्ट होके ना आ जाए। उधर लू और टैंग आज बीच पर जाते हैं, वो दोनों यही बातें कर रहे थे कि लव को कन्फेस करना चाहिए या फिर सिर्फ अपने एक्शन से शो कराना चाहिए। मिस्टर लू को लगता था कि प्यार बोलने से नहीं होता, ना ही कन्फेस करने से, आप जो कुछ भी अपने पार्टनर के लिए करते हो सिर्फ वो बातें मैटर करती हैं। लेकिन टैंग को लगता था कि प्यार शब्दों से भी कन्फेस करना चाहिए, लेकिन लग रहा था कि लू इस मामले में काफी रिलक्टेंट है। उधर ही को गुलिंग के थ्रू पता चलता है कि वो तीनों लोग भी वहां पर आ गए थे जब मैंग से गुलिंग मिलने के लिए गई थी।
अभी को कंफर्म हो जाता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, तो ये लड़की यकीनन ही गोल्ड डिगर है और उसने जानबूझकर ये सारा कुछ सेटअप किया था ताकि जैन आकर ये सुने और उसे लव कन्फेस करे। उधर आज लू जैन से जाकर बातें कर रहा होता है। लू बहुत रिलक्टेंट था और शाय भी था। वो कहता है कि मुझसे अपना प्यार कन्फेस नहीं हो पाएगा, मैं सिर्फ अपने एक्शन से ही बता सकता हूँ कि मैं टैंक से प्यार करता हूँ और वो मैं दिखाता भी हूँ। लेकिन जैन का कहना था कि ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें उससे कन्फेशन तो करना ही होगा। उधर गूलिंग को आज स्विमिंग करते हुए एक जगह पर योलिन मिलती है और वो दोनों इकट्ठे ड्रिंक करने का फैसला करती हैं। जबकि उधर टैंग आज डिनर के लिए ही से मिलने के लिए गई हुई थी। जब वो उसके घर पर थी तो उससे गलती से एक शो पीस टूट गया था। वो उसे बहुत प्यारा था क्योंकि वो उसे टूटा देखकर इमोशनल हो गया था। एक्चुअली वो उसके भाई जैन ने उसे गिफ्ट किया था। अब टैंग किसी तरह से वो बियर दोबारा अरेंज करती है और उसे ही को गिफ्ट में देती है। इसे देखते ही वो खुशी से टैंग को हक कर लेता है। लेकिन यहाँ पर उनकी फोटोज और वीडियोज मैंग और जैन बना रहे थे, जो वो फौरन से लू को सेंड कर देते हैं। अभी यहाँ पर मौका पाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन वो कहता उससे पहले ही टैंग उसे रोक देती है। लेकिन यहाँ पर यह भी पता चलता है कि हैश की तरफ से एक पार्टी है और उसमें वो टैंग को अपना पार्टनर बनाकर लेकर जाना चाहता है, लेकिन टैंग मना कर देती है क्योंकि वो एल्बर्ट का सामना नहीं करना चाहती थी। इतने में वहाँ पर गुस्से से भरा हुआ लू आ जाता है, जो उनको इकट्ठे देख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और टैंक को घसीटता हुआ बाहर ले जाता है। यहाँ पर टैंक उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे पास क्या अधिकार है ये सब करने का। लेकिन लू कहने लगता है, तुम मुझे पोजेसिव कहो या जो मर्जी कहो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम बेशक ही को लाइक ना करती हो, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि ही तुम्हें लाइक करता है। तो तुम मेरे लगते कौन हो, सिर्फ एक बॉस ही तो हो। लेकिन आगे से लू कहता है, क्या मेरे एक्शंस तुम्हें कुछ नहीं समझाते? क्या मैं सबके साथ उसी तरह से ट्रीट करता हूँ जैसे मैं तुमसे करता हूँ? और उसे एक एक बात गिनवाता है। वो जिस तरह से उसकी केयर करता है, उसकी परवाह करता है, उसे ऑफिस के लिए पिक करता है, उसके साथ समय बिताता है, इवन कि उसके लिए कॉफ़ी भी बनाता है। कहता है कि मेरे एक्शंस क्या दिखाते हैं, कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्या? अब इसका क्या जवाब होगा? इसके जवाब में टैंग उसे किस कर देती है और कहती है, ठीक है फिर मैं भी एक्शन से ही दिखाऊंगी कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उधर हमें दिखाते हैं कि योलिन और गूलिंग दोनों ड्रंक हुई हैं और योलिन आज ड्रंक होकर ही को कॉल करती है, लेकिन उसे अपनी लोकेशन नहीं बता रही थी। अब वो खुद ही किसी तरह से पता करा कर उसे पिक करने पहुँच जाएगा। जबकि उधर बार बार लू को गूलिंग के नंबर से कॉल आ रही थी, तो टैंग उसे पिक करने को कहती है, तो पता चलता है कि एक वेटर कॉल कर रहा है और गूलिंग ड्रंक है। उसने जानबूझकर अपनी सारी लिस्ट डिलीट कर दी थी ताकि सिर्फ एक ही नंबर रह जाए। लू तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन टैंग फिर भी कहती है कि हम उसे पिक करने जाएंगे। अब उधर ही जैसे ही पहुंचता है, वो योलिन पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने ज्यादा ड्रिंक क्यों किया। योलिन आगे से इतना क्यूट रिस्पॉन्स देती है कि तुमने हजार दफा ड्रिंक किया, मैंने कभी तुम पर गुस्सा नहीं किया। अब यहाँ पर ही को काफी समझ आ जाती है कि योलिन उसे लाइक करती है। अब जब वो जा रहे होते हैं तो आगे से लू आता है। गूलिंग उसे हग करना चाहती थी, लेकिन टैंग अपने बॉयफ्रेंड को बचा लेती है। अब यहाँ पर गूलिंग बहुत बदतमीजी करती है और लू से कहती है कि ये लड़की तुम्हें यूज कर रही है, ये एक तरफ ही के साथ चक्कर चलाती है, उधर जैन के साथ रहती है और तीसरा तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करती है। वो यहाँ पर टैंक की बहुत सारी बुराइयां कर रही थी, इवन कि वो उस पर हमला भी करना चाहती थी, लेकिन लू बहुत मुश्किल से उसे रोकता है और फिर उठाकर उसे वहां से ले जाता है ताकि टैंक को उससे ज्यादा हर्ट ना कर सके। योलिन को ही अपने घर ही लेकर आ जाता है और उसने अपने कपड़े भी खराब कर लिए थे, तो वो उसकी शर्ट भी चेंज करता है और उसे एक अपनी शर्ट पहना देता है। इस सारा समय वो ही पर गुस्सा निकालती रहती है, उसे बहुत बुरा बुरा भी बोलती है। यहाँ पर ही एक और चीज नोटिस करता है, योलिन के वॉलपेपर पर उसने अपनी और ही की एक फोटो लगाई हुई थी जो उसने चोरी चोरी बनाई थी। अब ही को आहिस्ता आहिस्ता चीजें कंफर्म होती जा रही थी कि योलिन उसे लाइक करती है। उधर टैंग का मूड आज बहुत खराब था क्योंकि गूलिंग ने ना सिर्फ उसका मजाक उड़ाया था, बल्कि इसके साथ साथ उसने अपनी और लू की पास्ट की बहुत सारी रोमांटिक बातें बताकर उसे हर्ट करने की कोशिश की थी। यहाँ पर लू उसे मनाने के लिए आता है और कहता है कि इसी वजह से मैं गूलिंग को पिकअप करने के लिए नहीं जाना चाहता था, सिर्फ तुम्हारे कहने पर गया हूँ और मैं अपने पास्ट से ना नजरें चुरा रहा हूँ ना ही मैं उसे इरेज करना चाहता हूँ। ये सच है कि गूलिंग और मैं 3 साल रिलेशनशिप में रहे हैं, लेकिन मेरा प्रेजेंट भी तुम हो और मेरा फ्यूचर भी तुम हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं सीरियस हूँ। अब टैंग को मनाने के लिए नेक्स्ट डे वो उसे घर से पिकअप करने के लिए भी आता है और साथ ही ऑफिस लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसके साथ गाड़ी में नहीं बैठती, तो लू भी उसके पीछे पीछे चलता है और उसके साथ बस में बैठकर आने लगता है। उसने बस की सवारी पहली दफ़ा की थी।
उसे बहुत सी दिक्कत होती है, लेकिन वो टैंक की खातिर हर काम करने को तैयार था। उधर हमें यर्लिन को दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो उसे ही के घर पर एक एल्बम दिखाई देती है जो कि टैंक की फोटोज के साथ भरी हुई थी। ये देखकर उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इतना खराब कि वो ही के हाथों का बना हुआ नाश्ता भी करने को तैयार नहीं थी। वो यहाँ पर उसे बहुत सारी बातें लगाती है और इतनी रूड वो पहली दफा हुई थी कि वो उससे कहती है कि तुम गर्ल्स में अपना टेस्ट चेंज करना चाहते हो, इसलिए अब तुम रेड रोजेस को छोड़ एक लिली के पीछे पड़े हुए हो। एक्चुअली उसका इशारा टैंक की तरफ था। ही को ये सब काफी रूड लगता है, लेकिन इतने में यर्लिन वहां से चली जाती है। उधर आज ऑफिस में गूलिंग लू से कहने लगती है कि हर्ष कंपनी की तरफ से जो पार्टी हो रही है उसमें तुम मुझे पार्टनर बना कर ले जाओ, लेकिन आगे से लू का कहना था वहां पर मेरे साथ टैंग ही चलेगी। अब गूलिंग बाहर जाती है और सारा गुस्सा टैंग पर निकालने लगती है। वो उसे क्रिटिसाइज करती है कि तुम दोनों गर्ल्स रिसेप्शन पर खड़ी होती हो, लेकिन ना तो तुम्हें मेकअप की सेंस है और ना ही कोई स्टाइलिंग की। अगर तुम लोग बहुत ज्यादा गरीब हो तो मैं अपने पुराने कपड़े और मेकअप तुम लोगों को दे दूंगी, वही यूज कर लिया करो। अब वहां पर तो टैंग उसे एकदम इग्नोर करती रहती है, लेकिन उसके बाद वो लोग शॉपिंग पर जाती हैं और टैंग ने बहुत अच्छे से स्टाइलिश कपड़े खरीदने का फैसला किया था। उधर ऑफिस में ही आज थोड़ा बदला था। वो यर्लिन को कहता है कि हैश कंपनी की पार्टी में तुम मेरे साथ चलना प्लीज, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई रेड रोज है और ना ही लिली। अब यर्लिन भी उसकी बात मान जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाते हैं जब टैंग ऑफिस में आती है तो वो काफी ग्रूम हुई हुई थी, उसकी पर्सनैलिटी भी एकदम चेंज लग रही थी, लेकिन अचानक से उसे पता चलता है कि एक मीटिंग है जिसमें उसे बुलाया जा रहा है। गूलिंग उसमें ये बदलाव देखकर हैरान तो हुई थी, लेकिन एक्चुअली वो वहां पर उसे क्रिटिसाइज करने के लिए लेकर आई थी। वो मीटिंग अरेंज करती है और कहती है हमारी कंपनी में कोई ना कोई गद्दार जरूर है जो सारी इन्फॉर्मेशन ही की कंपनी में पहुंचाता है, और वो बोलती है कि मुझे शक है कि वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि लकी टैंग है। उसी समय हमें दिखाते हैं कि लू और जैन दोनों किसी मीटिंग में गए हुए होते हैं और वो इस वक्त कंपनी में मौजूद ही नहीं थे, और इसी चीज का फायदा गूलिंग ने उठाया था। अब गूलिंग मीटिंग में बताती है कि उसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई है जहां से ही आया है, और ये इतनी ज्यादा क्वालिफाइड है फिर रिसेप्शनिस्ट की जॉब क्यों करती है, सिर्फ इसलिए कि हमारे राज चुराने आई है। यहाँ पर गूलिंग ने यह भी अनाउंस कर दिया था कि वो लू की फियांसी है और उनकी जल्दी शादी भी होने वाली है। अब यहाँ पर टैंक को बदनाम करने के लिए वो उसकी ही के साथ एक वीडियो भी चलाती है, और सारे लोग यहाँ पर टैंक को बुरी बुरी नजरों से देखने लगते हैं। उनको ऐसे ही लगता है कि जैसे ये उसकी मिस्ट्रेस हो। उधर मैंग भी मिस्टर लू और जैंग को ये सारा कुछ बता देती है, और वो कंपनी के सर्वर से कनेक्ट होकर फिर अनाउंस करता है कि मैं कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ और मैं ही फैसला करूंगा कि कौन यहाँ रहेगा और कौन नहीं। अब वो वहाँ पहुँचता है और आकर टैंक की साइड लेने लगता है। उसने असल वाली वीडियो चलाई थी जिसमें आवाज भी थी, और पता चल जाता है कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। साथ में लू ये भी अनाउंस करता है कि टैंक सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट नहीं बल्कि ये मेरी गर्लफ्रेंड भी है। और फिर उसके बाद वो दोनों शहर को निकल जाते हैं। वो बीच पर बैठते हैं, इकट्ठे इंजॉय करते हैं। टैंक को बहुत खुशी थी जिस तरह से लू ने आज किसी भी चीज की परवाह किए बगैर उसको प्रोटेक्ट किया था, वो उसे बहुत स्पेशल फील करा रहा था। दूसरी तरफ हमें ही को दिखाते हैं। वो एक दिन देखता है तो लाइव स्ट्रीमिंग पर मैंग ने अपने साथ जैन को भी लिया हुआ था, और ये बात ही को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उधर लू आज टैंक से पूछता है कि क्या हैश की पार्टी में तुम मेरी पार्टनर बनकर जाओगी। अब ये सुनकर टैंक से इनकार नहीं हो पाता और वो उसे यस कर देती है। अब वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। वो उसके लिए एक बहुत ब्रिलियंट सा ड्रेस चूज करता है। वहीं पर ही इत्तफाक से यर्लिन भी आई हुई थी जो अपने लिए एक ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है, और यहाँ बातों में यर्लिन को पता चलता है कि टैंग लू के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही है लीजियांग प्रोविंस में। अब उसे शॉपिंग कराने के बाद लू उसे गुड नाइट बोलता है और उसके घर तक उसे ड्रॉप करता है। अब नेक्स्ट डे पार्टी का दिन था। वो लोग सारे अपने अपने पार्टनर के साथ पार्टी में पहुंचे हुए होते हैं, और मजे की बात है उसका जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है उसके साथ उन्होंने अगले दिन किड्सलैंड में गेम्स भी खेली थी, और वो उनको अच्छे से पहचान गया था। अब एक दफा एल्बर्ट को मौका मिलता है तो वो अकेले में टैंक को मिलने के लिए आता है। वो उसे सॉरी करता है और कहता है मैं बहुत अरसे से तुम्हें मिलने की कोशिश कर रहा था। टैंक कहती है मैं भी तो तुम्हें अवॉइड कर रही थी, लेकिन आज नहीं कर रही क्योंकि मैं अब तुमसे मूव ऑन कर चुकी हूँ, और मुझे कोई मिल चुका है जो बदले में मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती हूँ। यहाँ पर एल्बर्ट उससे काफी माफियां भी मांगता है, लेकिन अब टैंक को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वो उसे माफ भी कर देती है और कहती है कि हम एज फ्रेंड्स रह सकते हैं। अब ये सब कुछ क्लियर होने के बाद एल्बर्ट एक फ्रेंड होने के नाते उससे एक हग मांगता है जो कि टैंग उसे दे देती है, लेकिन ऊपर से लू आ जाता है और ये सारा कुछ देख लेता है। गूलिंग भी अपने लिंक्स यूज करके किसी और की पार्टनर बन के उस पार्टी में पहुंच गई थी, लेकिन यहाँ पर वो टैंक को काफी बुली करती है और कहती है कि जो पार्टनर्स के आपस में जानने के लिए क्वेश्चनेयर कराया गया था उसके जब रिजल्ट्स आए थे तो उसमें टैंक ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया था,
क्योंकि वो लू को ज्यादा समय से नहीं जानती थी। वहीं उस पार्टी में मिस्टर ही एक दफा मैंग से बात करता है और कहता है कि प्लीज तुम किसी तरह से जैन को कन्विंस करो, हमने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है, उसे उस पर लेकर जाना है। एक्चुअली वो मैंग को हर्ट करना चाहता था कि जैसे वो उसके काबिल नहीं है। उधर गूलिंग इसी तरह की बातों पर टैंग को बुली कर रही होती है कि ऊपर से मिस्टर लू आ जाता है और कहने लगता है कि बेशक तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में टैंग है और टैंग के दिल में मैं, और तुम किसी आउटसाइडर से ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर तुम अपने शेयर्स भी विदड्रॉ करना चाहो तो बेशक कर लो, क्योंकि जो अजियत तुम मुझे दे रही हो वो उससे ज्यादा है, बेशक मुझे हैश का प्रोजेक्ट ना मिले। उधर मैंग जैन से काफी नाराज होती है और कहती है कि क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है, लेकिन जैन का कहना था कि इस सब में मैं सीरियस नहीं हूं और ना ही मैं उनकी बात सुनता हूं। यहां पर मैंग का कहना था कि तुम अपनी फैमिली से मुझे मिलाओ ताकि तुम ऑफिशियली हमारे रिलेशन को ओपन कर सको। मैंग काफी ज्यादा नाराज हो गई थी, उसका दिया कोर्ट भी उतारना चाहती थी, लेकिन जैन को ये एक्सेप्ट नहीं था कि उसके अलावा कोई और उसे देखे, क्योंकि वहां के बॉयज अब मैंग को देखने लगे थे। उधर टैंग थोड़ी सी सैड थी और वो लू से कहती है कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जान सकती, लेकिन लू का कहना था कि ये सिर्फ समय की बात है, गूलिंग मुझे 3 साल से जानती है और तुम मेरे साथ शायद 30 ईयर्स इससे भी ज्यादा रहोगी, तो तुम उससे भी अच्छे से मुझे जानने लगोगी। उधर हमें ही को दिखाते हैं, वो पुरानी यादों में खोया होता है। एक दफा स्कूल टाइम में जैन को किसी लड़की से लव हो गया था, ही ने उसे काफी हेल्प की थी उस लड़की को पटाने में, लेकिन बाद में ही को पता चला था कि उस गर्ल का असली रूप तो कोई और है, वो सिर्फ इनोसेंट बनकर जैन को मिलती है और बाद में उसे हर्ट करके चली जाएगी। अब यही बात वो जैन के सामने प्रूफ करना चाहता था और वो लड़की वाकई एक दफा ही के साथ सेट भी हो गई थी, लेकिन ऊपर से जब जैन ने ये देखा था तो वो बहुत हर्ट हुआ था और बाद में आकर उसने ही से बहुत लड़ाई की थी। वो उसे कहता था कि माना तुम मुझसे ज्यादा हैंडसम हो, माना कि तुम लड़कियों को मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हो, हर कोई तुमसे सेट हो जाता है, लेकिन ये तरीका गलत था और इसी बात से उन दोनों भाइयों की इतनी लड़ाई हुई थी कि उसके बाद से कभी सुलह नहीं हो पाई। उधर हमें टैंग को दिखाते हैं, वो आज लू के घर पर आई हुई होती है छुट्टी का दिन बताने के लिए। लू उसके लिए बहुत सारी कुकिंग भी करता है, उसकी कुकिंग बहुत जबरदस्त थी। अब खाना खाने के बाद टैंग बाहर उसके डॉग को वॉक करा रही होती है। एक दफा वो पानी लेने आती है, जब बाहर जाती है तो डॉग मिसिंग था। अब लू बहुत परेशान होता है, इससे पहले कि वो उसे तलाश करता उसे गूलिंग का मैसेज आता है कि वही डॉग को ले गई है। उधर हमें मैंग को दिखाते हैं, आज उसे एक कॉल आती है और वो थी एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी मैनेजर की, और वो मैंग मैंग को कहता है कि हम तुम्हें अपने साथ काम पर रखना चाहते हैं, तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग देखी है। एक्चुअली ये सारा कुछ मिस्टर ही ने अरेंज कराया था और वो मैंग को ट्रैप करना चाहता था। जबकि उधर लू गूलिंग को कॉल करता है, गूलिंग उसे कहती है कि बेशक ये डॉग 3 साल तुम्हारे साथ रहा है, लेकिन इसका लाइसेंस मेरे नाम पर है, अगर तुम डॉग को वापस चाहते हो तो टैंक को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। लेकिन लू एक झटके में उसे इनकार कर देता है और कहता है ऐसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत हर्ट हुआ था और टैंग ने भी ये बात फील की थी। 3 साल वो उसी डॉग के साथ रहता आया था, अब वो बस उसी डॉग के टॉयज को और उसकी चीजों को देख देख कर सैड हो रहा होता है कि इतने में टैंग कभी वापस जाने का समय हो जाता है। उधर मैंग जब उसे सेलिब्रिटी मैनेजर के पास जाती है तो वो उसे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तें हैं और उनमें से एक ये थी कि मैंग इस कॉन्ट्रैक्ट के सारे समय सिंगल रहेगी, और वो उससे पूछता है कि वो लड़का जिसके साथ तुम्हारी वीडियो वायरल हुई थी क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैंग फौरन से इनकार कर देती है, लेकिन अभी वो इस बारे में सोचेगी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कि नहीं। एक्चुअली यही तो ट्रैप मिस्टर ही ने उसके लिए सेट किया था कि वो जैन को एक्नॉलेज करती है या फिर अपने कैरियर को। उधर यर्लिन आज टैंग को अपने साथ डिनर पर लेकर जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम ही को लाइक करती हो, मैंने तुम्हारा लव लेटर देखा है उसके पास। लेकिन टैंग का कहना था कि ये यूनिवर्सिटी के दिनों की बात है और मैं कब की उससे मूव ऑन कर चुकी, अब वो जस्ट एक फ्रेंड है, मेरे पास लू है जिससे मैं प्यार करती हूँ और वो मुझसे। अब वो यर्लिन को मशवरा देती है कि तुम ही से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दो, लेकिन यर्लिन का कहना था कि उसे सब पता है, वो सिर्फ प्रिटेंड करता है कि जैसे वो अनजान हो, और अगर मैंने ओपनली उसे ये सब कह दिया तो ये ना हो कि वो मुझे फ्रेंड जोन से भी निकाल दे। यर्लिन मिस्टर ही से मिलने के लिए आती है और वो उसे बताती है कि मैं अभी जाकर टैंग से मिली थी और मैंने उसे सब सच बता दिया है, ये भी कि तुम उसे लाइक करते हो और ये भी कि तुम क्या सोचकर उसे दोस्ती करने लगे थे और तुम्हारी कुछ अल्टीरियर मूव्स थी कि तुम उसे यूज करके अल्बर्ट को ब्लैकमेल करना चाहते थे लेकिन फिर असल में उसे लाइक करने लगे। मिस्टर ही काफी गुस्से में आता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये बातें करने की कोई जरूरत नहीं थी। यर्लिन उससे कहती है कि प्लीज ये हैश कंपनी का प्रोजेक्ट तुम छोड़ दो, और जहाँ तुम अब बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो वहीं पर ही टैंग भी जा रही है, ये कंपटीशन खत्म करो और हम शांति से अगला प्रोजेक्ट तलाश करते हैं। मिस्टर ही उसकी बातें सुनकर हैरान था और वो उसको काफी कोल्ड सा रिस्पॉन्स देता है। ये देखकर यर्लिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती है
मैं इतने अरसे से तुम्हारे साथ हूँ, हर मुश्किल में, हर खुशी में, हर गम में। वो कहती है कि मैं इसी तरह से पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाऊंगी, लेकिन किसी और से रिलेशन कायम नहीं कर सकती। फिर जाते जाते उसे हक करती है और एक किस भी करती है। मिस्टर ही के लिए ये सब बहुत सरप्राइजिंग था। उधर हमें मैंग को दिखाते हैं, आज वो टैंक के लिए कुछ सरप्राइज लेकर आई थी और गिफ्ट में उसे एक लेंजरी देती है। वो चाहती थी कि इस ट्रिप पर वो यही नाइटी पहने और मिस्टर लू को ये बहुत पसंद आएगी। उधर मिस्टर लू अपने डॉग का सारा सामान जाकर गूलिंग के घर के बाहर ड्रॉप कर देता है और उससे कहता है कि ठीक है तुम ये डॉग ले लो, लेकिन वादा करो इसका अच्छे से ख्याल रखोगी। अब टैंक तो मिस्टर लू को कॉल करके कहती है कि इस बिजनेस ट्रिप पर किसी और को भेज दो, लगता है तुम अपसेट हो। लेकिन लू का कहना था शायद मेरे डॉग को बुलाने के लिए यही बहाना काम करेगा, हम जरूर जाएंगे। अब मिस्टर ही भी वहीं पर ही आया हुआ होता है एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और वो वहाँ पर अक्सर उन दोनों को देखता है जब वो एक फेस्टिवल में भी वहाँ फिर रहे होते हैं, और वो दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, इंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन ही टैंक का सामना करने से डरता था। मिस्टर ही वहाँ पर कई दफ़ा कोशिश करता है कि वो यर्लिन से कॉन्टैक्ट करे, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती थी। अब टैंग वो नाइटी देख देख कर थोड़ा सा शर्मा रही थी कि वो कैसे ये पहने, उसे काफी रिवीलिंग और ऑकवर्ड लग रहा था। इतने में मैंग उसे कॉल पर लेते और उसे अर्ज करती है कि ये चांस जाया मत होने देना। इतने में मिस्टर लू भी उसके कमरे के बाहर खड़ा होता है। वो नाइटी पहन तो लेती है, लेकिन फिर एक और शर्ट पहनकर खुद को कवर करती है। अब मिस्टर लू अंदर आता है, कहता है कि सारा दिन तुम थक गई होगी, इसलिए मैं तो तुम्हारे पैरों का मसाज करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर वो टैंग को कहता है कि तुम आराम से लेट जाओ, और फिर उसको मसाज देने लगता है। अब इसी बीच मिस्टर लू की नज़र पड़ती है तो उसे पता चलता है कि टैंग ने उसके लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश की है। अब मिस्टर लू भी कौन सा किसी से पीछे रहने वाला था, वो भी काफ़ी रोमांटिक था। उधर हमें यर्लिन को दिखाते हैं, उसे बार बार ही की यादें आ जा रही थी, इवन कि उसने अपने घर में भी फ्रेम करके उसकी एक फ़ोटो रखी हुई थी जिसे वो बार बार देखती थी। एक दफ़ा मिस्टर ही ने भी ये फ़ोटो देखी थी, लेकिन वो हमेशा सच से नज़रें चुरा लेता था। उधर मैंग डरते डरते एक दफ़ा जैन से बात करती है तो उसे पता चलता है कि जैन का यही मानना है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो रिलेशन को सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। अगर आप किसी को एक्नॉलेज नहीं कर सकते तो उससे क्या प्यार करोगे। अब मैंग भी यही सोचने लगती है कि क्या उसे सेलिब्रिटी बनना है या फिर जैन की लाइफ में रहना है। उधर गोलिंग की तो कोई हालत नहीं थी, उसने बेचारे डॉग का सही से ख्याल नहीं रखा था, उसे अक्सर डांटती भी रहती थी और उसकी वॉक और टॉयलेट टाइमिंग्स का ख्याल भी नहीं रखती थी। अब एक दिन वो उस डॉग को इतना डांटती है कि उसे घर से ही निकल जाने को कह देती है। अब डॉग ने भी बुरा मान लिया था और वो घर छोड़कर भाग जाता है। जब गूलिंग को थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है तो वो भी उसे तलाश करने घर से बाहर निकल पड़ती है। उधर लू एक दफ़ा टैंक से साइड पर होकर कुछ कॉल अटेंड करने जाता है तो वहीं पर ही मिस्टर ही टैंक के पास आता है और आकर उससे सॉरी करने लगता है। कहता है बहुत हिम्मत जुटा कर तुम्हारा सामना कर रहा हूँ, ये सच है कि मैं तुम्हें अल्बर्ट से प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए यूज़ करना चाहता था, लेकिन बाद में तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल बनती गई। टैंग उससे कहती है तुमने जो भी माइंड में रखा, लेकिन तुमने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, बल्कि जो भी किया अच्छा किया। तुम्हारी बहुत सारी नाइस यादें हैं मेरे पास, मैं जब भी सैड होती थी तो एक फ्रेंड के तौर पर तुम मेरे साथ होते थे। तुमने मेरे बहुत सारे डेज को स्पेशल बनाया है, लेकिन शायद हमारा कपल बनना लिखा ही नहीं था। जब मैं तुम्हें लाइक करती थी तो और समय था, और अब जब तुम मुझे लाइक करने लगे हो तो और समय है। ही उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे और लू के लिए बहुत खुश हूँ और चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा इकट्ठे रहो। टैंग भी उसे मशवरा देती है कि जो कोई तुमसे प्यार करता है प्लीज़ उसे पालो, ये ना हो कि वो तुम्हें छोड़ जाए। लेकिन ही को लगता था कि शायद अब बहुत देर हो गई है, और वाकई ऐसा ही था। उधर यर्लिन ने अब मिस्टर ही की कंपनी को छोड़ने का फैसला कर लिया था और वो उसके लिए एक लेटर उसके डेस्क पर छोड़कर चली जाती है। अब जब वो लोग ट्रिप से वापस आते हैं तो उस टाइम पर टैंग को पता चलता है कि एक्चुअली उसका डॉग मिसिंग हो गया है, और इसके साथ साथ गूलिंग जब उसे तलाश करने लगी थी तो उसका भी एक्सीडेंट हो गया है, एक गाड़ी ने उसे टक्कर मारी है। अब लू टैंग को ड्रॉप करता है और कहता है कि मैं गूलिंग को देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वो कोमा में थी। मिस्टर ही जब वापस आता है तो वो यर्लिन का लेटर देखकर हैरान रह जाता है। इसमें यर्लिन ने अपने दिल की हर बात कही थी। वो कहती है कि पहले तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी गर्ल्स आईं, पर मुझे लगता था कि ये सिर्फ पासरबाइज हैं और असल में मैं ही तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनूंगी, लेकिन तुमने कभी भी मेरे प्यार को एक्नॉलेज नहीं किया। अगर यर्लिन अभी भी उसके साथ रहती तो कभी आगे ना बढ़ पाती, इसलिए वो कहती है कि मैं ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिस्टर ही को अब रियलाइज होता है कि असली प्यार तो उसके इर्द गिर्द था, जो वो इधर उधर तलाश करता रहता था। अब वो बहुत सैड होता है, पहले तो भाग कर जाता है यर्लिन के फ्लैट पर उसे मिलने के लिए, लेकिन फिर उसका सामना करने की हिम्मत नहीं हो पाती तो उसकी बिल्डिंग के बाहर बैठ जाता है। यर्लिन ने भी विंडो से उसे देख लिया था, लेकिन वो भी उसे नहीं बुलाती और ही भी खामोशी से वहां से चला जाता है।
उधर टैंक को दिखा दें, वो गोलिंग को लेकर थोड़ी तो पजेसिव हो रही थी। उसे लगता था कि लू को उसका ख्याल रखने क्यों जाना पड़ रहा है, और गोलिंग इतनी मीन थी कि उसे डर था कि वो लू को उससे चुरा ना ले। गोलिंग को सिर्फ ऊपर ऊपर से चोटें थी, अंदर से उसके सारे ऑर्गन्स बिल्कुल करेक्ट थे और वो जल्दी होश में आ जाएगी। उधर ही को दिखाते हैं, अब तो वो देवदास बनकर बस यर्लिन को ही याद करता रहता था। उसकी एक एक बात उसे याद आती थी कि वो किस तरह से उसकी केयर करती थी, और वो अपने ट्रिप से उसके लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया था जो उसे देने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उधर लू अपने डॉग के लिए बहुत परेशान था, वो ऑनलाइन भी उसे तलाश कर रहा होता है, जबकि टैंक की मम्मी उसे मिलने के लिए यूएसए से आई हुई थी। वो पहले तो उसे बड़ी प्यार भरी बातें करती हैं और फिर उसके बाद कहती हैं कि यूएसए में वापस आ जाओ, आई थिंक तुम्हारा दिल भर चुका होगा। लेकिन टैंक का कहना था कि मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी मिल चुके हैं, और इसके साथ साथ कोई स्पेशल इंसान है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। उसकी मम्मी कहती है ठीक है, फिर इन सब से मुझे कल मिलवाना। उधर टैंक भी डॉग को तलाश करते करते उस तक पहुंच चुकी थी, और इतने में लू को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब वहीं पर ही टैंक उस डॉग के नए ऑनर से लड़ाई कर रही होती है कि ऊपर से लू भी आ जाता है, और फिर फाइनली लू को अपना डॉग वापस मिल गया था। वो बहुत खुश होता है। अब टैंक उससे पूछती है कि क्या कल तुम फ्री हो, वो उसे अपनी मम्मी से मिलाना चाहती थी, लेकिन लू कहता है काफी सारा ऑफिस में काम है और उसके बाद मैंने गोलिंग को भी देखने जाना है। अब ये बात टैंक को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और वो अपनी मम्मी के आने का उसे बताती ही नहीं है। अब नेक्स्ट डे जब उसकी मम्मी आती है तो जैन और मैंग भी वहाँ पर थे। उसकी मम्मी को वहाँ पर बदलाव काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसके फ्रेंड्स भी बहुत स्वीट थे, और इसके साथ साथ वो मम्मी के लिए कुकिंग भी कर रही होती है। इसी घर में टैंग की बचपन की बहुत सारी यादें थीं, उसकी मम्मी भी ये सब कुछ देखकर खुश हो जाती हैं। उधर हमें गोलिंग को दिखाते हैं कि वो होश में आ गई थी, और मम्मी उसी समय टैंग से पूछ रही थी कि क्या कोई स्पेशल इंसान नहीं जिसे तुमने मुझे आज मिलवाना था। और इतने में दरवाजे पर बेल होती है, आगे देखते हैं तो मिस्टर ही आया हुआ था अपने भाई को कुछ देने के लिए। लेकिन मम्मी तो यहाँ पर जब मिस्टर ही को देखती हैं, वो इतना हैंडसम था और उसकी पर्सनैलिटी इतनी चार्मिंग थी कि वो फौरन से उसे अपनी बेटी के लिए पसंद कर लेती हैं। कहीं ना कहीं उनको यही लग रहा था कि यही तो है उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड। उधर गोलिंग उसी समय लू को बहुत सारी बातें लगा रही होती है, कहती है कि तुम मेरे प्यार में दीवाने थे, मुझसे शादी करना चाहते थे, अब ये सब कुछ कैसे बदल गया। लू का कहना था कि हाँ ये सच है, लेकिन जब तुम 2 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई थी तो ये सारी चीज़ें मैंने हवा में उड़ा दी, और अब मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मेरे साथ है। बेशक वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती जैसे तुम कर सकती थी, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। और उसी समय वहाँ पर सारे मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। टैंक की मम्मी काफ़ी मेटीरियलिस्टिक लग रही थी, वही से बहुत इम्प्रेस होती हैं, और बार बार उससे यही पूछ रही थी कि क्यों ना तुम यूएसए में भी अपनी कंपनी की एक ब्रांच खोल लो। अब उनकी बातों से कहीं ना कहीं स्मेल आ रही थी कि वो अपनी बेटी के लिए ही को लाइक कर बैठी हैं। लेकिन अब मिस्टर ही काफ़ी बदल चुका था, वो साइड पर जाता है और यही इन्फॉर्मेशन जाकर लू को देता है कि तुम्हारी होने वाली सासू माँ आ गई है, खतरा है, इसलिए फ़ौरन से पहुँच जाओ। और थोड़ी देर बाद लू को जैन की भी कॉल आती है जो यही बात उसे इन्फॉर्म करने लगा था। बातों ही बातों में टैंग की मम्मी पूछने लगती है ही से कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। अब ये सुनते ही टैंग हैरान रह जाती है, और इतने में दरवाजे पर नॉक होता है। मिस्टर लू आता है और कहता है कि एक्चुअली मैं टैंग का बॉयफ्रेंड हूँ और आपसे मिलने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए मम्मी को पता चलता है कि टैंग मिस्टर लू की कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही है, तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है, और वो कहती हैं क्या तुम्हें इसकी क्वालिफिकेशन भी पता है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही है। लेकिन मिस्टर लू का कहना था कि जहाँ पर टैंग खुश है, जो काम वो करना चाहती है, मैं भी उसी की खुशी में खुश हूँ। ये बात मम्मी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल थी। वो कहती हैं कि ठीक है, फिर सारे लोग एक बात सुन लो कि टैंग जल्दी मेरे साथ वापस जा रही है यूएसए में, मैंने इसके लिए एक बहुत बड़ी जॉब का अरेंज किया है, और ये वहीं पर ही अपना कैरियर रीस्टार्ट करेगी। अब बस इसी बात से टैंग की और मम्मी की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि टैंग वहाँ जाने से इनकार कर देती है। अब मिस्टर लू टैंग के पीछे पीछे जाता है, उसे मनाता है, उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करता है, और पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी मम्मी आई हुई हैं। टैंग कहती है मैं बहुत जेलस हूँ, चाहे तुम मुझे सेल्फिश समझो या जो मर्जी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम गोलिंग के करीब ना जाओ और उसे हर ताल्लुक तोड़ दो, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ नहीं देख सकती। और फिर फाइनली मिस्टर लू उसे मनाने में कामयाब हो ही जाता है। उधर ही जैन के साथ वॉक पर जाता है, और बातों बातों में उसे बताने लगता है कि मैंने सुना है कि मैंग को एक बहुत अच्छी जगह से सेलिब्रिटी बनने की ऑफर हुई है, लेकिन लगता है कि वो तुमसे सच्चा प्यार करती है, तभी तो अब तक उसने वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर सिंगल रहने की भी क्लॉज थी। अब ये बात जैन को ही से पता चलती है, तो वो बहुत उदास हो जाता है कि मैंग ने उससे क्यों ये बात नहीं की। अब वो कुछ दिनों से बार बार मैंग को इग्नोर किया जा रहा था, और मैंग पर अलग दबाव था कि वो फैसला करे कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना भी है कि नहीं।
अब जैन अपनी सारी टेंशन जाकर मिस्टर लू से शेयर करता है और कहता है कि उसे मुझसे ये बात तो करनी चाहिए थी, मैं उसके रास्ते की रुकावट ना बनता, लेकिन उसे मुझसे शेयर करना चाहिए था। मुझे तो शक होने लगा है कि हम वाकई क्लोज हैं। उधर मैंग भी ड्रिंक करने लगती है। वो बहुत परेशान थी और टैंक से ये सारी बातें शेयर करती है, और उसे ये भी अंदाज़ा था कि जैन को ये बात कहीं और से पता चल गई है और वो मुझसे बहुत नाराज़ है। अब यहाँ पर लू और टैंक दोनों प्लानिंग करते हैं कि इनकी किसी तरह से सुलह करानी है। तो अब नेक्स्ट डे वो लोग कार रेसिंग के लिए एक जगह पर जाते हैं और वहाँ पर मैंग और टैंक भी पहुँच जाती हैं। मैंग जैन को बहुत बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बहुत कोल्ड बिहेव कर रहा था। टैंग और लू बार बार कोशिश करते हैं कि किसी न किसी बहाने से वो दोनों क्लोज आ जाएं, लेकिन जैन वो बहुत रूड हो रहा था। अब यहाँ पर ये फ्रेंड्स काफ़ी देर तक खेलते हैं, बहुत देर तक रेसिंग करते हैं और इन्जॉय करते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि लगता है कि मैंग को चोट लग गई थी। अब जैन को उसकी बहुत परवाह हो रही थी, वो उसके पास आता है और यहीं पर ही वो दोनों एक दूसरे से बातें क्लियर कर लेते हैं। जैन उससे कहता है कि मुझे अगर तुमसे नाराजगी है तो इस बात पर है कि तुमने मुझसे कुछ शेयर क्यों नहीं किया, और मैंग का कहना था कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही नहीं चाहती। लेकिन जैन कहता है बेशक ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी हम दोनों अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रख सकते हैं, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे ड्रीम के लिए। अब नेक्स्ट डे मैंग उसी मैनेजर के पास जाती है, लेकिन जाकर उसे इनकार कर देती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसका रिलेशनशिप दुनिया से नहीं छुपा सकती। अब वो उसे सॉरी करती हुई बाहर निकल आती। अब वो मैनेजर ये खबर फौरन से मिस्टर ही को देता है और मिस्टर ही आगे से उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। उधर मैंग जैन को कहती है कि मैंने यही फैसला किया था कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करूंगी, मैं तुम्हें लाइफ में एक्नॉलेज करना चाहती हूं क्योंकि तुम मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो, और जहां तक चांसेस की बात है लाइफ मुझे और भी देगी। लेकिन फिर इसके साथ ही उसे कॉल आती है और पता चलता है कि सिंगल रहने वाली क्लॉज अब खत्म कर दी गई है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। उधर मिस्टर लू से अब मम्मी एक पूरा पूरा इंटरव्यू लेती हैं, उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स पूछती हैं और कहती हैं कि क्या तुम जानते हो मैं चाहती हूँ कि टैंक का फ्यूचर बहुत ब्रिलियंट हो। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड पर डिपेंड करे। मिस्टर लू अब उनसे इतना समय मांगता है, कहता है कि मैं खुद को प्रूफ करके दिखाऊंगा। एक्चुअली उसके माइंड में हैश का प्रोजेक्ट था, उसे लगता था कि वो ये विन कर सकता है। जबकि उधर गोलिंग एक दफ़ा लू से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि क्या हम दोबारा से एक हो सकते हैं, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, शायद अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है, मैंने आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी लेकिन आज तुमसे मांगती हूँ। अब मिस्टर लू का कहना था कि मैं मानता हूँ मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब मेरे दिल में कोई और है, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों हालात ख़राब ना करें, एक दूसरे की लाइफ से निकल जाएं। मिस्टर लू की बस यही डिमांड थी कि वो उससे अपने रिलेशनशिप और हर तरह का ताल्लुक एक अच्छे नोट पर ख़त्म करना चाहता था, बुरी यादों के साथ नहीं। दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाते हैं कि मिस्टर ही और जैन के बीच अब रिलेशनशिप्स काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं, और मिस्टर ही को अब मैंग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसने अपना कैरियर उसके भाई के लिए सैक्रिफाइस करके खुद को प्रूव किया था कि वो उससे सच्चा प्यार करती है। यहाँ पर जैन भी मिस्टर ही को छेड़ता है और कहता है कि अगर मुझे कोई भाभी चाहिए तो वो यर्लिन ही होनी चाहिए, उसके अलावा किसी और को मैं भाभी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूँगा और मैं उससे बहुत रूडली बात करूँगा अगर तुम किसी और को लेकर आए तो। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में मिस्टर लू के लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ थी, और वो यही थी कि गोलिंग ने अपने सारे शेयर्स विदड्रॉ कर लिए हैं। उसकी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, और साथ ही साथ एक और बात भी हमें पता चलती है, और वो ये थी कि एक्चुअली जेसिका ही वो गद्दार थी जो उनकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन दूसरों को लीक किया करती थी। मिस्टर लू काफ़ी परेशान होता है, उसने अब सारे शेयर्स गोलिंग से ख़रीद लिए थे लेकिन उसके बाद उसकी कंपनी के पास ज़्यादा पैसा नहीं बचा था, और अब उनके फंड्स इतने कम थे कि वो फैसला करता है कि हैश के प्रोजेक्ट की बिडिंग में से हम बाहर जाते हैं, क्योंकि वो अब अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन उसने वार्न कर दिया था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ये खबर किसी से भी शेयर नहीं करेगा। उधर गोलिंग को दिखाते हैं, वो कहती है कि मैंने अपनी लाइफ से अब लू का चैप्टर क्लोज कर दिया है और मैं नेक्स्ट ही वीक वापस यूएसए जा रही हूँ, और फिर यही बात वो मिस्टर ही को भी बताती है और उससे कहती है कि यर्लिन तुमसे बहुत प्यार करती है, उसे तुम्हारी हर पसंद नापसंद का पता है, तुम्हारी फेवरेट कॉफ़ी भी उसी ने ऑर्डर की है, लेकिन तुम्हारा नाम सुनते ही कि तुम आ रहे हो फौरन यहाँ से भाग गई है। टैंग एक दिन अपनी मम्मी के साथ डिनर कर रही होती है कि उसे कॉल आती है और पता चलता है कि मिस्टर लू कोलैप्स कर गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। एक्चुअली वो ओवरवर्क कर रहा था और इसके साथ साथ उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी अपनी कंपनी के शेयर्स को लेकर, इसी वजह से उसकी हेल्थ ख़राब हुई थी और ये नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर सका था। अब टैंक को बहुत गिल्टी फील होता है कि उसी की वजह से गोलिंग ने इतना बड़ा शौक लू को दिया है। वो सोचती है कि काश मैं इसकी लाइफ में आती ही ना तो सब कुछ नॉर्मल होता, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। वो कहती है कि मैं तुम्हारे जागने का वेट कर रही हूँ, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और इस कंपनी को दोबारा ऊपर उठाएंगे।
मिस्टर लू 3-4 दिन तक बेहोश रहता है, लेकिन फिर फाइनली वो होश में आ जाता है और टैंग उसे देखकर बहुत खुश हो गई थी। उधर हमें मैंग और जैन को भी दिखाते हैं। वो दोनों भी बहुत हैप्पी कपल लग रहे होते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी और मैंग का ड्रीम भी पूरा होने वाला था। अब मिस्टर लू ठीक होने के बाद मम्मी से मिलने के लिए जाता है। वो अब मिस्टर लू को समझने लग गई थी। उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने उसकी बेटी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है जो कोई और नहीं दे सकता। वो कहती हैं कि मैं गलत थी, तुम ही बेस्ट पार्टनर हो जो टैंग को मिल सकते हो। इसलिए वो फैसला करती हैं कि वो USA वापस चली जाएंगी और टैंग की लाइफ में और इंटरप्ट नहीं करेंगी। उधर हमें अल्बर्ट को दिखाते हैं। उसने हैश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अब मिस्टर ही के साथ साइन कर लिया था। अब मिस्टर ही TV पर इंटरव्यू दे रहा होता है, और उसके विन करने में एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी थी कि मिस्टर लू की कंपनी इस बिडिंग से बाहर हो गई थी। अब लू को ये देखकर कहीं ना कहीं काफ़ी जालसी तो हो रही थी, लेकिन टैंग उसे शांत कराती है और उसके बाद उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है ये सोचकर कि उसकी लव, उसकी लाइफ उसके साथ है। मिस्टर ही सक्सेसफुल होने के बाद सबसे पहले यर्लिन के पास आता है उसे मनाने के लिए। और मज़े की बात है कि यर्लिन ने अपने घर का पासवर्ड भी मिस्टर ही की बर्थडे का ही रखा हुआ था, और वो तुक्का लगाकर सीधा घर में एंटर हो जाता है। वो यर्लिन को मनाता है, फिर से फ्रेंड्स बनना चाहता था, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है। कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनना चाहती, या तो मुझे तुम गर्लफ्रेंड का स्टेटस दो या फिर मेरी लाइफ से निकल जाओ, क्योंकि सिर्फ फ्रेंड बनकर मैंने बहुत सालों तक देखा है, अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मिस्टर ही उसे आर्ग्यू करने लगता है और कहता है कि एक्चुअली मेरी लाइफ में रोमांटिक रिलेशनशिप ज़्यादा स्टेबल नहीं रहे, इसीलिए मैं तुम्हें फ्रेंड रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता। अब आगे से यर्लिन रोती है और काफ़ी गुस्सा करती है। अब मिस्टर ही उसे शांत कराने के लिए उसे एक किस करता है, और इसके साथ ही वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं ऑफिशियली। मिस्टर लू की कंपनी को आजकल फंड्स की कमी हो रही थी, लेकिन आइडियाज़ की कोई कमी नहीं थी। वो दोनों मिलकर एक चाइल्डहुड रीलिव ऐप बना रहे थे, लेकिन एक लड़का वहाँ पर आता है जिसका नाम शू था। ये वही लड़का था जो एक दफ़ा उनको किड्स लैंड में मिला था। उसको इस तरह के ऐप के आइडियाज़ काफ़ी पसंद आते हैं, बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं, और वो सुपर रिच भी था, और वो कहता है कि इस ऐप को मैं फाइनेंस करूंगा, यानी कि अब उनके फाइनेंशियल क्राइसिस के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने लगे हैं। उधर यर्लिन काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव गर्लफ्रेंड थी। वो हमेशा मिस्टर ही का फ़ोन चेक करती थी, और जो फजूल किस्म के लड़कियों के कॉन्टैक्ट्स होते थे उन्हें अपनी मर्जी से डिलीट भी कर देती थी। लेकिन उसका इस तरह से हर चीज़ को हैंडल करना मिस्टर ही को बुरा नहीं लगता था, वो उसके साथ बहुत खुश नज़र आता है। अब फाइनली मिस्टर ही की रोमांटिक लाइफ भी काफ़ी स्टेबल हो चुकी है, और फिर इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि लू और टैंग बहुत खुश नज़र आते हैं। लू ने उसके लिए एक सरप्राइज अरेंज किया था, जहां पर अपने वो वही सॉन्ग को दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं जो वो स्कूल लाइफ में गाने वाले थे, लेकिन फिर टैंग के चले जाने की वजह से उन्हें मौका नहीं मिला था, और वो वही सॉन्ग गा रहे होते हैं। और इसके साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।